कि हम विश्व आयुर्वेद परिषद और इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की ओर से उनको सम्मानित करते कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में कम जुड़ते हैं, फिर भी उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। ये उनकी एक विशेष हमें प्रेम मिलता रहा है और ऐसा मिलता रहेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। मैं विष्णु प्रसाद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ सभी के स्वागत के लिए। आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा जी, शायद कनेक्शन कट है जी, कनेक्शन वो आसाम में कनेक्शन शायद कट। मैं आदरणीय गोविंद शुक्ला जी से जो अभी उनको सल्यूट करता हूँ सबसे पहले कि एक तो वो यात्रा में हैं, उसके बाद भी हमसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपसे हम आशीर्वचन चाहते हैं विश्व आयुर्वेद परिषद को, हमको, कि हम इस कार्यक्रम को कैसे ले जाएं, कहां ले जाएं। यत् प्रभाषी भाषाद्यभिवादनम् आयुर्वेदम् ज्योतिः शाश्वतम् न प्रकाशितम्। आज के इस चरक जयंती के पावन पर्व पर मैं सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करता हूं, सभी का अभिनंदन भी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता, जो पूरे एक पक्ष भर ये कार्यक्रम पवन जी के माध्यम से चलने वाला है, इस कार्यक्रम में जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्रद्धेय बनवालाल जी घोट साहब गुरु जी, अन्य सभी विद्वान आचार्य और इस कार्यक्रम के सूत्रधार परमाननीय, जो कि अपने एक विशेष किसी भी दराज के क्षेत्रों से जिन विद्वानों को हम प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं सुन पाते हैं, उनको सुनने का एक अवसर प्रदान किया है, ज्ञान के वर्धन का एक अवसर प्रदान किया है। और 15 दिन तक चरक के गूढ़तम विषयों को देश भर के विद्वानों के माध्यम से दूर तक करके जो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही निश्चित रूप से ये बिल्कुल ये स्पष्ट विषय है कि पूरे देश के नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर भी यदि हम संपूर्ण स्वास्थ्य की और समग्र स्वास्थ्य की सिद्धांतों के माध्यम से ही निकलने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य संरक्षण की भी बात करते हैं तो नोताहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष सकता दाता समय समाना ऐसे जो मूलभूत बार बार आचार्य इसी बात को कहते हैं, आयु कामय मानन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो दिशु विदेश परमाद रहे। अगर काल भोजन भी करते हैं तो काल भोजनम आरभ्य करानाम, तो आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांतों के माध्यम से ही तो निश्चित रूप से चरक का जो मूल है चिकित्सा का और जो मौलिक ध्येय को लेकर के अन्य औषधियों का भी आविष्कार हुआ है, चाहे वो रसौषधियों का विषय हो, लेकिन सबके पीछे अंतर्भाव में मात्र वही आचार्य चरक की जो चिकित्सा का मौलिक अवधारणा है, प्रयोग है समिति व्याधि जो अन्योन्यम विषय, तो ऐसी स्थिति में जो विशुद्ध चिकित्सा है वह विशुद्ध चिकित्सा चरक और आयुर्वेद के माध्यम से ही प्राप्त होगी। और ऐसे मौलिक विचार वैश्विक तत्वों के माध्यम से ही निश्चित रूप से स्वास्थ्य का संरक्षण और संपूर्ण विश्व को यदि हम निरापद चिकित्सा प्रदान करने की क्षमता ग्रंथों के माध्यम से निकलने वाली गुरुदेव को और संहिता के विद्वान बहुत से साथी ब्रजेश जी सभी लोग बैठे हुए हैं, उनको हम सुनेंगे। निश्चित रूप से मैं अपना अधिक समय नहीं लेकर के सभी विद्वान जनों को पुनः अपनी ओर से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और पवन जी का जिस ध्येय को लेकर के इस कार्यक्रम को चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी संकल्प सिद्धि हो, इसी प्रकार की एक ईश्वर से प्रार्थना करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। गुलदस्ते नहीं है, हमारे मन के फूल है गुरुदेव, स्वीकार कीजिए, क्योंकि यहाँ फिजिकली फूल नहीं दिए जा सकते। हमारी ये श्रद्धा सुमन है
जो आपको हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं आदरणीय अग्निहोत्री। काइंडली अनम्यूट अग्निहोत्री। आप म्यूट हैं। यस प्रणाम सर। प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर पवन शर्मा जी। ये सबसे पहले तो आज नाग पंचमी त्योहार की और महर्षि चरक जयंती दोनों के ही बहुत बहुत बधाई। हम दोनों के ही ऋणी हैं और अब तो दोनों को एक ही मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं प्रतीत करते हैं। स्वरूप अलग था, भाव और ज्ञान और जीवन के प्रति रक्षा, क्योंकि एंटी वनम भी रक्षा कर लेता है। तो इस हिसाब से जहां एक तरफ महर्षि चरक के ज्ञान ने जीवन की रक्षा की, जीवन देने की बात कही, वैसे ही हम सर्पराज को भी प्रणाम करते हैं और उनके पूरे खानदान पूरे परिवार को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसके कारण ही हमारी तो मनसा माता यहाँ हरिद्वार में विराजमान है। तो ये मान के चलते हैं कि बिना उनके सर्पराज की भी गति नहीं है, वासुकीराज की गति नहीं है। तो आज के शुभ अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं चर्चा करने के लिए, तो हमारे गुरु नाम गुरु प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जी, जिन्होंने भारत की विभिन्न शीर्षस्थ संस्थाओं को अपने कर्तव्य निष्ठा और अपने ज्ञान से पल्लवित और पोषित किया है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सर राधा कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, वहाँ के वाइस चांसलर होके उन्होंने जो हमारे पूरे आयुर्वेद के जिज्ञासुओं को जो ज्ञान से भरा है, उसके लिए हम और हमारी अगली सारी पीढ़ियां आपके ज्ञान की ऋणी रहेंगी। तो आज ये अवसर मिला है कि जब हम कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल इतना कह सकते हैं कि चरक संगीता सिर्फ हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं, महर्षि चरक उससे कहीं आगे हैं और महर्षि चरक का ज्ञान, महर्षि चरक की दार्शनिक दृष्टिकोण और महर्षि चरक के द्वारा दिया गया जीवन यापन, स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चाएं बनी, उसके बाद नंबर आता है चिकित्सा का। जैसे कि खांडेल साहब भी कहते हैं, प्रोफेसर नवाईलाल भी हमेशा अपने श्री वचनों में ये बात हमेशा डालते रहे हैं कि चरक संगीता या आचार्य चरक जी केवल अस्वस्थों की चर्चा नहीं करते रहे, स्वस्थ हैं और स्वस्थ बना रहे, जो आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन था, इस पर विशेष बल दिया गया। और यही वजह है कि जो पूर्वार्ध है वो इसी रचना से किया गया है। और जबकि हम दीर्घ द्वितीय अध्याय की बात करते हैं, उसके तुरंत बाद जब आरगवदी और अपामार की बात करते हैं, तो वहां जाके पता लगता है कि अस्वस्थ तो है ही नहीं, हमें तो स्वास्थ्य वर्धक चर्चा करनी है। तो हम कुछ भी आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सबका सुना हुआ बोल रहे हैं और जिनसे सुना है वो प्रत्यक्ष हमारे दर्शन दे रहे हैं। तो हमारे लिए परम खुशी की बात है कि हम बहुत ही विनम्रता के साथ में, बहुत ही आदर के साथ में प्रोफेसर रुनाई लाल जी को उनके आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए आज के इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर पवन शर्मा जी की आप मुझे पवन शर्मा जी के आदेशानुसार आपके आपकी श्रीवृद्धि हमेशा होती रहे और हम लोगों की ज्ञान वृद्धि आपके द्वारा होती रहे, इसी मनोकामना के साथ में आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सुशोभित करिए और आपकी ज्ञान का हम श्रवण लाभ लेने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा जी को। आप बाकायदा परंपरागत तरीके से प्रोफेसर मनवारी लाल जी को बुलाइए, जिससे कि हम लोग उनके उस ज्ञान का थोड़ा सा हम भी लाभ ले सके। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत। आप म्यूट हैं। धन्यवाद। आवाज नहीं साफ आ रही है, आज आपका भी नेट का कुछ प्रॉब्लम है, बहुत आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय गौड़ साहब, ठीक है, एक लीजेंड पर्सनालिटी है, हम लोगों को उनके दर्शन हो रहे हैं और ज्ञान मिल रहा है, ये हम सौभाग्यशाली। मैं बिना आपके और उनके बीच रुकावट बने, मैं सर्वप्रथम उनको आमंत्रित करता हूँ उनके उद्घाटन उद्बोधन के लिए। आदरणीय बनवारी लाल गौड़ जी, हमारे दूसरे चरक शिरोमणि सम्मान प्राप्त आदरणीय तपन कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। स्वागतम स्वागतम। आदरणीय बनवारी लाल गौड़ जी से आग्रह करता हूं कि हमें आशीर्वचन। गुणत्रय विभेदेन मूर्ति त्रय मुपेयुषे
त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। आवाज आ रही है? जी जी। सबसे पहले प्रोफेसर गोविंद शुक्ला जी, जो मेरे प्रिय शिष्य हैं और इस कार्यक्रम के श्रेष्ठतम संयोजक, योजकस्तत्र दुर्लभ की जो बात आचार्यों ने कही है उसको पूर्ण रूप से संसिद्ध करने वाले, सिद्ध और संसिद्ध में अंतर है, सम्यक सिद्ध संसिद्ध होता है, तो उसको संसिद्ध करने वाले श्री पवन कुमार जी शर्मा, अग्निहोत्री जी, तपन कुमार जी और अन्य भी सभी विद्वान जो इसमें जुड़े हुए हैं। आज चरक जयंती है, इसलिए है कि हम इसे मानते हैं कि आज नागपंचमी के दिन ही चरक जयंती होना चाहिए, जैसा कि अभी अभी अग्निहोत्री जी ने कहा। सबसे पहले हम आयुर्वेद की बात यदि देखते हैं तो चरक संहिता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले इस बात को कहा गया कि ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम। ये एक बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। इसका तात्पर्य ये है, ये भी एक सिद्धांत है। अभी आपने जो इसमें लिखा है, आज का जो विषय आपका है कि आयुर्वेद के इसके चरक संहिता के मूलभूत सिद्धांत और प्रैक्टिस, आयुर्वेद का एक इस संहिता का एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिस में काम नहीं आता हो। तो यहाँ ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम जो कहा है उसमें एक सार्वजनीन बात कही है, शाश्वत बात कही है। जो आयुर्वेद को शाश्वत और नित्य कहा है ये चरक ने कहा है, अग्निवेश ने नहीं कहा, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, इसीलिए 30वें अध्याय में जाकर के ये बात आई है। तो उसमें इन्होंने स्मृत्वा का तात्पर्य स्मरण करके, ज्ञान कभी भी उत्पन्न नहीं किया जाता। आज भी अनुसंधान करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो वह आविष्कार उस दिन उत्पन्न नहीं होता, उस दिन ज्ञात होता है। इसका मतलब पहले से ही चल रहा है, वो हमें ज्ञात नहीं था। तो ऐसे ही ब्रह्मा भी, उन्होंने भी इसका स्मरण किया और प्रजापति को दिया। प्रजापति ने सीधे शब्दों में यदि कहें अनुसंधान की दृष्टि से, तो कोई मेहनत नहीं की, उनके पास इतना काम था कि प्रजा के परिपालन में व्यस्त थे और इसके प्रति शायद बहुत ज्यादा उनको रुचि भी नहीं रही होगी, इसलिए जैसा था वैसा का वैसा अश्विनी कुमारों को दे दिया, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं, कुछ ऐसा देखा नहीं। लेकिन अश्विनी कुमारों ने क्या किया, अश्विनी कुमारों ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया। और अश्विनी कुमारों में मेरा ये मानना है कि ये दो अश्विनी कुमार जो हैं, इनमें जो अष्टांग हैं, अष्टांग को हम दो भागों में विभक्त कर लें तो सारे के सारे एक काय चिकित्सा में आ जाएंगे कुछ तो, और कुछ शल्य चिकित्सा में आ जाएंगे। इस प्रकार से काय और शल्य ये दो विभाग हो गए, और ये दोनों अश्विनी कुमार एक काय चिकित्सा प्रधान जो पांच विषय थे उनमें विशिष्ट थे, विशेषज्ञ थे, और दूसरे अश्विनी कुमार हैं वो उन तीन में विशेषज्ञ थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, अर्थात दोनों उन विषयों को भी जानते थे, लेकिन विशेषज्ञता एक एक की इन इन एक एक काय चिकित्सा प्रधान विषयों में उनमें थी। इन्होंने बहुत अनुसंधान किए, अनेक अनुसंधान किए, बहुत चिकित्सा की और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, इसका ज्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है इस। लेकिन इनको ये ज्ञान आगे देना था तो उन्होंने श्रेष्ठ शिष्य समझ करके इंद्र को दे दिया। वही बात जैसे प्रजापति ने ली थी वैसे ही इंद्र ने भी लेने के बाद बहुत ज्यादा श्रम नहीं किया, और उन्होंने अपने पास ज्यों का त्यों रखा लगभग। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी ऋषियों ने इकट्ठे होकर के जब
भरद्वाज को वहां भेजा तो उन्होंने वो ज्ञान भरद्वाज को वैसा ही दे दिया। भरद्वाज पृथ्वी पर आए तो उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो जैसा था वैसा का वैसा दे दिया। इसलिए इसके बाद के जितने भी हम ग्रंथ देखते हैं वे आविष्कृत तम स्वरूप के हैं, ये एक विशिष्ट बात ध्यान देने की है। अर्थात उन्होंने भरद्वाज से ये ज्ञान लिया, लेकिन ज्ञान लेने के बाद भी उन्होंने अनेक प्रकार के परिष्कार किए, अनेक प्रकार के परीक्षण किए, जैसा कि विमान स्थान के 8वें अध्याय में उन्होंने एक सिद्धांत भी निश्चित किया है कि किस प्रकार आविष्कार करना चाहिए, सिद्धांत को कैसे निश्चित करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय एक निश्चित प्रकार की विधियां थी और अनेक प्रकार के अनुसंधान संस्थान उस समय स्थापित थे पूरे आर्यावर्त में। अनेक संस्थान स्थापित होने का ये प्रमाण है कि हम 12वां अध्याय देखते हैं तो वहां अनेक ऋषि एकत्रित हुए हैं, भद्रकाप्य हैं, मरीचि हैं और वो ये वार्योविद हैं, तो ये आकर के अपनी बात कहते हैं। इसका मतलब ये अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने अपने अनुसंधान केंद्रों में इन्होंने अनुसंधान किया। उसके बाद आगे भी देखते हैं तो बड़िश धामार्गव है, कुमार सिरा भरद्वाज है, अन्य भी बहुत से आचार्य हैं जिन्होंने अनुसंधान किए और उन अनुसंधानों को सबके सामने प्रस्तुत किया, उसमें क्या संशोधन हो सकते हैं, किस प्रकार का ग्रहित किया जा सकता है उनको किस प्रकार से, ये सब बातें वहां विद्वानों में निश्चित होती थी। अब इसमें हमको ये देखना है कि आत्रेय ने जो ज्ञान दिया वो केवल ऐसे ही नहीं दिया, आत्रेय ने प्रैक्टिस पूर्ण, जो आपने लिखा ना प्रैक्टिस प्रायोगिक, ये प्रायोगिक ज्ञान साथ के साथ दिया, इसलिए अनेक स्थानों पर उन्होंने विचरण भी किया। तो ऐसे आचार्य जिन्होंने अनेक स्थानों पर विचरण, कौन जी मेरे को इशारा कर देना कितनी देर बोलना है, नहीं मेरे तो गाड़ी रुकती नहीं है, तो ये मत जाता है, मेरा आशीर्वाद है जी, 20-25 मिनट बहुत है, आराम से गुरुदेव जितना आप बोले, नहीं जितना तो बहुत है। आपको निर्देश देने या रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, नहीं क्षमता की जरूरत नहीं, जैसे चरक अनंत है वैसे आपका ज्ञान अनंत है, आप प्रवाहमान बने रहिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो उसमें क्या है कि इन आचार्यों ने अनेक स्थानों पर आविष्कार किए, अनुसंधान किए, स्थान स्थान पर किए, प्रश्न भी उपस्थापित किए। आप देखिए कि दूसरे व्यक्तियों के को इन्होंने महत्व भी दिया, आत्रेय भद्र का पी अध्याय देखते हैं 10वां सूत्र स्थान का, तो उन्होंने ने आत्रेय मैत्रेय का भी जो प्रसंग है वो देखते हैं, तो वहां न से मैत्रेय तुल्यानाम मिथ्या बुद्धिम प्रकल्पति, ऐसा भी कहा है उन्होंने कि ये मिथ्या बुद्धि है, इस तरह का भेषजम है भेषजेन है विशिष्टम जैसा प्रश्न उपस्थापित करके भ्रमित मत करिए आप। और एक स्थान पर अग्निवेश ने भी कोई बात पूछी है, नैतत् पंचशतानि पूर्यन्ते आचार्य को, तो उन्होंने उसको उनको भी डांट दिया, अरे के मूर्खों की तरह बात मत करो शिष्य, ये इसको विचार लगाओ कि एक विषय को बार बार बताने के बजाय आचार्य ऐसा संक्षिप्त निर्देश देना चाहता है कि छोटे से छोटे व्याख्यान में ज्यादा से ज्यादा विषय संस्थापित हो जाए। अब थोड़ी सी बात बीच में ये कर लेते हैं कि आत्रेय ने अग्निवेश को और भेड़ जतुकर्ण पराशर आदि सभी को ज्ञान दिया, लेकिन अग्निवेश का तंत्र ज्यादा प्रचलित हुआ, उसका संभवतः दो कारण हो सकते हैं। एक तो अग्निवेश सभी बुद्धि में सभी बराबर थे, लेकिन बुद्धि विशेषस तत्रासी नोपदेशासन तरम मुने, बुद्धि विशेषस तत्रासी, तो बुद्धि का वैशिष्ट्य था, तो इनमें सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि थी और सभी बराबर बुद्धि वाले थे, सबने अपने अपने दृष्टि से विश्लेषण किया, जब सबने अपने अपने दृष्टि से विश्लेषण किया तो अग्निवेश तंत्र ज्यादा प्रचलित क्यों हुआ, उसका एकमात्र कारण मैं जैसे मानता हूं, एक तो संभवतः अपनी पीठ पर जो आत्रेय पीठ थी उस आत्रेय पीठ पर शायद उत्तराधिकारी के रूप में अग्निवेश को संस्थापित किया होगा, उसको बैठाया होगा।
दूसरा उनका विषय विवेचन का जो स्वरूप है वो अत्यंत सरल था। जिस तरह से व्यावहारिक रूप में सबके समझ में आ जाए इस तरह का निर्देश जब उन्होंने किया तो इसका तात्पर्य यह है कि वो ज्यादा ग्रहित हुआ। लेकिन समय के साथ बहुत ग्रंथों में बहुत परिवर्तन आता है, समय के साथ बहुत प्रकार के प्रायोगिक स्वरूप में बहुत अंतर आता है, समय के साथ साथ विषयों अनेक प्रकार के आविष्कार होते हैं, उन सबको सम्मिलित यदि नहीं करते हैं तो पूर्व ग्रंथ जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रह पाता है। इसलिए लगभग 1000 वर्ष का अंतराल हो गया, 900 वर्ष का अंतराल हो गया अग्निवेश तंत्र का निर्माण करने के बाद। चरक ने जब इसका प्रतिसंस्कार किया तो लगभग 900 वर्ष हो गए। अब इसमें एक बात और है, पाणिनि जो है वो व्याकरण आई सातवीं ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में, अग्निवेश तंत्र का निर्माण हुआ ईसा पूर्व ग्यारहवीं शताब्दी में या 1000 से 1500 ईस्वी के बीच में। तो उस समय की संस्कृत में, यद्यपि व्याकरण के विद्वान उस समय भी थे, अनेक विद्वान हुए, लेकिन जितना व्यवस्थित पाणिनि ने किया वो ज्यादा ग्राह्य था, सुग्राह्य था। तो इसलिए ये भी आवश्यक हो गया उसमें बहुत से शब्दों को, बहुत से पदों को, व्याकरण के स्वरूप को व्यवस्थित किया जाए। तो ये व्यवस्थित करने वाली जो बात आई तो उसमें चरक ने किया ये काम। अब जब चरक ने ये काम किया तो चरक का एक विशेष बात और है कि उन्होंने इस संपूर्ण विषय में उस अंतराल के बीच में जितने भी आविष्कार हुए, जितने भी योग हुए, जितने भी अन्य विषय विशेष थे, उन सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ परीक्षण भी किए, दूसरे लोगों के परीक्षण को भी समावेश किया, ऐसा नहीं कि खुद का ही किया हो। इसमें आप देखिए अनेक आचार्यों के नाम से आपको योग मिलेंगे और खुद ने इस बात को सूत्रस्थान के 26वें अध्याय में और विमानस्थान के 8वें अध्याय के 149वें सूत्र में इस बात को कहा भी है कि आप अपनी मर्जी से, आपको यदि समय के अनुकूल किसी चीज में अनुकूलता प्रतीत नहीं होती हो तो आप उसको बदल सकते हो। तो इसका मतलब बदल सकते हो, इसका तात्पर्य यह है कि समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। इसलिए सूत्रस्थान के 20वें अध्याय में जब 80 40 और 20 वाद पित्त और कफ के रोगों को कहा तो आविष्कृत तमा व्याख्याता भवंती, अब तक के जो आविष्कार हो चुके हैं वो आविष्कृततम, अपडेट, आविष्कृततम का तात्पर्य अपडेट, आज तक का हमने सब इसमें ले लिया है। लेकिन आप ये देखिए उसके बाद हमने उसी को एक लाइन मान ली और उसके बाद आगे बिल्कुल नहीं बढ़े, बढ़ना चाहिए। तो ये आविष्कार यदि ऐसा नहीं होता तो वो अन्य सिद्धांतों की तरह इसको भी सिद्धांत कह देते, सिद्धांत व्याख्याता भवंती, आविष्कृतमा भवंती नहीं कहते। तो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत से विषयों को उन्होंने इस प्रकार का संकेत किया। अब अग्निवेश के बाद, अग्निवेश तंत्र के बाद जब प्रतिसंस्कार चरक ने किया तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा विचार नहीं करूंगा इसमें, बहुत लंबा हो जाएगा, चरक कौन थे थोड़ा सा तो जानना चाहिए। तो चरक के लिए कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद की शाखा थी एक, उसको चरक कहते थे क्योंकि वेदों के अनेक शाखाएं हैं और उन एक शाखा ऐसी थी जिसको चरक कहा करते थे, तो कहते हैं कि संभवतः चरक वो थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि योगी चरक थे, ऐसा अनेक ग्रंथों में मिलता है कि चरक एक योगी थे, अतः उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि भ्रमणशील समुदाय चरक है, मतलब चरक कोई एक व्यक्ति नहीं है, अनेक व्यक्तियों का एक समुदाय है जिसने
इस समुदाय को व्यवस्थित किया, इसको किया। अब कुछ का मानना है कि पतंजलि एवं चरक एक ही है, और ये तो ज्यादा जो है संशय पैदा किया है स्वामी कुमार ने, जो सातवीं शताब्दी में चरक पंजिका के व्याख्याकार हुए हैं उन्होंने, एक चक्रपाणी ने, पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृति, उन्होंने एक ही मान लिया। और एक हुए हैं सत्रहवीं नहीं 18वीं शताब्दी में व्याकरण के विद्वान हुए नागेश भट्ट, उन्होंने उन्होंने कहा चरके पतंजलि, अर्थात चरक में पतंजलि ये बात कहते हैं। इसका तात्पर्य सीधा तो नहीं कहा, इसका तात्पर्य वो है। तो इस प्रकार से हम ये मान लेते हैं कि ऐसा ही है। अब कुछ का मानना है कि कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, लेकिन ये बात बैठती नहीं है दिमाग, इसलिए नहीं बैठती है कि चरक के समय में उसमें कनिष्क के समय में अश्वघोष हुए हैं, उनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जो अनेक उद्धरण हैं उन उद्धरणों में अग्निवेश तंत्र के भी उद्धरण हैं, और वो जो अग्निवेश तंत्र के उद्धरण हैं वो चरक संहिता के उद्धरणों से मेल नहीं खाते। मतलब वैसे तो विषय तो है एक जैसा, लेकिन शब्दों में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से कुछ मान का मैं मानना है कि कनिष्क के राजवैद्य जो है वो चरक थे, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। अब जो हम मान रहे हैं, जिस बात को हम मान रहे हैं, वो शेष नाग के अवतार चरक को मान रहे हैं, और इसको जैसा अभी मैंने बताया सातवीं शताब्दी में इन्होंने स्वामी कुमार ने, ग्यारहवीं शताब्दी में चक्रपाणी ने, सोलहवीं शताब्दी में भाव प्रकाश ने, उसने उन्होंने भाव प्रकाश स्पष्ट ही कह दिया कि यही है। हालांकि स्पष्ट तो इन्होंने भी कहा है, स्वामी कुमार ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा, और फिर 18वीं शताब्दी में नागेश भट्ट, और हम सब भी अब शेषनाग के अवतार के रूप में ही चरक को मान लेते हैं। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि पतंजलि एवं चरक एक ही है, और उसका कारण क्या है, पतंजलि भी शेषावतार है और ये भी चरक भी शेषावतार है, तो ये मानना ठीक नहीं है, बहुत अंतर है इस पर व्याख्या यदि विश्लेषण करें। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक जो विषय मैंने ये आठ विषय बताए हैं, इन आठ में प्रत्येक में ये वैशिष्ट्य है कि आप जिसका भी तर्क दे हो तो तर्क देते समय यूं लगता है यही ठीक है। जिस प्रकार से उसमें चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में आत्रेय कहते हैं मुक्त्वैवं वाद संगतम अध्यात्मम अनुचिन्त्यता, ये वाद संगत छोड़ दो और अध्यात्म का चिंतन करो। तो इस प्रकार से ये लंबी हो जाएगी बात, पर उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, इसलिए हम भी क्या करते हैं वाद संगत को छोड़ करके आज की तारीख में केवल, क्योंकि प्राचीन काल में एक विशेष बात थी कि प्राचीन काल के लेखक स्वांत सुखाए लिखा करते थे, वो अपना परिचय नहीं दिया करते थे, और वर्तमान काल में पहले परिचय देते हैं, ऊपर ही ऊपर लिखते हैं कि लेखक एसना टीका चरक संहिता प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़, और फिर परिचय और देते हैं कि ये है ये है ये है। देना भी चाहिए, गलत नहीं है ना, आज की इस तरह भ्रांतियां उत्पन्न नहीं हो, लेकिन वो नहीं दिया करते थे। ये बहुत बाद में चालू हुआ है, जिसको वैसे हम देखें तो जैसे 12वीं शताब्दी के व्याख्याकार डल्लन ने अपना परिचय दिया है, आगे हेमाद्री ने भी अपना परिचय थोड़ा सा दिया है, ज्यादा नहीं दिया 13वीं शताब्दी में, भाव मिश्र ने भी थोड़ा सा दिया है, ऐसे आगे आगे फिर देते गए, फिर तो बढ़ गया, और आज की तारीख में तो परिचय ही परिचय है, ग्रंथ में कितना महत्व है ये अलग बात है। तो इन सब बातों को देखते हुए एक विशिष्ट बात हमारे समझ में आती है कि हम सारे के सारे इस नाग पंचमी में को चरक जयंती मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों कहीं ना कहीं तो हमको स्थिर रहना ही पड़ेगा, तो स्थिर रहने के लिए पर्याप्त है। चरक और पतंजलि एक नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। शेषावतार दोनों को मान सकते, दोनों क्या कईयों को मान सकते हैं, कईयों को मान सकते हैं। आप अभी किसी को धन्वंतरी की उपाधि दे दो तो वो धन्वंतरी हो गया,
जैसा कि देते हैं आज चरक शिरोमणि की उपाधि देंगे तो इसका मतलब हम चरक हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन ये वैसे ही शेषावतार का स्वरूप है, तो इसको मान करके ऐसे बहुत से शेषावतार हुए हैं, लक्ष्मण को भी शेषावतार मानते हैं। तो ये इन सब बातों से एक बात स्पष्ट सामने आती है कि हम चरक संहिता को एक ऐसा विषय मान लेते हैं कि जिसको चरक ने प्रतिसंस्कृत किया। अब एक बात और, मैं दो बातें थोड़े थोड़े समय में बताऊंगी, और ज्यादा समय हो गया, ज्यादा समय इसलिए हो गया कि पहली सारी बात बताना जरूरी था। अब अग्निवेश तंत्र का नाम चरक संहिता क्यों हो गया, मैंने बहुत सी बातें तो बता दी आपको, लेकिन आप देखिए ईमानदारी बात के ग्रंथ वालों ने भी, और खुद चरक संहिता की मूल पांडुलिपि जो प्रचलित हुई होगी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, उन्होंने भी यही लिखा होगा, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति। बस चरक संहिता हम बाद में लिखने लग गए, और बाद में इसलिए भी ज्यादा प्रचलन हुआ जैसा कि मैंने अभी कहा था, कनिष्क के समय में अग्निवेश तंत्र और ये दोनों प्रचलित थे, धीरे धीरे अग्निवेश तंत्र लुप्त जो भी था साथ में चल रहा था वो लुप्त हो गया और केवल यही रहा। अब लुप्त नहीं हुआ तो भी है जो विश्लिष्ट हो गया। अब इसको चलते चलते थोड़ा सा समय हुआ और पांचवी शताब्दी में आते आते दृढ़बल के समय में फिर थोड़ा सा अंतर आया, अर्थात कुछ विषय इसके नष्ट हो गए। अब कुछ विषय नष्ट हो गए तो ये पांचवी शताब्दी तक आते आते चरक संहिता नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, इसलिए अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चरक संहिता, ये दृढ़बल संपूरित बाद में आया। बाद में आने पर इसका नाम चरक संहिता रखा। किसने रखा? ईमानदार दृढ़बल ने। दृढ़बल बहुत ईमानदार थे, उन्होंने क्या किया, अस्मिन सप्त दशाध्याय सिद्धि कल्पई रपूरयन, इसमें मैंने 17 अध्यायों की पूर्ति की है और सिद्धि और कल्पस्थान की पूर्ति की है। इसमें थोड़ा सा कुछ आज मेरे एक ग्रुप में, किसी ग्रुप में मेरे एक शिष्य प्रोफेसर हैं और विद्वान हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, उन्होंने ये लिख दिया कि असली प्रतिसंस्कर्ता तो दृढ़बल ही थे, उन्हीं को मानना चाहिए। तो मैंने उसमें लिख दिया, अच्छा लिखा है, थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, और ये लिखा है कि वो असली प्रतिसंस्कर्ता नहीं थे, वो प्रतिपूरण करने वाले थे। प्रतिपूरण करना और ग्रंथ का प्रतिसंस्कार करना अंतर है। संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणं च पुनर्नवम्। संस्कर्ता जब संस्कार करता है किसी ग्रंथ का तो पुराने ग्रंथ को भी नवीन की तरह कर देता है, और जब दृढ़बल ने प्रतिपूरण किया तो प्रतिसंस्कार नहीं किया, प्रतिपूरण ही किया। और कितना ईमानदारी से आगे स्पष्ट और लिखा है कि विशेषोंच शिलोच्चयम्, उंच वृत्ति से और शिलोच्चय विधि से मैंने इसको किया है। जो लोग गांवों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने खेती को देखा है, वो आप देखिए जब जो और गेहूं इसकी फसल को देखते हैं तो उस जो और गेहूं की फसल पकने के बाद जब काटते हैं तो उसमें कई तो दाने बिखर जाते हैं और कई जगह बालियां बिखर जाती हैं। तो दोनों को अलग अलग प्रकार से इकट्ठा करते हैं। जो उंच वृत्ति है उसमें उसको बुहारी से इकट्ठा करते हैं या चलनी से, छलनी से छान करके और फिर इकट्ठा उसको इकट्ठा करते हैं, तो वो तो एक एक दाना इकट्ठा किया ना। और शिल वृत्ति में क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे ही जितने भी बालियां हैं उनको उठाना चालू कर देते हैं और बालियां उठा ली। तो ठीक ऐसा क्या सा इन्होंने किया, और चक्रपाणि ने स्पष्टतः उसमें अपनी व्याख्या में लिखा भी है कि इन्होंने उस समय के अनेक जो ग्रंथ थे उनमें से चरक के विभिन्न वाक्यों को
उंच वृत्ति से और शिल वृत्ति से उठा उठा करके रखा। तो इसलिए जो 17 अध्यायों का इन्होंने किया वो प्रतिपूरण किया है, रचना नहीं की। यदि किसी ने जेट की व्याख्या देखी हो तो हरिदत्त शास्त्री जी ने उसका प्रतिपूरण किया है। बीच बीच में बहुत से अंश विलुप्त हैं, उन विलुप्त अंशों को लिखा है, लगभग ठीक है पर वो नहीं मिले इसलिए अपने नाम से ही लिखे। और अपने नाम से लिखने का तात्पर्य ये है कि वो प्रतिपूरण है, रचित नहीं है। इसलिए ये बाद में 5वीं शताब्दी के बाद में अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़ बुल संपूरिते चरक संगीता, ये मेरा मानना है। हो सकता है दूसरे किसी विद्वान का दूसरा मत हो, और मत तो सभी पूजनीय होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के विषयों को इसमें जे समाविष्ट किया है, जिस तरह से समाविष्ट किया है उससे यूं लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करके, दृढ़बल ने भी बहुत मेहनत करके विषयों को उंच और शिल वृत्ति से लिखा है। लेकिन लिखा वही है जो उसके अनुकूल है, जो उनके टुकड़े कहीं ना कहीं मिले हैं वो ही हैं, और उन टुकड़ों से मेल खाने वाले शब्दों का प्रतिपूरण किया है। तो इस प्रकार से आज के दिन ये एक विशिष्ट बात है। थोड़ी सी बात सिद्धांत के बारे में और कह देता हूं मैं, जो आपने विषय लिखा है कि आयुर्वेद का, चरक संहिता का प्रत्येक विषय दो भागों में विभक्त है। एक तो सैद्धांतिक विभाग और एक प्रायोगिक विभाग। हम गलती क्या करते हैं कि प्रायोगिक विभाग को भी आर्ष वाक्य मान करके वैसा की वैसा स्वीकृत कर लेते हैं, ये गलत है। उन्होंने खुद ने कहा है प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण संयोग हेतु गुरुलाघवम संप्रधार्य सम्यक अध्यवसेत, आपको जैसा जिस समय ठीक लगे उस समय के अनुसार आप उसमें परिवर्तन कर लीजिए। तो जब इतनी बात आचार्य खुद कह रहे हैं तो फिर जबरदस्ती क्यों हम उसको सिद्धांत मानते हैं? वो प्रायोगिक है, व्यवहारिक है, उस समय के अनुकूल है। और उस समय के जो अनुकूल है आज यदि उसका परिष्कृत स्वरूप है तो वह परिष्कृत स्वरूप काम में लेना चाहिए, और जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। तो मैं पुनः, संभवतः समय मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, पुनः आप सबका आभार जिन लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक धारण किया, इच्छा से या अनिच्छा से, लेकिन मैंने अपनी बात जो कहनी थी कहने के लिए बहुत कुछ है, और अभी और विद्वान बोलेंगे बहुत कुछ, 15 दिन का समय का है, सभी विद्वान अपनी अपनी बात कहेंगे। पुनः एक बार पवन जी को धन्यवाद और सभी श्रोताओं का आभार, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ नमस्कार सोमानी जी, नमस्कार। चरक तो आचार्य चरक, हम तो आचार्य चरक का बिल्कुल बात। चलो सर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव, अब आप तो इसके उसको है यार, सारा ही कारण चरक का तो पूरा, यदि आसी न तद्यत यदि आसी तद्यत कुचित, जो चरक में है तो आप वो सिद्धांत के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं है। व्यवहार में तो ये कह दिया कि रत्तेति श्रुते रक्तम सद्यस्कम जीवितम पीवेत, मृग गो महिषा जानाम सद्यस्कम जीवितम पीवेत, तो मृग गो महिष इत्यादि का रक्त पीवे। अब ये व्यावहारिक उस समय का प्रयोग है, आज का थोड़ी है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का, अप्लाइड मेथड का। हाँ जो भी प्रयोग है आज, जो परिष्कृत स्वरूप है उसको काम में ले। जैसा कि परिष्कृत चरक पुराना प्रविलियन थे नवीना प्रादुरास्ते, जो नवीना प्रादुरास्ते
जैसे चरक का समय की ड्रेस नहीं पहनते आज वर्तमान कालीन ड्रेस पहनते तो अंतर तो आता ही है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। काश हमारे जटाओं में शिव जैसी शक्ति होती कि आपकी ज्ञान गंगा को हम पूरा उतार पाते अपने जीवन में, हम धन्य हो जाते। गुरुदेव आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है और आपके ये आशीर्वचन हम लोगों के सदैव स्मृतियों में रहेंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। और आज बहुत ही अच्छा लगा कि आपने चरक के बारे में पूरे कंफ्यूजन क्लियर किए सर। हम इतने साल हो गए, 60 साल के हो गए, इतने सारे कंसेप्ट भूल चुके थे जो आपने बिल्कुल हमें बिल्कुल पुनरावृत्ति करा दी। गुरुदेव जय हो आपकी जय हो। मैं आज के दूसरे चरक शिरोमणि सम्मान से सुशोभित होने वाले अपने वक्ता मेरे बड़े भाई वैद्य तपन कुमार वैद्य, जिनके आगे भी वैद्य है पीछे भी वैद्य है, और वो मेरे 2 साल सीनियर रहे हैं जामनगर में। वैद्य तपन कुमार जी काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ। और एक और विशेषता है तपन सर में कि वो बहुत ही अच्छा मतलब एक नाता जोड़ बैठे हैं चरक संहिता से, ऐसे अपनेपन का नाता जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है वो खुद ही बताएंगे, लेकिन वो ऐसा नाता है ऐसा नाता है कि वो चरक जी और अग्निवेश जी ये सब उनके ससुर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैं ऐसे एक विद्वान को आदरणीय वैद्य तपन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ सादर। धन्यवाद, आइए, स्वागतम स्वागतम सर। जय हो जय हो। सभी मेरे सीनियर, शायद पवन के सिवा सब लोग मेरे सीनियर ही हैं, और पवन मेरा जिगरी दोस्त है। मुझे समझ में नहीं आता कि बनवारीलाल गौड़ जी सर के साथ मुझे कैसे शिरोमणि बनाया। शायद बनवारीलाल जी शिवजी हैं जिनकी जटाओं में संहिता का ज्ञान गंगा स्वरूप विराजित है, जो समय समय पर पवन जैसे भगीरथ छोटी सी ज्ञान गंगा या तो धारा के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैं मेरे को उस महाशिव के सामने बैठा हुआ एक नंदी, सिंपल नंदी समझता हूँ, और इस नंदी का शिरोधुणन स्वीकार करें और मुझे ये शिरोमणि का उपयोग सम्मान देने के लिए मैं उतना तो कैपेबल, वो इतने अच्छे संस्कृत शब्द भी मेरे तो मुंह में नहीं आते, लेकिन अगर बोलना चाहूँ तो यूं कह सकता हूँ कि किसी ने नारद जी को पूछा कि भक्ति कैसे होनी चाहिए, कथम भक्ति, तो उन्होंने उस वक्त एक सूत्र दिया था, यथा व्रजगोपिका नाम। तो आपने चरक संहिताकार के ज्ञान के बारे में गौर साहब से सब बहुत सुस्पष्ट स्फुट और हस्ता मलकवत ज्ञान प्राप्त किया, वो बड़े ज्ञानी हैं और मैं छोटा सा भक्त हूँ, और भक्त में भी व्रज गोपी की तरह संहिता को चरक को अपना प्रियतम समझकर उसके साथ, क्षमा करें सब विद्वान बैठे हैं, लेकिन उसके साथ मैं प्रेम करता हूँ, वो मैं उसका और वो प्रेम, मैं संहिता से प्रेम करता हूँ, वो मेरी सहेली है, और उस क्योंकि उसका प्रतिपाद्य विषय सम्यक हित है, सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या, तो इसलिए मेरे लिए संहिता परम हितकारी और मेरा जो सही होना है उसी को ही वो करती है, ऐसा मैं पिछले 33 साल के अनुभव के ऊपर बोल सकता हूं। संहिता मेरे लिए जो
पिछले 5-10 साल से उसके इश्क में पागल हूँ, दीवाना हूँ। तो वो मेरी ये दीवानगी मुझे ये बताती है कि संहिताकार ने अंतिम अध्याय के अंतिम पृष्ठों पर कहीं लिखा है कि येषु द्वादश सहस्त्री हृदि तिष्ठति संहिता। तो मुझे ये सूत्र इतना प्यारा लगा है, इतना उपयोगी लगा है और उतना सार्थक लगा है कि उस दिन से मैंने संहिता को हृदयस्थ किया है। संहिता को हमेशा दिन में 3-4 बार हृदय से लगाकर उससे उसका कौशल्य और मेरा कौशल्य दोनों का आदान प्रदान करता हूँ। और जैसे सुदामा की एक मुट्ठी और कान्हा की एक मुट्ठी, ये दोनों में हैं तो दोनों मुट्ठियां, लेकिन कान्हा की मुट्ठी सुदामा को इधर से उधर करके पूरी सुदामा पूरी बना देता है। उसी तरह से मेरी छोटी सी प्रेम की भेंट संहिता स्वीकार करके उसकी छोटी सी प्रेम की भेंट मुझे देता है और मेरा तो बेड़ा पार हो जाता है, मैं यहां से यहां हो जाता हूं। इसलिए मेरे लिए संहिता पठन पाठन अध्ययन निदिध्यासन शीलन अनुशीलन करने के से ज्यादा प्रेम करने की पुस्तक है। और ये मेरी प्रिविलेज इसलिए है कि उसने खुद ने कहा है कि मुझसे प्रेम करो, मुझे हृदय में बिठाओ, और हृदय में बिठाने से वो प्रत्यक्ष हो जाती है और प्रत्यक्ष वो तदात्व और व्यक्त हो जाती है। वो संहिता हो, निदान हो, चिकित्सा हो, औषध हो, अर्थोपार्जन हो या जीवन यापन हो, सब कुछ व्यक्त और तदात्व हो जाता है और वो प्रत्यक्ष होता है। और वो मेरे लिए संहिता प्रत्यक्ष है। संहिता के जरिए जिस तरह से मोबाइल के जरिए अभी हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, उसी तरह से मैं चरक संहिता को चरक संहिता कार के साथ रूबरू होने का एक जरिया समझता हूँ। जैसे हमको एक दूसरे को रूबरू होने के लिए कान पे मोबाइल लगाना पड़ता है, उसी तरह से मैं समझता हूँ कि संहिताकार से रूबरू होने में, संहिताकार से रैपो बनाने में, संहिता को हृदय के साथ लगाना, सीने से लगाना, ये अपेक्षित होता है। मैं मेरे ऐसे जितने भी दोस्त हैं, हम कुछ 60-65 ऐसे दोस्त हैं जो संहिता के दीवाने हैं, पागल हैं। हमारे लिए संहिता में एक ही सिद्धांत है कि उसका कोई सिद्धांत नहीं, जैसे प्रेम में कोई सिद्धांत नहीं होता एंड प्रेम में सब कुछ जायज होता है। वो वाले विचार और वो वाले प्रेम, वो वाले अटैचमेंट से साथ मैं संहिता से जुड़ता हूँ। और मेरे जैसे जितने भी पागल दीवाने लोग हैं, उन लोगों को ये इश्क और ये प्रेम सिखाता हूँ और वो भी उसी प्रेम के जरिए बहुत ही खुश है। मेरे लिए ये सबसे बड़ा सामर्थ्य है, सबसे बड़ा संबंध है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोलते हैं, तो ये मेरी सगाई सबसे ऊंची है, प्रेम की सगाई। और वो मैं पिछले दशकों से संहिता के द्वारा, संहिता के जरिए से, संहिताकार से जुड़ता रहता हूँ। और मुझे तो संहिताकार, चरक संहिताकार बाकी के सभी संहिताकारों के साथ जुड़ने में मदद करते हैं, ये मेरे लिए बड़े संतुष्टि की बात है।
और उनके ही दोस्त सुश्रुता महाराज बोलते हैं पहले ही अध्याय में कि आपका वृत्ति, आपका जीवन निर्वाहन की जवाबदारी या जिम्मेवारी संहिताकार की है, अगर उसके शरण में जाते हैं। और ये मैंने अनुभव किया है और मेरे दोस्तों ने अनुभव किया है कि चरक संहिता के शरण में जाओ तो वो आपका सर्वथा, सर्वदा और सर्वत्र शुभ करती है, और वही उसका प्रतिपाद्य विषय है सम्यक हित। मेरा तो अभी तक होता आया है, कितना होगा, कितना इससे ज्यादा सम्यक हित संहिता करेगी कि अपने पहले के समय के और अपने समय के प्रकांड पंडित विद्वान के साथ मुझे बिठने बैठने का या अपने विचार को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। कहाँ बनवारीलाल जी का साध्यंत संहिता का ज्ञान और कहाँ मैं एक छिछोरा संहिता का दीवाना, लेकिन फिर भी ये संहिता ही तो है, उसका प्रेम ही तो है जो मुझ जैसे प्रांशुलभ्य फले लोबाद उद्बाहुरी वामन को यहाँ आप सब विद्वानों के बीच बैठने का या अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए मेरे लिए संहिता सब कुछ है, मेरे लिए संहिता ही मेरे प्राण है, मेरा प्राणायतन है, उसे छीन के मुझे कोई भी कहीं भी बर्बाद कर सकता है। इतनी जबरदस्त मेरी उसके संहिताकार और संहिता से क्या बोलते हैं ऐक्य या अपनापन है, और वो अपनापन ही मुझे तो बहुत भाता है, लुभाता है, और मेरा सब काम छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो मेरा काम संहिता ही करती है। मैं तो ओके तुलसीदास जी बोलते मौसम कौन कुटिल खल कामी, फिर भी मेरे जैसे नादान नटखट और पागल आशिक को आज तक, आज 60 साल हो गए, 60 साल तक बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से और बड़े सुखपूर्वक जीवन निर्वहन कराती आई है। मेरे लिए संहिता सब कुछ है, मेरे लिए संहिता सहेली है, मेरी गर्लफ्रेंड है यूं कहूं, और मैं उसके प्रेम में, उसकी मोहब्बत में क्या बोलते हैं आकंठ निमग्न हूं, और मेरी इस नादान मोहब्बत को आज आप सबके सामने इजहार इश्क करने का मौका मेरे सहपाठी अंचलेश ने दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, और इस पूरे मंच का मैं अभिवादन और आभार प्रकट करता हूँ, अनुग्रहित हूँ आप सबके प्रेम स्नेह और सम्मान का, आदर का हकदार हूँ। आप सब लोगों के चरणों में मेरे सादर वंदन स्वीकार करिए। जय हो, जय चरक। थैंक यू वेरी मच। जय हो, आपकी जय हो। सर एक दिल का रिश्ता रहता है, एक दिमाग का रिश्ता रहता है। आदरणीय बनवारीलाल गौर जी का दिमाग का रिश्ता है, आपका दिल का रिश्ता है, जो आपने सीधा ससुराल बना लिया चरक जी को, तो फिर तो और कुछ कहने का रहा ही नहीं। इतना बड़ा रिश्ता जहाँ प्रेमिका हो और पत्नी भी हो और दोनों साथ में सुखी रहे, ये आप जैसा बिरला विद्वान ही कर सकता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
आप गोविंद शुक्ला जी से आग्रह करता हूँ, आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी काइंडली अनम्यूट, गोविंद शुक्ला जी हैं, गोविंद शुक्ला जी, कमलेश द्विवेदी जी, ये सभी विश्व आयुर्वेद परिषद के कर्णधार हैं, आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी उपस्थित है ना, म्यूट है जी, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, आपकी तबीयत ठीक है तो? सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार, प्रणाम प्रणाम साहब, प्रणाम, आपकी गोविंद शुक्ला जी की उपस्थिति में, गोविंद शुक्ला जी प्रणाम, क्या आप सुखा में हैं? हाँ नमस्कार नमस्कार, आप पहुंच गए अपनी जगह पे? हाँ मैं पहुंच गया, रास्ते में हूँ, सुरेंद्र जी तो हमारे बाहर बैठे हुए, देश से बाहर है, है? सुरेंद्र जी तो देश से बाहर है अभी शायद जी, हाँ तभी फोन नहीं लग रहा, तभी फोन नहीं लगता है, ठीक बोले आप, कमलेश कुमार द्विवेदी जी प्रणाम, मैं गोविंद शुक्ला जी के कर कमलों से आदरणीय प्रोफेसर बनवारी लाल गौर जी को वर्चुअली अवार्ड देना चाहते हैं, ये अवार्ड पिछले 5 साल से हम लोग सम्मानित कर रहे हैं महर्षि चरक सम्मान से, मैं आशा करता हूं मेरे गुरुवर इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। मेरे पिताजी डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर गणपति लाल शर्मा, स्वर्गीय डॉक्टर गणपति लाल शर्मा जी फर्स्ट बैच के HPA थे जामनगर से, आदरणीय मधुसूदन शास्त्री जी हरिशंकर शर्मा जी के सहपाठी थे, मुझे भी सौभाग्य मिला उसी इंस्टीट्यूट से MD करने का 89 में। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं, मेरी जो बेटी 3rd year में पढ़ रही है वो भी इसी रास्ते पर MD करे जामनगर से, ऐसी मेरी आशा है। आज जो एक प्रथा बनाई इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी में, स्वर्गीय डॉक्टर गणपति लाल शर्मा मेमोरियल चरक शिरोमणि सम्मान वैद्य तपन कुमार जी को और बनवारी लाल गौर जी को हम सुशोभित करने जा रहे हैं, हम सुशोभित हो रहे हैं, मेरा गलत शब्द है, मैं क्षमा चाहता हूं, ये सम्मान अपने आप में सम्मानित हो रहा है ऐसे व्यक्तियों पर जाने के लिए, ऐसे लीजेंडरी रसशास्त्रियों के पास जाने के लिए, तो मैं आदरणीय गोविंद शुक्ला जी से ये कुरियर कर दिया जाएगा, अवार्ड कुरियर कर दिया जाएगा, आदरणीय बनवारी लाल गौर जी को मैं सादर समर्पित करता हूँ आज का चरक शिरोमणि सम्मान गोविंद शुक्ला जी के हाथों से। जी मैं स्वयं गुरुजी के पास में इसको उपस्थित होकर ये चरक शिरोमणि सम्मान है आदरणीय गुरुदेव को कुरियर से पहुंचा दिया जाएगा, सभी की तालियां अपेक्षित है, काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ एंड करीब है, मैं दूसरा सब आप म्यूटेड हैं, आप म्यूटेड हैं पवन जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, क्या बात, आपकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, थैंक यू सर। तो मैं यही एक प्रार्थना कर रहा था कि आदरणीय बनवारी लाल गौर जी के पश्चात चरक संहिता को मैंने अपना मानने वाला, इतना बोल्डली अपना मानने वाला, जो हर आदमी के सामने कह सकते हैं कि हाँ चरक का पठन पाठन जरूरी है और हर स्तर पर जरूरी है, क्योंकि वो ऐसी हितकारी है कि उसके विषय में कुछ भी अपशब्द तक सुनना जिन्हें पसंद नहीं है, ऐसे मैं विद्वान आदरणीय तपन कुमार वैद्य जी, जो सौभाग्य से मुझे उनके साथ पढ़ने का मौका मिला और वही अवार्ड चरक शिरोमणि अवार्ड आदरणीय तपन वैद्य जी को हम गोविंद शुक्ला जी के हाथों से
अर्पित करते हैं। गोविंद शुक्ला जी कुछ आपके उद्गार। हम निश्चित रूप से पवन जी ये सम्मान देकर के हम सम्मानित हो रहे हैं सतदेव गुरुदेव को और आदरणीय तपन जी वैद्य जी को। जी नमस्कार। मेरी माता जी सुपरिंटेंडेंट थी सब आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर में, तो ये दोनों अवार्ड मैंने शुरू किए आप लोगों के आशीर्वाद से। ये एक परंपरा हमेशा चलती रहे ऐसा मेरा प्रार्थना है विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी कर्णधारों से। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं हो पाएगी ऐसा मेरा मानना है। और इसके शुभ अवसर पर मेरे रामतीर्थ शर्मा जी जिन्होंने चरक मंगलाचरण लिखा है उनसे मैं आग्रह करता हूँ। वैद्य रामतीर्थ शर्मा विभागाध्यक्ष संहिता एवं सिद्धांत धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन और विश्व आयुर्वेद परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता रामतीर्थ शर्मा वैद्य रामतीर्थ शर्मा जी हरिओम। सर प्रणाम। से प्रणाम नमस्ते। प्रणाम 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 नमस्ते सर। मैं इस अवसर पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर वैद्य गौड़ साहब का अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो इस मंच पर आए। और वास्तव में अब उनका जो व्यक्तित्व है, पूरा जीवन जो है उनका, वास्तव में वो किसी भी पुरस्कार को जब ग्रहण करते हैं ना, तो वास्तव में पुरस्कार उनको ग्रहण करता है और पुरस्कार उनको ग्रहण करके अपना आप को धन्य मानता है। क्योंकि आज गौड़ साहब एक जीवित किंवदंती हैं पूरे विश्व के सामने आयुर्वेद की, और उनका किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होना उस कार्यक्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण और अत्यंत दैदीप्यमान बनाता है। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक संचालक हमारे बड़े भाई आदरणीय मार्गदर्शक पवन सर को मैं वास्तव में शुभकामनाएं देता हूं कि इस अवसर पर उन्होंने पूज्य गुरुदेव को बुलाया और निवेदन किया उनको, और वो आए भी हमारे बीच में। और चरक श्रोमणी ने अपने आप को धन्य माना कि उन्होंने गौड़ साहब को आदरणीय गुरुजी को ग्रहण किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना देता हूँ आदरणीय तपन कुमार वैद्य जी को। वो भी चरकस्तु चिकित्सते की जो उक्ति है उसको एकदम सिद्ध करते हुए ऐसे महान विभूति हैं जो कि नई जनरेशन के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर, नए छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे विद्यार्थीगण आयुर्वेद के प्रति, चरक के प्रति और श्रद्धावान बनते हैं, जो वास्तव में बहुत ही महती आवश्यकता है। मैं पुनः आयोजकों को और विश्व आयुर्वेद परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर गोविंद शुक्ला बोस को प्रणाम करता हूँ और चरक जयंती की बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बस इसी प्रकार से अपन ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहें। और इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सुरेंद्र चौधरी सर, आप भी की अग्निहोत्री सर, आपका चरकाष्टक जो है उसका वाचन करने के लिए पवन जी ने कहा है, अगर संभव हो तो आप कर सकें। अच्छा 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 अच्छा, चरकाष्टकों के लिए बोला है तो मैं अवश्य उसको करता हूँ चरकाष्टकम को। और ओम नमो शेषावताराय चरकाय, ओम नमो शेषावताराय चरकाय, आप्तश्रेष्ठं महावैद्यं जगती रक्षाकारणं अनंतं रोगहन्तारं श्रीचरकाय प्रणमाम्यहं। कपिष्ठले निवासं स्यात् आत्मजं विशुद्धस्य च शिष्यं वैशंपायन तु श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्।
अष्टस्थान तंत्रकारं काय ज्ञान प्रबोधकं षट पदार्थं च विज्ञाता श्री चरकाय प्रणमामि ज्ञाता त्रिसूत्र दंडम च ज्ञाता त्रिसूत्र दंडम च पंच पंचकमेव च शारीरं च विमानज्ञं श्री चरकाय प्रणमाम्यहम् विकारो धातु वै उच्यते आरोग्य प्रदायकं श्री चरकाय प्रणमाम्यहम् कषायं कल्पना पंच वृष्यं रसायनं तथा अरिष्टं आयुविज्ञाता श्री चरकाय प्रणमाम्यहम् प्रकृतिं विकृतिं समवेतं स्वभावो परमज्ञ च त्रिकाष्ठं पञ्चकर्मज्ञं श्री चरकाय प्रणमाम्यहम् ब्रह्मा विष्णु महेशः वेद्यो नारायणो हरिः उपधारहितो सचरकः भक्तोऽहं प्रणमाम्यहम् भक्तोऽहं प्रणमाम्यहम् भक्तोऽहं प्रणमाम्यहम् नमो नमः बहुत खूब रंग जी आपने बहुत अति सुंदर मतलब इससे अच्छा स्वलिखित सुरचित क्या मतलब संस्कृत में ये आभार होगा अगली पीढ़ी के लिए कि डेफिनेटली इतना सुंदर काव्य वो चरक के लिए समर्पित कर पाएंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और एक बात और कहूँ इसके हम दोनों के कंसेप्ट में रामतीर्थ शर्मा जी भी हैं जिनका ये कंसेप्ट था कि हम 7 दिन के बजाय 15 दिन इस पक्ष को चलाएं और हम लोगों ने कल्पना की और आज आपके सामने है। कल ही सुबह मैं हरिद्वार और बनारस से लौटा हूं और आज हम आपके सामने इस चरक संहिता के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसमें रामतीर्थ शर्मा जी का भी हमें पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है और मिलेगा ऐसी हमारी आशा है। उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ इस समय विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष गोविंद शुक्ला जी यदि चरक संहिता के विषय में कुछ हमें अपने उद्गार दें तो फिर मैं अपने कार्यक्रम की आज के जो स्पीकर्स हैं हमारे आज के हमारे प्रथम दिन के 3 स्पीकर्स हैं प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी और वैद्य पारुल जोशी जी। ये 3 स्पीकर्स आज प्रथम दिन के स्पीकर्स हैं। कल 2 दिन के द्वितीय दिवस के स्पीकर्स में आदरणीय डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा जी और कोलम से डॉक्टर रामदास पीवी तंत्र युक्ति पे कल हमको चरक संहिता में बताएंगे। ऐसे हमारे सभी उपस्थित बंधुओं से मेरा आग्रह है कि यदि चरक के विषय में हमसे कोई विद्वान गलती से छूट भी रहा हो तो तपन सर बनवारी लाल गौर सर आप दोनों के साथ सभी विद्वत जनों से मेरा आग्रह है कृपया हमें नाम और फोन नंबर भेज दें हम उनको आमंत्रित करेंगे। चरक का एक विद्वान नहीं छूटना चाहिए। रामतीर्थ शर्मा जी तो 2 स्पीकर्स की कह रहे थे भोलेनाथ ने संकल्प दिया है 15 दिन 51 स्पीकर फिगर को उल्टी कर दीजिए 15 और 51 तो वो 51 स्पीकर्स हम लोगों को चरक संहिताओं से चरक संहिता की नई प्रतिभाओं से रूबरू करवाए आप लोगों का एहसान रहेगा आयुष समृद्धि प्लेटफॉर्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
मैं अब आग्रह करता हूं विदेश से सुरेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए गोविंद शुक्ला जी के बाद सुरेंद्र चौधरी जी से आग्रह करूंगा। आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, 15 दिन के कार्यक्रम की कुछ भी आशीर्वचन रूपरेखा? जिस प्रकार का आपने संकल्प 15 दिवस तक चरक संहिता के मौलिक विषयों को लेकर के, चिकित्सा संबंधित विषयों को लेकर के कार्यक्रम की योजना बनाई है रामतीर्थ जी आपने, निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। और देश भर के विद्वानों को, जैसा कि आपका आग्रह भी रहा है कि जो भी हमारी जानकारी में भी नहीं है लेकिन हमारे संपर्क के माध्यम से, जैसे मैं भी आज गुजरात हूँ तो यहाँ भी मैंने दो मेरे चरक के विद्वानों से, संहिता के मौलिक सतह के विद्वान, उनसे मेरा मिलना हुआ तो उनके नाम और सारी जानकारी मैंने ली है, तो वो आप तक मैं संप्रेषित करूंगा। और निश्चित रूप से जिस परिणाम और प्रयोजन को लेकर के कार्यक्रम आपने किया है उसकी सफलता का आप पहुंचेंगे। आज के जो वक्ता हैं उनको मैं निश्चित रूप से आज उनको आप आमंत्रित करें और उनके उद्बोधन को हम सुने। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। आज हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय सचिव हैं, कर्णधार हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के, और विदेश से जुड़े हुए हैं। मैं उनको कंटिन्यूस उनके फोन पे फोन लगा लगा के निराश हो गया था, फिर भी वो आज हैं। स्वागतम स्वागतम चौधरी जी, स्वागतम। एक्चुअली क्या चौधरी जी, आपको अपना समय अभी 7-8 का चल रहा है, चौधरी जी की मेरे ख्याल से लगता है कि 3-4 बज रहे होंगे रात के। नहीं सर, अभी यहाँ 10 बजे हैं दिन के। अच्छा, दिन के 10 बजे, बहुत अच्छा। जी जी, और मैं साइलेंटली जुड़ जाता हूँ पवन जी के कार्यक्रम में जब भी समय मिलता है। तो आज के दोनों अति विद्वान और अनुकरणीय महानुभावों को मेरा नमस्कार। और पवन जी, आपने जिस शिद्दत के साथ में, जिस डेडिकेशन के साथ में इस वेब सीरीज को चला रहे हैं आप, ये अतुलनीय है, अनुकरणीय भी है और अतुलनीय भी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने 15 दिन का जो ये चरक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा है, ये एक माइलस्टोन मुझे लगता है साबित होने जा रहा है आयुर्वेद के उन सभी लोगों के लिए कि जिनको बस एक चरक जयंती संकेतात्मक रूप से ना मनाकर इसको हम एक गहन और उन सब लोगों के विचार अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का आपका प्रयास, जो इस विधा के या इस संहिताओं के तज्ञ हैं, उनके विचार हम लोगों तक पहुंचाए जाएं, हम लोग उनको ध्यान से सुने, खास तौर से जो नए हमारे आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं या फॉलोअर्स हैं, उनके लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करना और उन तक पहुंचाना, ये मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। मेरा दोनों महानुभावों को पुनः अभिवादन, स्वागत। और आदरणीय बनवारी लाल जी की विषय में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि उनकी जो स्मृति है, स्मरण शक्ति है, वो विगत आई थिंक सितंबर में हम लोग बुलंदशहर में एक कार्यक्रम में मिले, और उससे पहले गुरुजी का मेरा परिचय केवल ऑनलाइन वेबिनार्स के माध्यम से ही हुआ था, और मैं समझ रहा था कि मैं अपना परिचय दूंगा गुरुजी को, लेकिन जब वे बोले स्टेज से और उन्होंने मेरे विषय में, तो मुझे इतना रोमांच हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उन विद्वानों के सामने, एक छोटा सा चिकित्सक रहा हूँ सारी जिंदगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से अभिभूत था। और आज मैं ये एक सार्वजनिक मंच से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, और उतने ही अद्भुत व्यक्तित्व हैं हमारे मित्र तपन जी, जिनका प्रस्तुतिकरण आपने देखा भी है एक बिल्कुल अलग तरह से, और वो आयुर्वेद के समकालीन लोगों के मुकाबले में विद्यार्थियों में उनकी लोकप्रियता कितनी है, ऐसा मैंने बहुत अवसरों पर देखा है। तो दोनों महानुभावों को पवन जी के द्वारा जो सम्मान दिया गया है उसके लिए सादर अभिवादन, और आपने मुझे समय दिया 2 शब्द कहने का, अपने विचार प्रकट करने का, उसके लिए पवन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका, और सब सलाम आपको कि आप विदेश में बैठे हुए हम लोगों के आयुर्वेद के लिए निश्चिंत निरंतर चिंता करते हैं, ऐसे करते रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने वेस्ट बंगाल के विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष
मेरे बड़े भाई वैद्य सूर्य प्रकाश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। उन्हें नमन करता हूं कि उन्हें 4 दिन पहले ही हार्ट अटैक आया है, वो अभी घर पर विश्राम की अवस्था में है, स्टंट लगा है उनके हार्ट में, और फिर भी वो हमारे साथ जुड़े। नमन नमन सादर नमन सादर नमन प्रणाम सर प्रणाम। शांति से बिना तकलीफ के जितना आप आशीर्वचन देंगे हमें संतोष होगा और गर्व। सभी आयुर्वेद को विद्वानों को मैं सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तरंग संहिता के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग अपनी बात बताई है। ये एक विस्तृत ज्ञान करने के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मेरा चरक जयंती के ऊपर एक नम्र निवेदन है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है आयुर्वेद पढ़ना, लेकिन चिकित्सा वो मॉडर्न साइंस की करते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर में इतना विश्वास नहीं है कि मैं आयुर्वेद की चिकित्सा से ये रोग को दूर कर सकता हूं, जबकि आयुर्वेद की चिकित्सा से ही रोग दूर होता है। अतः मेरा विद्वानों से ये नम्र निवेदन है कि चिकित्सा की जो गूढ़ चीजें हैं जिससे वो रोगी का इलाज कर सकें, अगर ऐसा अगर हम कुछ कर सकें तो मेरे ख्याल से जो इनका मॉडर्न की तरफ जो उनका जो ज्यादा ध्यान जाता है वो आयुर्वेद की तरफ जाएगा और आयुर्वेद का विकास होगा। आयुर्वेद का असली विकास यही है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं अगर वो मॉडर्न चिकित्सा की जगह आयुर्वेद चिकित्सा करने लगे तो आयुर्वेद का अथक प्रयास होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात पर ध्यान देते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा आप प्रूफ के साथ करें, पूरे रिकॉर्ड के साथ करें, और आप बताएं कि देखिए आपकी चिकित्सा से क्या क्या फायदा हो रहा है। तो आज अब एक बहुत बड़ी बात संजोग का बात है कि बृहस्पतिवार को सुबह में हठात मेरे को तकलीफ हुई और आधे घंटे में मैं मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंच गया और वहां मेरे को स्टंट लग गया। कारण ब्लॉकेज, मेरे को बताया गया कि डॉक्टर ने कि आपका 99% ब्लॉकेज हो गया है। आज मैं इस अपने अपनी इस तकलीफ को आप सबों से शेयर करता हूं कि क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई व्यवस्था हम कर सकते हैं जिससे वो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होती है वो ब्लॉकेज नहीं हो। अगर आयुर्वेद के लोग अगर ऐसा कुछ भी निर्माण कर दें जिससे ब्लॉकेज नहीं हो तो मेरे ख्याल से करोड़ों आदमी मृत्यु के मुख से जाने न जाते हुए स्वस्थ जीवन जिएंगे और आयुर्वेद का बहुत बड़ा नाम पूरे विश्व में होगा। ये ब्लॉकेज शब्द की जो परिभाषा है कॉमन परिभाषा हो गई। आजकल कुछ कुछ डॉक्टरों ने तो एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि भाई आपका विटामिन डी कम है, B12 आपका कम है। उसी तरह से ब्लॉकेज वाली बात भी आती है, आपको एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा, आपको ओपन बाईपास सर्जरी करानी होगी। तो आयुर्वेद के जो आप लोग सुप्रतिष्ठित जो विद्वान लोग हैं वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ये जो ब्लॉकेज वाली जो बात आती है और उसमें मृत्यु दर की बातें बहुत काफी समय तक रहती है, तो ऐसी क्या व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं जिससे लाखों करोड़ों व्यक्ति जो बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं या ब्लॉकेज के लिए जाते हैं वो बच जाए। क्योंकि अभी थोड़ा सा बोलने में भी मेरा सांस फूलता है, मैं अपने दिल की बात आपको बता दी है और निवेदन ये करता हूं कि आयुर्वेद के अंदर में कुछ ऐसी चीजें आप लोग महापुरुष लोग आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए 60 वर्ष 70 वर्ष 50 वर्ष 55 वर्ष हो गए हैं, लोगों ने अपना जो अनुभव किया है उस अनुभव को एक ऐसा संकलन रूप किया जाए विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा, विश्व आयुर्वेद परिषद में ऐसी सी बातें बताई जाए जिससे आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में, आयुर्वेद का इंस्टेंट चिकित्सा के बारे में अगर आज के बच्चों को अगर जानकारी हो जाएगी तो मेरा यह मानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद
पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। सर धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय चरक महर्षि। क्योंकि आचार्य हैं महर्षि, महर्षि भी हैं आचार्य भी हैं। मैं आप सबों को नमन करता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आशीर्वाद देते रहिए, दीर्घायु रहिए, शतायु और ज्यादा हमें आशीर्वाद की आशा है आपसे। मैं अब आज के इस अनुष्ठान के प्रथम वक्ता प्रोफेसर ब्रजेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी श्री आयुर्वेदिक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है नागपुर में और डिपार्टमेंट ऑफ संहिता अनुसंधान के HOD भी है। सादर नमन मेरे छोटे भाई, लेकिन आज वो गुरु की उस पर बैठे हैं सीट पे, तो निश्चित बात है कि मेरे जैसा सुंदर शिष्य न मिले। तो धन्यवाद धन्यवाद हम लोगों को एक आशीर्वचन इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी। नमस्कार। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़ सर, आज के परम श्रद्धेय वैद्य तपन कुमार जी, हमारे बड़े भाई वैद्य पवन कुमार शर्मा जी और जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पर सभी श्रद्धेय जनों को मेरा नमन प्रणाम। सर्वप्रथम तो मैं एक तुरंत कहना चाहूंगा कि आदरणीय सूर्यप्रकाश शर्मा सर ने भी जो कहा कि यदि कोई ऐसा औषधि खोज लिया जाए जिससे कि ब्लॉकेज ना हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आचार्य चरक ने निश्चित रूप से पहले ही कह दिया है कि नित्यम मिताहार विहार से भी समीक्ष कार्य विशेष हो सकता है, दाता समह सत्य परा क्षमावान आप तो सेवी सा भवति अरोगः। नित्यम मिताहार विहार सेवी, यानी जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन हितकर आहार करेगा, हितकर विहार करेगा, जो सारे कार्यों को उसकी समीक्षा करके क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा, आप तो सेवी आप्त जन जो है हमारे उनकी सेवा करेगा, उनकी उपासना करेगा, विषयों के प्रति अशक्त रहेगा, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सब भवति अरोगः, वह आरोग्य को प्राप्त होगा। और दूसरा, चरक का मुख्य उद्देश्य ही है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके पश्चात रोगी के रोग को नष्ट करना, इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है, यह चरक का मुख्य उद्देश्य ही। आज के प्लेटफॉर्म पे चरक शिरोमणि के रूप में जो आचार्य द्वय हैं उनके समक्ष मेरी यह वाणी ऐसी लगती है कि जैसे पितृसुर दुस्तरम मोहाद उड़पे नास्ति सागरम, इनके सामने मैं तुक्ष व्यक्ति यदि कुछ बोलना चाहूं उसमें कुछ त्रुटि हुई तो कृपया मुझे क्षमा करें, बहुत आवश्यक है। तो आज चूंकि विषय यह है कि चरक संहिता, इसके प्रैक्टिस के सिद्धांत, ये खास करके विषय आज से दिया गया है। और हालांकि देखा जाए तो चरक संहिता ये अपने आप में ही प्रैक्टिस है, इसकी एक एक शब्दों को आत्मसात किया जाए तो वह आपके जीवन को एकदम से खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा। क्योंकि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो समदोष यदि शरीर के अंदर है, समाग्नि है, सारी अग्नियां, चाहे वो जठराग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, चाहे धातु अग्नि हो, इसके साथ साथ मानसिक अग्नि भी आज के जीवन के अंतर्गत उतना ही आवश्यक है जितना कि ये सारी धातु की अग्नियां कार्य करती हैं। समाग्निश्च समदोषः समधातुः मलक्रिया, मल का प्रवर्तन होना निश्चित रूप से वह भी उतना ही गुणकारी है जितने के धातुओं और अग्नियों के बारे में बताया गया। यानी उस व्यक्ति की ही आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न रहेंगे जो कि अपने घर से, अपने सामाजिक स्तर से और अपने शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से सुदृढ़ होगा, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अब हम प्रारंभ करेंगे, वैसे तो बहुत सारे प्रैक्टिस बताए गए, बहुत सारे सिद्धांत बताए गए, लेकिन आज मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको त्रिसूत्र के बारे में बताना चाहूंगा। तो आचार्य शरद ने कहा है
कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुधेयम पितामह। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, ऐसे तीन सूत्र बताए गए हैं जिनका उल्लेख हम आज को बताएंगे। तो ऐसे जो तीन सूत्र है, यदि देखा जाए तो यह मल्टी ड्रग थेरेपी है, सिंगल ड्रग थेरेपी है और होम्योस्टेसिस, ऐसे तीन प्रकार की औषधि के बारे में बताया गया है। बहुत सारी औषधियों को मिला करके उनका योग के रूप में इस्तेमाल करना और किसी एक एकल औषधि का उपयोग करना इसके द्वारा और कुछ संयुक्त औषधियों का एक साथ प्रयोग करना, यह हेतु यह जो है औषधि सूत्र के बारे में कहा गया। और देखा जाए तो सिंगल ड्रग थेरेपी जो होती है या एक्टिव, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो मॉडर्न मेडिसिन उसका विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। और मॉडर्न मेडिसिन भी क्या करेगा, वह रोगी की परीक्षा के साथ साथ में चिकित्सा करता है। परंतु हमारे आचार्य चरक ने कहा है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, यानी चिकित्सा जो है वह हर एक रोगी कोई अलग अलग रोगों को ध्यान में रखते हुए, उसके उस रोग के देश का ध्यान रखते हुए, रोगी का देश का ध्यान रखते हुए, रोगी की अवस्था को ध्यान में रखते हुए, रोग की अवस्था को ध्यान में रखते हुए, काल को ध्यान में रखते हुए, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रयुक्त होता है उनका ध्यान में रखते हुए उन औषधियों का, उन रोगियों का और उसके जो रोग उत्पन्न हुए हैं उनके कारणों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे कि हमें चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती है। अब देखा जाए तो त्रिसूत्र जो है ये प्लान किया जाता है, इन्होंने बताया कि खास करके यह उद्देश्य सप्लीमेंट और मेडिसिन यानी संप्राप्ति कैसे करेंगे, कि यह उद्देश्य हुआ है कि संचयम चा प्रकोपरम चा प्रसरम स्थान संचयम व्यक्ति भेदम चयो व्यक्ति दोषाणाम सा भवतिगत, यानी जो भी व्यक्ति संचय अवस्था यानी दोषों की संचय अवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहा गया कि संचय अवृता दोषा लवंते ना उत्तरागति, संचय काल में ही यदि दोषों का अपहरण कर लिया जाए तो वह दोष जो है आगे को बढ़ते नहीं, आगे को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि यदि वो आगे को यानी यदि आपने संचय अवस्था में उनकी चिकित्सा नहीं की, परिणाम क्या होगा कि वह प्रसरा अवस्था प्रकोपा अवस्था ऐसे भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ते तो उत्तरासु भवति बलवत्तराः, यानी यदि संचय अवस्था में हमने दोषों का हरण नहीं किया तो क्या होगा कि ते तो उत्तरासु भवति बलवत्तराः, वे आगे जा करके निश्चित रूप से बलशाली हो जाते हैं। जैसे कि हम एक पौधा लगाते हैं, पौधा जो अंकुर से पौधे की उत्पत्ति होती है, उस पौधे को लगाने के बाद यदि हम उसे पहले ही उखाड़ दें हाथों से तो वह पौधा आगे की वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, परंतु यदि उसने उसे हमने भिन्न भिन्न प्रकार के अवसरों को प्रदान करने दिया, यानी संचय अवस्था से प्रकोपा अवस्था में गया, प्रकोपा से प्रसरा अवस्था में गया और प्रसरा से व्यक्ति भेदा अवस्था में गया, तो ऐसी जो व्याधि होती है जब वह दीर्घ स्वरूप को प्राप्त हो जाती है तो उस दीर्घ स्वरूप की व्याधि को नष्ट करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि चिकित्सा का प्रयोग करना पड़ता है, पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग करना पड़ता है, उसके साथ साथ में शल्य चिकित्सा का, अग्नि चिकित्सा का, क्षार चिकित्सा का उपयोग करना पड़ता है। यह निर्भर करता है व्याधि की अवस्था के ऊपर कि व्याधि कितनी बड़ी हुई है, व्याधि की अवस्था किस रूप से, वह गूढ़ व्याधि है जैसे कि शाखा मर्मास्थि संधिग्रस्त जो रोग बताए गए हैं, यदि वह व्याधि मर्म अस्थि संधिगत में हो गई, जैसे कि आज हम देखते हैं कैंसर जिसे अर्बुद के नाम से जाना जाता है, तो यदि कैंसर यह यदि प्रारंभिक अवस्था है तो उसे हम कीमोथेरेपी यानी औषधि के द्वारा ठीक कर सकते हैं, यदि यह द्वितीयक अवस्था है तो कीमोथेरेपी के साथ में हम रेडिएशन थेरेपी का उपयोग करते हैं, यानी ये दोनों अवस्थाओं को ध्यान में रखते हैं। यदि यही तृतीय अवस्था बढ़ गई और अंदर तक प्रवेश हो गई है तो हम कीमोथेरेपी करेंगे, रेडिएशन थेरेपी करेंगे, सर्जिकल थेरेपी करेंगे, सर्जरी करेंगे, और यदि वह अवस्था अस्थिगत हो गया, संधिगत हो गया है तो उसे हम मेटास्टासिस की अवस्था कहते हैं, और इन अवस्थाओं के अंतर्गत हमें मजबूरी में वैसी ऐसे जो रोग होते हैं उसे असाध्य मानकर उसका त्याग कर दिया जाता है, क्योंकि यदि हम उसका त्याग नहीं करते हैं, असाध्य व्याधियों का त्याग नहीं करते हैं, तो ऐसा कि आचार्य चरण ने कहा कि अर्थ विद्या ऐशो हानि उपक्रोशम असंग्राम प्राप्त अनम वैद्यो प्राप्त अनियतम वैद्यो वर्णम वाणी क्षति, यानी यदि असाध्य व्याधियों की चिकित्सा हम
प्रमाद बस करते हैं तो वह वैद्य उसका अर्थ भी जाता है, उसकी विद्या का भी नुकसान होता है, उसका सामाजिक यश प्रक्रिया भी कम हो जाती है, ये सब के अंदर हानि होती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना भी औषधि का ज्ञान हमें है, यानी चिकित्सक को जितना औषधि का ज्ञान है और उस चिकित्सक को जितने भी शास्त्र का ज्ञान है, उस शास्त्र के ज्ञान के आधार पर या परीक्षा के ज्ञान के आधार पर, रोग की परीक्षा के ज्ञान के आधार पर, रोगी की परीक्षा के ज्ञान के आधार पर जितने भी हमें ज्ञान प्राप्त है, उन ज्ञान के आधार पर ही हमें रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। अतएव यदि ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हमें हानि होती है, हमारा यश जो है, हमारा वह यश जहां समाज में जाकर के वह विकृत स्वरूप को प्राप्त करता है कि अमुक वैद्य को चिकित्सा का भान नहीं है, रोग का भान नहीं है, फिर भी वह अर्थ की प्राप्ति के लिए चिकित्सा करता है, तो यह ठीक नहीं है। तो अब आप ध्यान देखते हैं कि हेतु लिंग औषधि के अंतर्गत जो है, जो हेतु आता है वह होता है चार प्रकार, जैसे सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानी, ऐसे चार प्रकार के हेतुओं के बारे में बताए गए हैं। सन्निकृष्ट का मतलब होता है इंटीमेट, यानी बहुत ही क्लोज इसे कहते हैं, और वह ज्यादा क्लोज एटियोलॉजिकल जो फैक्टर होगा वह सन्निकृष्ट के बारे में बताया गया। अब जैसे कि कोई दोष होता है, यानी आपने यदि रात्रि जागरण किया तो रात्रि जागरण का क्या मतलब हुआ, रात्रि जागरण में इमीडिएट फैक्टर होगा कि आपको प्रातः काल आपका शिरा प्रदेश में गौरव उत्पन्न होगा, आंखों से आंसू आएगा, आपके शरीर में अंग में मार्दवता उत्पन्न होगी, अंग गौरव उत्पन्न होगा, अंग मर्द हो सकता है, अंग शूल हो सकता है, आपका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, ऐसी अवस्थाएं तुरंत आपको प्रभाव देती है। यदि उसके अलावा भी यदि रात्रि जागरण करते हैं तो रात्रि जागरण करते ही आपको निश्चित रूप से एक समय के बाद में नौसिया फीलिंग होना, भ्रम का उत्पन्न होना और डिजीनेस होना, ऐसे सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये सन्निकृष्ट कारणों के अंदर आते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे दोष हैं वो नेचुरल होते हैं रात्र और दिन के अंदर, कैसे ये देखेंगे तो कि कफ जैसे वह रात को निश्चित रूप से अपने आप बढ़ता है, कफ प्रातः काल बढ़ता है और सनराइज और सनसेट में यह पित्त बढ़ता है, और शीत जो होता है वह जैसे शीत हुआ और कम हीट हुई, उष्णता हुई तो उससे कफ इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, लेकिन दोपहर के टाइम पे जब सूर्य ज्यादा प्रकृति में आता है तो उस समय उसकी उष्णता की वजह से कफ वह निश्चित रूप से अपने आप सबसाइड हो जाता है, बैठ जाता है। पित्त भी उसी प्रकार से दोपहर के समय पे एग्रीवेट होता है, बढ़ता है और वह शाम के टाइम तक रहता है, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है तब तक उसका एक समय रहता है और सूर्यास्त के समय अपने आप वह कम हो जाता है। इसी प्रकार से वह रात में भी देखेंगे तो रात्रि के समय में जो मध्यावस्था होती है उसमें भी पित्त बढ़ता है और पित्त जैसे इस तरह नेचुरल बढ़ जाता है, तो इस तरह से, और प्रातः काल में वात की वृद्धि होती है। तो इस तरह से बताया गया कि ये सन्निकृष्ट अवस्था क्या होती है। जब फूड की बात भी करेंगे, यदि आप भोजन लेते हैं तो भोजन में कहा गया कि अन्नम आदान करवातु प्राण कुष्ठम प्रकर्षति तद्रवै भिन्न संघातम स्नेहनावदूतम, तो कफ की जो संचय अवस्था होती है, अवस्था पाक अवस्था होगी तो प्रथम अवस्था पाक ये मधुर अवस्था पाक होती है, मधुराद्यात कफोभावात फेन भूति उदीरते, तो मधुराद्यात कफोभावात फेन भूति उदीरते, तो ये जो पहला अवस्था पाक होता है या मधुर अवस्था पाक होती है और द्वितीय अवस्था पाक ये पित्त की अवस्था पाक होती है। पित्त की अवस्था पाक के अंतर्गत यदि आपने ज्यादा भोजन का सेवन कर लिया है तो विदाही उत्पन्न हो जाता है, विदाह की होने से खट्टी डकार आना, जी मिचलाना, जिसे आप हाइपरजेसिटी कहते हो, नौसिया कहते हो, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से यदि कटुवस्था पाक के अंतर्गत भी यदि निश्चित रूप से देखा जाए कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया के अंदर वह पंजन टेस्ट बताया जाता है फूड का, और उसमें भी यदि आपने क्या कर लिया, आपने प्रजागरण कर लिया, रात्रि जागरण कर लिया, तो वह अवस्था पाक नहीं होने की वजह से प्रातः काल आपको नेचुरल नॉर्मल मल प्रकृति, सुख मल प्रकृति होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। इस प्रकार से ये देखा जाए तो ये सन्निकृष्ट कारणों के बारे में बताया जाता है। अब जिसे हम कहते हैं विप्रकृष्ट कारण, दूसरा होता है डिस्टेंट यानी दूर। अब विप्रकृष्ट कारण जो होता है यह दोषों के विशेषण से, प्रकोपावस्था से होता है। दोषों की प्रकोपावस्था हुई तो क्या हो सकता है, यदि वात की प्रकोपावस्था हुई तो उसके अंदर चल गुण बढ़ जाएगा, चल गुण बढ़ गया तो फिर परिणाम ज्यादा ब्लॉटिंग शुरू हो जाता है, यदि उसका रुक्ष गुण बढ़ गया, रुक्ष गुण बढ़ने की वजह से स्टिफनेस हो सकता है, शरीर में खरता उत्पन्न हो जाती है,
ऐसे चीजें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इनको ध्यान में रखते हुए हमें ये कार्य करना चाहिए। कफ मोस्टली हेमंत ऋतु में यह कफ का संचय होता है देखा जाए, और वह शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में संचय होता है। तो इस प्रकार से कफ वसंत ऋतु में पित्त का संचय हो जाएगा, बसंत ऋतु हो जाता है और कफ मेल्ट हो जाता है। कब? बसंत ऋतु में कफ जो है यह पिघलता है, क्योंकि उसकी उष्णता बढ़ती है और उष्णता बढ़ने की वजह से वह अपना स्थान छोड़ कर का देता है और भिन्न प्रकार की कफ के व्याधियों को दिखाई देता है। उसी तरह से जो पित्त होता है वह मानसून सीजन में डिजीज उत्पन्न करता है, व्याधि उत्पन्न करता है और कोप करता है, जिसे देखा है ज्वर में देखा होगा। ज्वर में क्या हुआ कि रुद्र कोप दिखा है आपने, कि रुद्र कोप की वजह से वह ज्वर उत्पन्न बताया गया है, आचार्य चरक ने ऐसा कहा है। तो जैसे एकॉर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एड्स आपने सुना होगा, तो एड्स की जो व्याधि होती है यह लॉन्ग टर्म में जाके उत्पन्न होती है, यानी जो कि मैथुन की अवस्था होती है जिसे असुरक्षित संभोग कहते हैं, ऐसी अवस्था में भी वह जाकर के लॉन्ग टर्म में उत्पन्न होता है और यह लॉन्ग टर्म भी विप्रकृष्ट हेतु का कारण बनता है। प्राधानिक हेतु कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वह प्राधानिक हेतु बताया है। प्राधानिक हेतु खास करके जैसे कि अभी अचानक नेचुरल इंटेंस होता है, कैसे कि अचानक चोट का लगना, आघात का लगना, आघात को लगने से ही आपके शरीर में जो वेदना उत्पन्न होती है वह आगंतुक व्याधियों के रूप में आती है, वह प्राधानिक हेतु के अंदर आती है। जैसे सर्पदंश हो गया या आघात हुआ या तुरंत आपको डिजीज उत्पन्न करेगा, बीमार उत्पन्न कर देगा, आपको रोग उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्राधानिक अवस्था में शूल उत्पन्न होता है उनके हमें तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे प्राधानिक हेतुओं का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा देखेंगे तो प्राधानिक हेतु में यदि सर्पदंश हो गया या फिर सर्पदंश की वजह से पॉइजनिंग अवस्था आ गई, पॉइजनिंग के आते ही हमें चाहे दोषों का विशेषण हो, जब हो तब हो, लेकिन पॉइजन की अवस्था से जो एक्सपोजर होता है उस पर आपके शरीर में वह चूंकि मदकारी होते हैं, बेवाई होते हैं, विकासी होते हैं, वह तुरंत जाके शरीर में फैलते हैं और ऐसे शरीर में फैलने की वजह से हमें उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। यदि हमने उनकी चिकित्सा तुरंत नहीं की तो निश्चित रूप से वह बहुत ही दुखदायी देते हैं और व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ये देखेंगे दूसरी बात की एनाफाइलेक्सिस और हाइपर सेंसिटिविटी होती है कुछ औषधियों के प्रति। तो ऐसी कुछ औषधियां जो होती है जिनके प्रति यदि रिएक्शन होता है तो रिएक्शन भी एक अचानक कारण होता है जिसमें दोषों का विशेषण बाद में होगा, पहले वह आपको व्याधि उत्पन्न करेगा और उस व्याधि उत्पन्न की हुई यानी जो फूड की एलर्जी होती है उस एलर्जी को नष्ट करने के लिए आपको एंटी एलर्जी की औषधियों का यानी अनुरोधता के प्रतिरोध जन औषधियों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इसे बताया जाता है। तो अभी ध्यान देते हैं तो व्यभिचारी हेतु क्या होता है। व्यभिचारी हेतु का मतलब होता है या एबनॉर्मल या वीक हेतु, यानी ये आपके शरीर में पड़े रहते हैं, जब कोई दूसरा तत्व आपको आक्रमण करता है तो ऐसे आक्रमण के समय पे ये भी पीछे से आ जाते हैं कि भाई मैं भी यहाँ पे बैठा हूं और मुझे भी समझो करके। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो ये वीक होते हैं और ये स्वयं ही व्याधि को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा पैथोजन या दूसरी बैक्टीरिया या दूसरे जीवाणु आक्रमण करते हैं तो यह भी रोग को एक्टिवेट करने में बहुत ही सहयोग करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल देते हैं कि आपको यदि आप कहीं जा रहे हो, आपने आइसक्रीम खाया या ठंडा पानी पिया, तो आइसक्रीम खाना, ठंडा पानी पिया, पानी पीने से या फिर धूल लगने से, धुआं लगने से जो कुछ भी अनुरुजता होती है, आपको जो एलर्जी होती है उसका अचानक आपके शरीर में प्रवेश होने की वजह से आपको क्या होगा कि कफ बढ़ जाएगा। कफ बढ़ने से घुड़घुड़ाहट उत्पन्न होगी, आपके शरीर में घुड़घुड़ाहट उत्पन्न होगी, आपके गले में घुड़घुड़ाहट आएगी, आपके आंखों से आंसू आ सकता है और तुरंत आपको कभी कभी ब्रीथलेसनेस जैसा महसूस होता है। यदि आपने उसको ज्यादा भी लेना चाहा परिणाम होगा कि वह ज्यादा लेने की वजह से आपको अस्थमा या दमा या फिर ऐसे श्वास जैसे अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो यह भी एक विशेष रूप से व्यभिचारी हेतु का कार्य करता है। फिर जो वीक दोष होते हैं और दूष्य, इनकी समूर्छना जो होती है यानी दूष्य और दोषों की जो समूर्छना होती है उससे जो संप्राप्ति निर्माण होती है, ऐसी अवस्था भी व्यभिचारी हेतु के बारे में बताया जाता है। दूसरा यदि देखा जाए तो जो आपकी व्याधि क्षमत्व है, यदि व्याधि क्षमत्व आपका सही है तो ऐसे दोषों का या ऐसे घटकों का उपयोग करने की
कारण भी वह आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देता है, तो तकलीफ नहीं देने की वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कालांतर में जाकर के ये आपके जो विषम हेतु होते हैं वो भी जाकर के आपको तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। अब इनके तीन प्रकार बताए गए, जैसे कि है कि आशात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञा अपराध परिणाम अश्चेत। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, आपके इंद्रियों का असात्म संयोग, यानी जो भी समझो आप आंखों से ज्यादा देखते हैं, कोई भी चीज ज्यादा देखने की वजह से भी आपकी आंखों को कष्ट देता है। अधूना आजकल के जो बालक हैं या फिर जो एम्प्लॉई हैं जो लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उनके आंखों के साथ साथ उनके जो दूसरी इंद्रियां हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस होने के चांसेस रहते हैं, उनको इरिटेशन होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद उनकी बुद्धि भी निश्चित रूप से वह ज्यादा उत्तेजनात्मक हो जाती है यदि इसका अत्यधिक उपयोग किया। यानी दूसरा, यदि आप म्यूजिक कर रहे हैं, म्यूजिक ज्यादा सुन रहे हैं या डीजे सुन रहे हैं, कहीं आप शादी में विवाह में वहां पे डीजे बज रहा है या किसी त्योहार में डीजे बज रहा है, उसमें भी डीजे का ज्यादा उपयोग करना, ज्यादा सुनना, वह आपके श्रवण इंद्रिय के मिथ्या युग के बारे, अतियोग के बारे में बताता है। मैंने तो देखा है अपने जीवन में कि कभी कभी ज्यादा डीजे बजने की वजह से जो उसकी श्रवण यंत्र होते हैं वैसे जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस भी आते हैं। तो इसलिए ऐसी अवस्था, फिर घ्राणेन्द्रिय से अत्यधिक बदबू जैसे पदार्थों का उपयोग करना। अब घ्राणेन्द्रिय भी सात्मिकता कैसे होती है कि जो एक बदबूदार चीजें हैं जो सीवेज है उनके अंदर काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे वहां सात्मिक हो जाता है, परंतु दूसरा नॉर्मल व्यक्ति जो वहां से गुजरता है तो उसे तकलीफ का अनुभव होता है। तो ये असात्म इंद्रियार्थ संयोग है, इंद्रियों का असात्म संयोग। तीसरा, उसमें भी हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग जो बताए गए हैं, यह भी एक सिद्धांत है आचार्य चरक का। यदि हीन हो गए यानी बहुत ही कम सुनाई देना, नाक से ये जो है कान से कम सुनाई देना, ये हीन योग कहलाता है, और कान से बहुत ज्यादा सुनाई देना अतियोग कहलाता है। उसी प्रकार से किसी सूक्ष्म वस्तु का अवलोकन बार बार किया जाए तो यह आपके स्वर्ण आपकी जो है वीक्षण, जो वीक्षणी इंद्रिय है उसका यह हीन योग है, और किसी बड़े चीज को नजदीक से देखा जाए तो यह अतियोग कहलाता है। अब दूसरी बात हम करते हैं प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध आज के डेट में, आज के तारीख में सारे रोगों की जड़ मानी जाती है, क्योंकि प्रज्ञापराध में कहा गया कि धी द्रुति स्मृति विभ्रष्ट यो यत कर्म कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोजम। इसे हम सर्व दोष प्रकोजम कहते हैं, सभी दोषों का प्रकोपक है कौन? धी द्रुति स्मृति विभ्रष्ट यो यत कर्म कुरुते अशुभम। इसी को थोड़ी सी सिमिलर भाषा में देखा जाए तो भगवत गीता में आचार्य भगवान कृष्ण ने आचार्य अर्जुन से भी कहा कि ध्यायतो विषयानुपुंसः तंगाः तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोपजायते क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यह भी एक प्रज्ञा अपराध का रूप बताया कि ध्यायतो विषयानुपुंसः संगात तेषुपजायते। जब किसी विषयों के बारे में पुरुष ध्यान रखता है, उसको सोचता है, तो उससे संघ का निर्माण होता है, और संगात संजायते कामा संग से काम की पूर्ति होती है, कामात क्रोधो भी जायते यदि काम ज्यादा बढ़ गया, मात्रा बढ़ गई तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधात बहुत ही सम्मोहा। अब जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आपको क्या करना क्या नहीं करना, यह निश्चयात्मक बुद्धि जो होती है वह शांत हो जाती है, वह उसके ऊपर क्रोध का आक्रमण हो जाता है, तम का आक्रमण हो जाता है। ऐसी बहुत में क्रोधात बहुत ही सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः और सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो स्मृति का भ्रंश हुआ तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति मरने मारने पर उतार हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में ये अर्जुन को उपदेश दिया। हम यहाँ कहते हैं कि धीद्रुति स्मृति विभ्रष्ट, तो प्रज्ञापराध का मतलब ये हुआ कि हमें हमारे हितकर आहार विहार के बारे में सोचना चाहिए, यानी हमें जो भोजन करना है या नहीं करना उनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मुझे लगता है समय कम है थोड़ा सा आज, बट मैं जल्दी कंक्लूड करूंगा। तो ये प्रज्ञापराध की बात होती है। तीसरा आपका परिणाम है, परिणाम है उच्चते, कैसे कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में क्या अच्छा होगा और क्या नहीं अच्छा होता उसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए, तो ये परिणाम की बात होती है। यदि हमें रात्रि जागरण नहीं करना तो नहीं करना चाहिए। यदि हम क्या करते हैं कि रात्रि जागरण आप करते हैं या आप समय से सोजन करते हैं, क्योंकि निद्रा, खास करके निद्रा का उपयोग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि निद्रा इत्तम सुखम दुष्खम तुष्टि पुष्टि वलादगम। तो निद्रा से सुख कर
निद्रा से पुष्टि, निद्रा से तुष्टि, निद्रा से बल की प्राप्ति होती है, अदरवाइज ज्ञानम ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर जीवितम की प्राप्ति होती है। तो उसका अपोजिट चले जाइए, यदि प्रॉपर निद्रा आप नहीं लेते हैं तो दुख की दुख होगा, फिर उसके बाद व्यक्ति जो है कृश होगा, व्यक्ति के अंदर अज्ञानता रहेगी और मरणम स्वतः जीवितम मरणम स्वतः, तो मरण की प्राप्ति होगी, इसलिए प्रॉपर निद्रा लेना बहुत आवश्यक है। अब आगे बढ़ेंगे दोष हेतु, व्याध हेतु और उभय हेतु। मुझे लगता है बहुत ज्यादा चर्चा हो जा रही है। हेतु लिंग और औषध, और औषध की बात हम करेंगे तो औषध के अंतर्गत ये पंचकर्मा यानी शोधन और शमन, ऐसी दो चिकित्सा बताई जाएगी, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा के अंतर्गत बमन, विरेचन, नस्य, वस्ती और रक्तमोक्षण ये बताया है, और आचार्य चरक ने रक्तमोक्षण के बारे में बहुत ज्यादा कहीं उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि वो निधम धनवंतरी आराम अधिकार करके छोड़ दिया है उसको वहां पे, खास करके बमन, विरेचन और वस्ती की और नस्य की विस्तृत चर्चा यहां कही है। तो यह क्यों शोधन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस शरीर में मल की प्राप्ति हो जाएगी, दोष बढ़ जाएंगे, उन दोषों को पहले उस शरीर में जहां जाके बैठे हुए हैं वहां से उभारने का काम, वहां से निकालने का काम, उसको मुख मार्ग से प्रवृत्त करने का काम, उसको गुदा मार्ग से प्रवृत्त करने का काम कौन करेगा, ये जो है पंचकर्म ही करेंगे। और पंचकर्म के बारे में आचार्य चरक ने उनकी औषधियों में सूत्रस्थान के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में बहुत ही विस्तृत रूप से उनको बता दिया, अपामर्तुंडली अध्याय के अंतर्गत, अरबुदी अध्याय के अंतर्गत और षड विरचन शताशती अध्याय के अंतर्गत उन्होंने नस्य से प्रारंभ करके सारी औषधियों का विवेचन कर दिया। और उसी औषधियों को विस्तृत रूप से जब हम चर्चा करते हैं तो सिद्धि स्थान के अंदर, कल्प स्थान के अंतर्गत आचार्य दृढ़बल ने उसको विस्तृत विशेष रूप दिया, क्योंकि दृढ़बल ही कहते हैं कि अस्मिन् शतकशाध्यायाः कल्पाः सिद्धयोचा, ऐसे 41 अध्यायों का उन्होंने जो संपूर्ण किया दृढ़बल ने, उसको विस्तृत रूप से उसका परिवर्धन कर दिया। तो यहाँ पर शोधन चिकित्सा इसलिए भी आवश्यकता है, जैसे कि शीशा गंदा होने पर उसे हम कपड़े से साफ करते हैं, कपड़े से साफ नहीं करें तो आपका चेहरा बहुत गंदा दिखाई पड़ता है, चाहे आप कितना भी पाउडर लगाते रहे, बड़ो चेहरा आपका शीशे में ठीक से दिखेगा नहीं। उसी प्रकार से शोधन प्रक्रिया करने की वजह से आपके शरीर के मल जो है वह उभर करके बाहर निकल जाते हैं, वह मुख मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, वह गुदा मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। तत्पश्चात आपने शमन प्रक्रिया यानी आपने क्या किया, स्वरस का उपयोग किया, फांड का उपयोग किया, क्वाथ का उपयोग किया, कल्प का उपयोग किया, गुटी वटी का उपयोग किया और भिन्न भिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया, जिसे रसायन को हम अपूर्व चिकित्सा कहते हैं, उनका भी विस्तृत वर्णन रसायन और वाजीकरण के 2 अध्यायों के 8 सब चैप्टर्स के अंदर आचार्य चरक ने विस्तृत रूप से दिया। तो इसको ध्यान में रखते हुए हेतु लिंगो षड्ज्ञानम स्वस्थातुर्प्राणम त्रिसूत्रम स्वास्थ्यम पुण्यम बहुदेयपुदाभ्याम, ऐसे हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र की विशेष कल्पना के बारे में आचार्य चरक ने बताई है, और उसको ध्यान में रखते हुए और आज समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यहीं पर इसका विराम देना चाहूंगा, और हमारे गुरु प्रवर को प्रणाम करते हुए आज की चरक जयंती के शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ओजस्वी और प्रखर वाणी में अपना संदेश स्पष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विष्णु, आदरणीय वीके अग्निहोत्री जी, योर कमेंट प्लीज। एक और सूचना दे दूं अपने सभी वक्ताओं को कि सभी को सम्मानित करने हेतु हमने चरक सम्मान की व्यवस्था की है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, श्रद्धा के सुमन हैं, जो सभी 51 स्पीकर्स को हम चरक सम्मान से सुशोभित करेंगे। आप लोगों की वाणी सरस्वती से परिपूर्ण है और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा आप पे बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। अग्निहोत्री जी धन्यवाद, नमस्कार डॉक्टर पवन शर्मा जी। ये 51 माँ सरस्वती के चरक पुत्रों का सम्मान तो है ही, साथ साथ ही 51 सिद्धपीठ क्या भी हमें स्मरण करा रहा है। तो ये सब जहां जहां विराजमान होंगे वो अपने अपने स्थान पर सिद्धि प्राप्त किए हुए चरक स्थापित होंगे। ये सब आयुर्वेद के शक्तिपीठ ही हैं गुरुदेव जी। तो ये 51 शक्तिपीठ के रूप में अब आपको जो जिम्मेदारियां मिलेंगी वो आपके लिए और गुरुतर हो जाएंगी। ये सरस्वती जी और माँ दुर्गा का दोनों का कृपा है, तो इसको इसका इससे आप अलंकृत होते रहिए।
डॉक्टर ब्रजेश जी अभी जो चर्चा किए बहुत अच्छा लगा, आप चरक के अंदर हमको अवगाहन कराते रहे और ये अच्छी बात है। लेकिन अब देखिए चरक पर 15 दिन चर्चा होगी, 2 विद्वान प्रतिदिन चर्चा करेंगे, तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता है उस रूप लेके चलेंगे तो ग्रंथ नहीं कभी समाप्त होता है न ग्रंथ का भाव। हमें ये देखना है कि जो सिद्धांत चरक आचार्य चरक जी चरक संहिता में लिखे गए हैं, जो एक व्यक्ति गानी विद्वानों और मनीषियों का संकलन है, उसमें से आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे नव पीढ़ी के छात्र जो नव स्नातक बनने जा रहे हैं उनका आयुर्वेद के प्रति रुझान हो, चरक संहिता में स्थित ज्ञान के प्रति रुझान और उसका प्रयोगात्मक वो स्वरूप ग्रहण करते रहे, चाहे वो पंचकर्म के रूप में हो सिद्ध स्थान के तरह या रोग निदान के क्रम में हो। अगर रोग निदान कर ले जाएंगे फिर चिकित्सा तो करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए आपका बड़ा स्पर्शी मर्म स्पर्शी रहा जिसमें कि समस्त उन क्षेत्रों कवर किया, छात्रोपयोगी भी बहुत था और ज्ञानोपयोगी तो था ही। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। ओवर टू पवन शर्मा जी, नमस्कार। धन्यवाद अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब अपने अग्रिम वक्ता जो कि फिर चरक पुत्र हैं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, आपका रिकमेंडेशन मुझे चरक के लिए, वैसे मैं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को बरसों से जानता हूं लेकिन तपन वैद्य जी ने आपका रिकमेंडेशन किया, ये अपने आप में शो करता है कि एक चरक को प्रेमिका मानने वाले, एक चरक के पुत्र, मैंने मैं क्या क्या रिश्तेदारी लाऊं नहीं जानता, लेकिन फिर भी स्वागत है, स्वागत है भूपेंद्र मणि जी आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से चरक के विषय में हम लोगों को और उद्बोधित करेंगे। प्रणाम सर। आडिबल हूं मैं? यस क्लियर सर, मेरी आवाज पहुंच रही? जी। अच्छा, हमारे सामने हमारे गुरुवर प्रोफेसर विनीत अग्निहोत्री सर हैं। मैं सर आपकी वंदना करता हूं और खुश रहिए। मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी अपने जीवन के एक पड़ाव को एकेडमिक जो मेरा कैरियर था एसोसिएट प्रोफेसर के बाद मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 1.5 वर्ष से चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपने जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू किया। और आप गुरुजन हमेशा मुझे मैसेज पर फोन पर जब मैं आशीर्वाद लेता हूं तो यही कहते हैं सब कुछ करना पढ़ाना मत छोड़ना। तो इसके लिए सर मैं सुबह और शाम, क्योंकि चरक आयुर्वेद क्लासेस में अभी भी चल रहा है और मेरी तो आत्मा में चरक, और जब से मैं पढ़ता था पहले इंदौर में था फिर पीजी करने रिश्कुल में आया आप लोगों के संपर्क में आया, तो जो विषय वस्तु को समझने की मेरी बुद्धि रही मैं बहुत अलग तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करता। आज का जो टॉपिक है डॉक्टर पवन शर्मा सर ने मुझे कल बताया तो मैंने देखा उसमें 2 शब्द हैं, प्रिंसिपल और प्रैक्टिस, 2 शब्द। तो जब मैं सिर्फ पढ़ता था या जब मैं 5 साल मैंने पढ़ाया आयुर्वेदिक कॉलेज में, और मेरे साथ कितनी बड़ी बात है गुरुवर की, मैं द्रव्यगुण में पीजी हूं लेकिन मेरी आत्मा संहिता में, पूरा देश जो मुझे जानता है वो यही जानता है कि मैं संहिता का विद्यार्थी हूं या संहिता में पीजी हूं। तो इसके पहले गौड़ सर को मैंने सुना, वैद्य तपन सर अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बनारस से के द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल शुक्ला सर जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर कामिनी धीमान मैडम जुड़ी हुई, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश भर के लगभग सभी वरिष्ठ गुरुजनों से परिचित हूं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। अब जब मैंने शास्त्र पढ़ा उसके बाद अब मैं प्रयोग कर रहा हूं उसका पिछले 1.5 वर्ष से, तो मैं बात करूंगा कि जो सिद्धांत है उसको प्रैक्टिकली कैसे समझना। हम लोग कई बार बात करते हैं, अभी हमारे गुरु श्रेष्ठ मिश्रा सर अपनी बात कर रहे, तो उसमें एक शब्द उन्होंने कहा कि असाध्य रोगों का उपचार करेंगे तो उसमें अर्थ विद्या यशोहानि उपक्रोशम असंग्रहम, ऐसा चरक ने कहा।
लेकिन समय के साथ आज देखें मॉडर्न मेडिकल साइंस या बाकी चीजें इतनी आगे चली गई हैं कि जिनको हम कभी असाध्य समझते थे उनकी चिकित्सा या तो पूरी तरह संभव है या कुछ दूर तक संभव है। तो जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, अभी मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ सर, और अस्पताल में तो हूँ ही। अगर मेरे पास कैंसर का रोगी आता है, मान लीजिए महीने में 2-3 ऐसे पेशेंट आ गए, तो मैं उनसे ये कभी नहीं कहता कि मैं आपको पूरी तरह ठीक कर दूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि आपकी जो व्याधि है उसके बारे में आप मुझसे बढ़िया जानते हैं, अब मेरा जो आपके प्रति दायित्व है वो ये है कि आपके जीवन में मैं कुछ दिन, कुछ महत्वपूर्ण दिन, कुछ मूल्यवान दिन जोड़ने का या बढ़ाने का प्रयत्न कर सकता हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम कम करने का ये प्रयास कर सकते हैं। आप भोजन अच्छे से कर सकें, आपको ज्वर आ रहा है वो कम हो जाए, आपको पीड़ा हो रही है वो कम हो जाए। तो जहां आपको समस्या ये है कि मेटास्टेसिस हो गया है और अब आगे दिक्कत होनी है, 4 महीने 6 महीने 1 साल जो भी संभव होगा आयुर्वेदिक औषधियों से हम प्रयास करेंगे, सत्वा वजह से प्रयास करेंगे और आपके जीवन के अनमोल दिन बढ़ाने का प्रयास। मैं जिन गुरुजनों से सीखा हूं उन्होंने मुझे ये भी सिखाया है कि किसी भी रोगी के प्रति हमारा जो दायित्व है उसमें है हमें सत प्रयास करना। वो सामान्य सा अम्ल पित्त का रोगी है उसके लिए भी सत प्रयास करना है, वो कैंसर जैसी महामारी का महाव्याधि का है उसके लिए भी सत प्रयास करना है। हम रोगी को ये कभी नहीं कहेंगे कि जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो मेरी बुद्धि कहती है, जो चरक से मैंने सीखा है। दूसरी बात यह है कि सर जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस और जो एजुकेशन है ये दोनों की जो समस्याएं हैं वो इंटरलिंक्ड। हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम है आज भी वो पूरी तरह थ्योरेटिकल है। कई मंचों पे गुरुजनों को सुनता हूँ, कई लोगों को सुनता हूँ, हम आज भी उसी बात पर जा रहे हैं। कहते हैं कि चरकस्तु चिकित्सते। जब मैंने चरक पढ़ा, और ये मेरा सौभाग्य कि साल भर में 8-10 बार रिपीट हो जाती है चरक संहिता, क्योंकि पीजी की क्लासेस लेते हैं, संहिता पढ़ाते हैं, तो रिपीट हो जाता है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जब मैंने ध्यान देना शुरू किया सर, तो चरकस्तु चिकित्सते मतलब सिर्फ चिकित्सा स्थान नहीं है उपयोगी चिकित्सा के लिए, सूत्र स्थान के पहले अध्याय से लेके एवरीथिंग है चिकित्सा के लिए उपयोगी। अब जैसे मैं बात करूं बैलेंस डाइट की, तो जब बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, इनकी बात कर, भारत जैसे देश में सर अगर मैं एक रोटी का टुकड़ा उठाता हूँ, एक गिलास दूध उठाता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मुझे पता चले कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, इतना कैल्शियम। लेकिन जब चरक की बात करते हैं तो उन्होंने 25वें अध्याय में जहां अग्रह द्रव्य लिखा, 40वें श्लोक में लिख दिया सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम, और वहीं लिख दिया एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम। और जब इसकी मीनिंग लिखी गई एक रसाभ्यासों की, तो वहां लिखा प्रमिता आसन शब्द उसके लिए है। यानी जब माल न्यूट्रिशन है, एक रसाभ्यासो मतलब माल न्यूट्रिशन, केवल मधुर ले रहे हैं, केवल तिक्त ले रहे हैं, केवल कटु ले, सर्व रसाभ्यासो मतलब षड रसाभ्यास। और इसको और क्लियर करने के लिए 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में उन्होंने कहा षष्टिकान साली मुद्गाश्च सैंधव आम्लके यवान आंतरिक्षम पयः सर्पी जांगलम मधुचाभ्यश। अब जब षष्टिक साली की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, उसमें मधुर रस प्रधान है, शास्त्र कहता है षड रस युक्त भोजन करिए। मुद्ग की बात की उन्होंने, पेशेंट आता है सबसे पहले उसकी हम अगर यूरिक एसिड बढ़ा या कोई समस्या है तो हम उसको सारी दालें बंद करा के मुद्ग पे ले आते, प्रोटीन का सोर्स है ये। सैंधव की बात की, लवण रस की बात करते हैं तो सैंधव उसमें उत्तम है, क्यों? क्योंकि वो शीत वीर होता है, बाकी जितने नमक है सब उष्ण वीर है, और जितनी भी किडनी की और कार्डियक प्रॉब्लम्स है वो सब टेबल साल्ट के कारण हो रही, सोडियम क्लोराइड प्रॉपर जो है, राग साल्ट है उसमें नहीं होती है प्रॉब्लम। तो सैंधव आमलके अगर देखें आप तो 5 रस हैं उसमें, और विटामिन सी का सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, आमलका व्यवस्थापना नाम कह दीजिए, ये रेगुलर खाने वाली चीजें हैं। षष्टिकान साल मुद्गाच सैंधव आमलके यवान कहा। अभी मार्केट में सर ओट्स आता है, पेशेंट आते बोलते सर हम ओट्स लेते हैं नाश्ते में, जबकि आप 5वें अध्याय में वहीं आगे देखेंगे तो यवक को न सीलेत शब्द लिखा है, सीलेत मतलब रेगुलर अभ्यास नहीं करना है, उसका प्रयोग नहीं करना। यव कहाँ है रोज लेने के लिए? वो स्नेह प्रतिषेध का काम करेगा, एक्सेस फैट को कम करेगा। और जब प्रमेह की चिकित्सा बताई तो वहां लिख दिया यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेह, तो जव का प्रयोग करने के लिए कहा, गेहूं भी नहीं कहा रोज खाने।
सेकेंड लाइन में जब आते हैं श्लोक के तो वहां पर उन्होंने लिखा अंतरिक्षम, अंतरिक्षम मतलब प्योर वाटर। सुश्रुत ने अनुपान में महेंद्र जल को उत्तम बताया, वही अंतरिक्षम, ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसको कलेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया फ्री है। आरओ में भी उतना प्योर पानी नहीं तैयार हो पाता जो बारिश का पानी आता है, अंतरिक्षम। पया कहा दूध रोज लेने के लिए कहा, सर्पी घृत रोज लेने के लिए कहा है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होता है, कहते घी मत खाओ। तो घी खाएंगे आप, लेकिन घी के नियम का पालन करेंगे, वो स्नेहाध्याय में लिखाऊंगा कि घी खाने के योग्य कौन है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम घी खाएं और सिटिंग जॉब है, पैदल चलना नहीं है, मेहनत करनी नहीं, घी क्यों खाएंगे। तो अंतरिक्षम पया सर्पी, और इसी बात को जब आचार्य रसायन बताया चरक चिकित्सा 1.4 में आयुर्वेद समुत्थानी में, वहां पर भी उन्होंने लिखा दो ही द्रव्य है जो नित्य सेवन करने वाले हैं, घी और दूध की बात, बाकी सब भाव हैं जिनका पालन कर। तो अंतरिक्षम पया सर्पी जांगलम जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए, और मधु चाभिषेक शहद का सेवन रेगुलर करना है अपने आप में रसायन। अब एक प्रश्न आता है कि भाई अब आज सष्टिक साली कहाँ मिलेगा, मुद्ग नहीं मिलता, पेशेंट कहते हैं साहब कैसे क्या करें। और इटालियन आ गया, चाइनीज आ गया, तमाम चीजें आ गई, पिज्जा बर्गर सब आ गया। अब प्रश्न उठता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करें इसके लिए। तो सर अगले श्लोक में फिर लिख दिया उन्होंने कि जब हम लोगों जैसे अल्पबुद्धि लोग आएंगे वो इस पर कुतर्क करेंगे कि ये मिलता नहीं है तो क्या खाएं। तो वहां पर उन्होंने लिखा तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्य में अनुवर्तते अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति कर्म चयत। उन चीजों का, उन द्रव्यों का भी रेगुलर हम प्रयोग कर सकते हैं स्वास्थ्य में अनुवर्तते, जिससे कि स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे। क्यों? क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो जो हम एम्फेसाइज करते हैं वो ये है कि हम बीमार ही ना होने दें, ट्रीटमेंट की बात तो बाद में आती, और जो विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न ना हो, ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए। तो इसमें जो हमने बात की तो षड रस युक्त आ जाता है षष्ठगांसा लिमुद्गांसु। फिर दूसरी बात होती है कि हम कई बार बात करते हैं कि हमारा साइंस श्रेष्ठ है कि मॉडर्न मेडिसिन है, कि क्या श्रेष्ठ है। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आयुर्वेद ही श्रेष्ठ, आयुर्वेदो अमृता नाम कह दिया उन्होंने। लेकिन सर पहले अध्याय के 134वें श्लोक में उन्होंने लिखा तदैव युक्तम भय सज्जम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठ रोगोभ्यो यह प्रमोचित। दुनिया की वो कोई भी मेडिकल साइंस हो, अगर वो रोगी को रोग से मुक्त कर रही है, या कोई भी औषधि हो, किसी भी सिस्टम की हो, अगर रोगी को निरापद रूप से आरोग्य दे रही है तो वही उसके लिए श्रेष्ठ औषधि है। वो चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, एलोपैथी हो, एनी अदर मेडिकल साइंस। जब बात आती है तो मैं कभी ये नहीं कहता मंच से कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है या एलोपैथी ऐसा है, मैं यही कहता हूं कि एवरी मेडिकल साइंस इज कंप्लीट इटसेल्फ बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। सारी पैथियां अपने आप में परिपूर्ण है लेकिन उनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस। ये चरक सिखाते हैं। मंचों पर तो हम क्रिटिसाइज करते हैं एलोपैथी को, फिर जाके एलोपैथी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, आयुर्वेद के बड़े बड़े विद्वान भर्ती हो जाते हैं एलोपैथी के अस्पताल में। तो एक चीज तो ये है जो मैं जोर दे रहा था सर कि जो हमारी पढ़ाने का सिस्टम है, अभी CCIM ने जो ट्रांजिशनल क्यूरिकुलम रखा, लेकिन उसमें हमने कई जगह का प्रोग्राम देखे, आज भी वही चीज है, मंचमाला माइक चल रहा है, हम कैसे प्रिंसिपल और प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आयुर्वेद में। प्रैक्टिस वाले को तो जगह ही नहीं मिलती है वहां पर, सिर्फ प्रिंसिपल वालों को मिलती है। तो जब प्रिंसिपल वालों को मिलेगी, किताबी ज्ञान होगा। और गुरु जी मेरा कई बार मेरे अंदर मन से भी आता है, मैं एक प्रश्न करता हूँ, अपने आप से भी करता हूँ और आप गुरुजनों से भी करता हूँ, कि मैंने भी पढ़ाया है 5 साल तो मैं इसलिए प्रश्न करने का हकदार हूं। दूसरे के बच्चों को हम 5 साल आयुर्वेद का गोल्डन टाइम बताते हैं, आयुर्वेद में ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट करियर है। मैं शीर्षस्थ जितने विद्वानों को आयुर्वेद में जानता हूं, मैं क्षमा चाहूंगा ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, उनमें से अगर मैं 100 लोगों को जानता हूं तो 5 लोग भी मुश्किल से होंगे जिनके बच्चे आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। जो हमारे शिष्य हैं उनको तो हम ब्राइट फ्यूचर दिखा रहे हैं आयुर्वेद में, और हम ऐसा आयुर्वेद में क्यों नहीं कर पा रहे हैं या किए हैं कि हमारा बच्चा आयुर्वेद में प्रैक्टिस करेगा, आयुर्वेद में काम करेगा। ठीक है, ये बच्चे पर डिपेंड करेगा कि वो करियर क्या बनाना चाहता है, उसकी अभिरुचि किसमें है, उसकी क्षमता किसमें है, उसका जुड़ाव किसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज लैकिंग है कि पिता ने ऐसा काम नहीं किया आयुर्वेद के लिए कि पुत्र उससे मोटिवेट होकर आयुर्वेद में काम करे। कुछ लोगों के बच्चे हैं लेकिन वो
सिर्फ अपवाद कहे जाएंगे गिनती के लिए लोग। तो एक चीज तो ये भी मैं कहूंगा कि स्वयं ऐसा आयुर्वेद में काम करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन कहे कि नहीं, मैं भी अपने पिता जैसा अपने पिता से बड़ा आयुर्वेदक जीवन। क्यों हम न्यू जर्सी में रहेंगे, क्यों हम न्यूयॉर्क में काम करेंगे, क्यों वहां करेंगे, हम आयुर्वेद के लिए काम क्यों नहीं करेंगे? ऐसे लोग जो आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं विदेश में रह के, मैं उनको नमन करता हूं। हम अपने बच्चे को कभी नहीं लाना चाहते इस करियर में, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं से वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो इन्फीरियरिटी भर गई है कि बेटा हम तो आ गए जैसे तैसे, तुम मत आना इसमें। और दूसरे के बच्चे को हम BMS करा रहे हैं, PG करा रहे हैं, PhD करा रहे हैं, तमाम चीजें करा रहे हैं। तो एक तो ये मैं क्षमा चाहूंगा जो मैंने कहा, लेकिन ये मेरे मन का, क्योंकि आज चरक जयंती है और मैं चरक मेरी आत्मा में बैठे हैं, तो हो सकता है वही मुझसे कहलवा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कई बार अनडायग्नोज डिजीज रहती है, तो हम कैसे समझें, क्या ट्रीटमेंट दें, क्या करें? शास्त्र कहता है 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में, जब मैं 2002 के बैच में BMS में था, तब से एक प्रश्न हमेशा और आज भी ये प्रश्न आते हैं, जो छात्र छात्राएं हम लोगों को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको भी प्रश्न आता है कि आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है, आयुर्वेद में HIV का इलाज है, आयुर्वेद में कोरोना का इलाज है। शास्त्र कहता है कि सभी व्याधियों का नामकरण संभव नहीं है। चरक में पढ़ा मैंने 18वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक में, 44वें श्लोक में लिखा है कि विकारा नाम अकुशलो न जिह्यात कदाचन। तो हमने ये न जिह्यात शब्द को इतना पकड़ रखा है गुरुदेव कि मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करता, बिल्कुल भी झिझकता नहीं। रोग का नाम नहीं दे पाएंगे ठीक है, उसमें हमें लज्जा नहीं करनी है, विदाउट नो हेजिटेशन काम करना है। क्यों? क्योंकि नहीं सर्व विकारा नाम तो वस्तु ध्रुवा स्थिति, सभी रोगों का नामकरण संभव ही नहीं। कल कोई इबोला आ गया, कल को कोई और आ गया, तमाम व्याधियां आएंगी, नाम बदल जाएंगे, लेकिन उसके जो लक्षण होंगे, जो कारण होंगे, वो इन तीन दोषों से और इन तीन कारणों से, सात्म इंद्रिया संयोग जैसा ब्रजेश मिश्रा सर ने बताया, प्रज्ञा पराध और काल इनको पार नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे समझाते हैं, अगर लज्जा नहीं करेंगे तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तीन शब्दों में बात कह दी उन्होंने, एक श्लोक छोड़ के आगे आएंगे तो, तस्मात विकार प्रकृति नेचर ऑफ द डिजीज अधिष्ठान अंतराणि च साइट ऑफ द डिजीज और समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरित। उसका जो निदान है, जो उसका कारण है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसके आधार पर हमें रोग को डायग्नोस करना है। अब वो चाहे सन्निकृष्ट हेतु हो, चाहे विप्रकृष्ट हेतु हो, चाहे उभय हेतु हो, चाहे व्यभिचारी हो, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तीन बातों से, क्योंकि उन्होंने तो सूत्र स्थान लिखा तो सूत्र में सब बात कह दी, उसको अप्लाइड वे में हमें समझ, तो हम उसको डायग्नोस करेंगे। हम देखेंगे कि अच्छा, इसमें ये वात का लक्षण मिल रहा है, ये पित्त का मिल रहा है, ये कफ का मिल रहा है, डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस तरह की है, उसको समझा और उठा के ट्रीटमेंट दिया, सही हो जाए। सर मैं भाग्यशाली हूं और आप लोगों का आशीर्वाद है कि पिछले जून से मैं लगातार मेरे जिले में और प्रयागराज में, चूंकि मेरी पोस्टिंग कौशाम्बी में है और जो मेरा होम टाउन है वो प्रयागराज है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ट्रीट कर रहा हूं लगातार। चरक का कमाल देखिए सर, हमारे यहाँ CDO साहब थे, अब चूंकि ट्रांसफर हो गया इसलिए बता रहा हूं मैं, ये 8 साल से वो कास से पीड़ित है, खांसी की समस्या से पीड़ित थे सर, और मेदांता लखनऊ में ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो कभी आराम हो जाता था, कभी प्रॉब्लम हो। हमारी DO मैडम से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपके यहाँ कोई ठीक ठाक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हो तो एक आध दिन भेजिए हमारे पास। सर 7 जून की बात है, मैडम का फोन आया कि आप कल जरा CDO साहब से मिल लीजिए और उनको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और थोड़ा सा आप देख लीजिए। मैंने कहा मैडम कल नहीं, मैं आज आ रहा हूँ, मेरा कुछ काम है तो मैं आज ही मिल लेता हूँ, आप उनसे समय ले लीजिए। सर मैं गया उनके चैम्बर में, बहुत सारे अधिकारी बैठे थे और आपका ये शिष्य जब वहां पहुंचा तो जब ग्रीन टी वगैरह आई उसके बाद बातचीत शुरू की। सर मैंने उनसे 2 बातें कही, मैंने कहा सर आप दही रोज खाते हैं, वो सर नीचे से ऊपर तक देखने लगे कि ये कौन सी विद्या पढ़ के आया जो ये कह रहा है कि आपको खांसी लगातार आ रही, ठीक नहीं हो रही, तो दही आप रोज खाते। 5वें अध्याय के सर 10वें या 11वें श्लोक में लिखा हुआ है, जहां पे नित्य सेवनी द्रव्य नहीं है, वल्लूरम शुष्क शाकानी सालुकानी विशांच, वहीं लिखा है कि दही नहीं खाना है। मैंने उनको स्कैन करके PDF भेजी बाद में कि मैंने कहा सर देखिए हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ कि आप हर मौसम में, हर ऋतु में,
हर अवस्था में दही या कोई भी चीज जो मनाही है वो नहीं खा सकते। तो मैंने कहा सर छाछ भी पीते हैं? बोले हाँ, वो तो डीएम साहब के साथ सुबह मीटिंग में थे, छाछ भी पी लेते हैं। मैंने कहा सर मेरा करबद्ध निवेदन है, 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा प्रश्न किया मैंने, कहा सर एसी कितने टेम्परेचर पे चलाते हैं? उन्होंने कहा 18 डिग्री पे चलाता हूँ। मैंने कहा सर मेरा निवेदन है 27 पे चलाइए। उन्होंने कहा नहीं 27 बहुत गर्मी है यार डॉक्टर साहब, कैसे होगा? तो मैंने कहा सर थोड़ा सा मैनेज करिए। बोले मैं मैनेज करूँ? सर मैंने उनकी पल्स देखी, स्टेथोस्कोप लेके गया था, बीपी में सारे एग्जामिन किया। मैंने कहा सर आपको तो लंग्स क्लियर है, आपको जो प्रॉब्लम है सर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और सर मैं आपको कल दवाइयां भिजवाऊंगा, मुझे गांव जाना है प्रयागराज, तो मैं आपसे मिलते हुए जाऊंगा, या नहीं आ पाए तो किसी माध्यम से भिजवाऊंगा। सर दूसरे दिन 2 बजे मैं पहुंचा सीडीओ साहब के चैम्बर में। उन्होंने कहा डॉक्टर त्रिपाठी कल से मैंने दही नहीं खाई, छाछ नहीं पिया, और आवास पर भी 24 डिग्री पर एसी चल रहा है, और ऑफिस में भी देख लीजिए चल रहा है, मुझे खांसी नहीं आई। सर ये है निदान परिवर्जन। मैंने उनकी पर्सनालिटी देख के, सारी चीजें देख के मुझे लगा कि ये 2 चीजें हैं जो इनको प्रभावित कर रही, और ठंडा पानी बहुत पीते थे, चिल्ड वाटर, मैंने मना किया। अब सर क्या हुआ कि मैंने उनको दवाइयां ली, उन्होंने 1 हफ्ते में ठीक। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि सर आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाए, मैंने कहा सर 10-15 दिन में हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मैंने कहा अधिकारी हैं, पता चले कि राजा के योग्य चिकित्सक हूं कि नहीं हूं, लपेटे में आ जाऊं। फिर सर उन्होंने फोन किया कि ऐसा डॉक्टर त्रिपाठी आप मिलिए हमसे, आज हमारे मंत्री जी आए हुए, तो बोले मंत्री जी चले जाएं तो आपको समय हो तो आइए। सर मैं गया तो उन्होंने कहा अभी तो मैं ठीक हो गया, वो फिर से खांसी आएगी तो क्या करूं? मैंने कहा सर नहीं आएगी, आप 1 हफ्ते और ले लीजिए दवाई। फिर सर मैंने उनके परिवार के सदस्यों को देखा, दवाई दी। ये चरक ने सिखाया सर मुझे, क्योंकि आप गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया है, तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको आत्मसात करने का प्रयास। सिर्फ निदान परिवर्तन से दवाइयां तो सामान्य ही दी मैंने, वही ताली सादी चूर्ण दिया, वही अभ्रक भस्म दिया, वही टंकड़ दिया, सारी चीजें, लेकिन आराम हो गया। सेम यही केस इस सैटरडे के पिछले सैटरडे को एडीएम प्रयागराज को देखा सर, फरवरी से खांसी आ रही थी, सारे जितने भी मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट, सबको दिखा लिए, नहीं ठीक हो रहे थे। किसी माध्यम से संपर्क हुआ और बोले डॉक्टर साहब हमें श्वास का चिंतामणि रस चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, डिस्पेंसरी में तो नहीं आता, सप्लाई में मैं भिजवा देता हूँ। तो जो व्यक्ति लेके गया उससे मैंने कहा कि एडीएम साहब से कहना मुझसे बात करेंगे, ये क्यों चाहिए उन्हें। जब मेरी बात हुई बोले यार फरवरी से खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने कहा सर आप सैटरडे तक रुक जाइए, मैं गांव आता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा। सर मैं गया हूँ, उनको एग्जामिन किया, पूरे निदान उनके लिए सारी चीजें चरक के अनुसार, उसके बाद दवाइयां मिला के दिया हूँ सर। उनकी दवाई चेंज की, श्वास का चिंतामणि रस वही मिला दिया जो उनके पास भिजवाया था। सिंगल डोज में सर खांसी बंद हो गई, सिंगल डोज में, और अभी वो काफी ठीक हैं। तो जो व्यक्ति 6 महीने से किसी भी चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट ले रहे हों और उनको आराम नहीं मिल रहा, और निदान परिवर्तन से, सिद्धांत परिवर्तन से अगर उनको आराम मिल रहा है, तो ये आप गुरुजनों का साक्षात आशीर्वाद है मेरे ऊपर और चरक की कृपा है। क्यों? क्योंकि सर जब उन्होंने 25वें अध्याय में पथ्य अपथ्य बताया, मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी समय हो गया है, और जब कभी डॉक्टर पवन शर्मा सर दोबारा समय देंगे तो मैं बात करूंगा। आज सिर्फ आपके शिष्य से उनको ये, क्योंकि वो मुझसे पूर्व परिचित भी हैं, तो उनको ये लग जाए अगर कि नहीं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी एक ऐसा स्टूडेंट है, मैं छात्र ही कहता हूं अपने आप, जो संहिता पर इस तरह की बात कर सकता है। तो सर उन्होंने वहां पर जब पथ्य पथ्य की परिभाषा बताई तो उन्होंने बात की कि पथ्यम पथो अनपेतम यच्च उक्तम मनसः प्रियम, 25वें अध्याय का 45वां श्लोक। यच्च अप्रियम अपथ्यम तत् नियतम न लक्षित। जब हम शाब्दिक अर्थ पढ़ लेते हैं श्लोक का पास होने के लिए एकेडमिक करियर में, वो ठीक है, लेकिन जो पथ्य और अपथ्य का सिद्धांत है ये वेरिएबल है, तत् नियतम न लक्षित, तो अब कैसे करेंगे? मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम। तो सबसे पहले सर मात्रा आती है, जब भी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आता है तो हम उसको कहते हैं कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, तो व्यक्ति को एकदम फोर्सफुली नहीं मना करते कि उसके मन में आ जाएगा कि ये तो सब मना कर दे रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे कम करना है। जो चीज नुकसान करने वाली है उसकी मात्रा तुरंत कम कर, अम्ल पित्त का रोगी है जो उसके निदान है उसको कम करवा दें, मधुमेह का रोगी है उसको कम करवा दें, उच्च रक्तचाप का रोगी है उसको कम करवा दें। और गुरुजी मैं ये बताना चाहूंगा 1.5 साल के एक्सपीरियंस से, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 170 तक रहता है सिस्टोलिक, मैं उसको एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर। किसी की ब्लड शुगर फास्टिंग 250 है और पोस्ट मिल 300-350 तक है, मैं नहीं देता हूँ उसको मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देता हूँ।
आयुर्वेद से कंट्रोल होता है वो सब आप गुरुजनों के आशीर्वाद से और निदान परिवर्तन से। इतना 1.5 साल में मैंने अनुभव करके देख लिया यहाँ पर। तो वहां पर सबसे पहले चीज आई मात्रा, फिर है काल, समय देखकर हमें कोई चीज प्रयोग करनी हो सकता है। गर्मी में जो चीज अपथ्य है ठंडी में वही पथ्य हो जाती है, जम्मू कश्मीर में जिस समय कोई चीज पथ्य है वही राजस्थान में अपथ्य हो जाती है। तो काल की बात हो रही हो, और काल में इतना ही नहीं देखना है, काल में रोगी की अवस्था और स्वस्थ व्यक्ति लगा वहां पर नित्यग और आतुरावस्था दोनों देखना, ये विमान स्थान में कह दिया हूं। फिर उसके बाद बात करते हैं मात्रा काल क्रिया, हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं, हम बाह्य परिमार्जन चिकित्सा कर रहे हैं, अंतः परिमार्जन कर रहे हैं कि शस्त्र परिधान कर रहे हैं। तो क्रिया पे डिपेंड करेगा पथ्य और अपथ्य। जब सर्जरी होती है तो कफवर्धक चीजें सुश्रुत भी मना करते हैं, चरक भी मना करते हैं। तो क्रिया भूमि, उसमें संसमन संशोधन चिकित्सा भी हम ले सकते हैं। भूमि का मतलब आतुरावस्था और देश, मतलब भूमि से दो चीज है, रोगी का शरीर और जो जियोग्राफिकल कैटेगराइजेशन है वो, उस पर भी देखना है। जंगल प्रदेश का है क्योंकि वाग्भट ने लिख दिया कि यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तत् औषधम इतम, जो जहां से उत्पन्न हुआ है वो उसके लिए औषधियां भी वहीं की श्रेष्ठ होंगी। एक केस मिला आम्लपित्त का, वो मैडम ने कहा है कि जब मैं पंजाब में रहती हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, जब दिल्ली में आती हूँ दीदी के यहाँ तो मुझे आराम हो जाता, और वहां पर काश्यप ने बताया है आम्लपित्त की चिकित्सा में कि जब आराम न मिले तो देश त्याग करना, स्थान परिवर्तन कर दे, मौसम बदलेगा जलवायु बदलेगी आराम हो। तो मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष, अब शरीर है वातज प्रकृति है पित्तज है कफज प्रकृति है, उसके हिसाब से आपको देखना है दोष की स्थिति कैसी है, उस हिसाब से हमको निदान परिवर्तन कराना है। इनके गुणों के अंतर से हम रोगी को जब देखेंगे समझेंगे तो वो उसको लाभ मिलता है। फिर चरक का एक श्लोक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। उसमें उन्होंने लिखा कि शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षणीयतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत्। तो शस्त्र शास्त्र और सलिल ये तीनों पात्र की अपेक्षा करते हैं, और यहीं पर हमारा लैकिंग है। आयुर्वेद को जो लोग पढ़ रहे हैं और आयुर्वेद को जो लोग पढ़ा रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा मांगते हुए कहूंगा वो सब इस लायक नहीं है। सुश्रुत ने लिख दिया कुवैद्या निप्रदोषतः, कुवैद्य की उत्पत्ति में राजा या एडमिनिस्ट्रेशन कारण होता है, और आयुर्वेद में जो पठन पाठन की व्यवस्था है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अच्छे के लिए बुरे के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। सिस्टम का नाम बदल जाता है लोग बदल जाते हैं लेकिन सिस्टम वैसे चलता रहा। तो शस्त्र शास्त्र और सलिल पात्र की अपेक्षा करते हैं। चक्रपाणी ने कमेंट्री की लिखा अगर गुणवत् पात्र होगा तो गुण की उत्पत्ति होगी और दोषवत् पात्र होगा तो दोष की उत्पत्ति। तो गुरुजन आप सभी हमें सुन रहे हैं ये मेरा सौभाग्य है, और मैं अब अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा ये कहते हुए कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत् दुर्लभ है। कोई भी शब्द कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र न बने, और 26वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा नाना औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्तिमर्थम च तम तम अभिप्रेत। तो कोई भी मूल नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आयुर्वेद दिवस पर ये बात कही थी। और अयोग्यो पुरुषो नास्ति, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि योग्य व्यक्ति को उसकी जगह नहीं मिलती वो किसी भी वजह से, तो कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। जरूरत है उसको प्लेटफॉर्म देने की, उसको जगह देने की, उसकी बात सुनने की। क्योंकि डॉक्टर पवन शर्मा सर ने आज मुझे यहाँ मौका दिया, प्रथम दिन के वक्ता में मेरा नाम रहा, ये मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आप गुरुजनों का वर्चुअल दर्शन बहुत दिन बाद कर पाया, पिछले 1.5 वर्ष से मैंने आपको देखा नहीं है, जब से मैं हरिद्वार से आ गया हूँ बस केवल याद करता हूँ, और वो सभी संस्मरण 2012 से लेके 2020 तक के जो मैंने आपके साथ बिताए वो मेरे लिए अविस्मरणीय है, मैं उन्हें भूल नहीं पाता हूँ। और आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि मैं पूरी तन्मयता से यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करता हूं, और मेरी पोस्टिंग जो है वो रूरल एरिया में है लेकिन मैं यहाँ रहता हूं,
रह के काम करता हूँ और जब मैं इस जिले में काम करता हूँ उसका फीडबैक प्रयागराज में जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चरक पढ़ना, आप लोगों का शिष्य होना मेरा सौभाग्य रहा और वो गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि आज 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई बात होगी, आयुर्वेद की बात होगी, अब सुश्रुत ने तो लिख दिया कि रोगी को अपने पुत्र के समान मान के ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो अब सरकार तो स्वर्ण प्राशन के लिए पैसा नहीं देती है, स्वर्ण भस्म सर आधा रत्ती 1900 रुपए की आती। मैं यहाँ रूरल एरिया में हूँ सर, मैं एक बार स्वर्ण प्राशन कराता हूँ 4-5 हजार रुपए का खर्चा आता है, लेकिन चूंकि सुश्रुत ने लिखा है कि अपने पुत्र के समान मानना, तो अगर मुझे अपने पुत्र को स्वर्ण प्राशन देना होगा तो मेरा पैसा लगना है, तो जो रोगी है वो भी पुत्र के समान है, तो थोड़ा सा खर्चा हो जाए चलेगा, लेकिन आयुर्वेद का नाम होना चाहिए, प्रोपोगेशन होना चाहिए, पब्लिक में मैसेज जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में मैसेज जाए। और गुरु जी, मैं जब प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रीटमेंट देता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि ये CDO साहब हैं कि ADM साहब हैं कि कौन है, मैं उनसे अपने रोगी के समान ही व्यवहार करता हूँ, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ा है, रामचरितमानस में लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। तो मैं स्वयं चिकित्सा अधिकारी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, और मैं इस चीज की परवाह ही नहीं करता, मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत ये है, मुझे करना चाहिए, तो हम शास्त्र सम्मत आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और अब आगे जो आप गुरुजनों का आदेश होगा, निर्देश होगा, उसके अनुसार कार्य करता रहूंगा। और मुझे सुनने के लिए आप में से जो भी लोग अभी ऑनलाइन इसमें जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं, अपने सभी गुरुजनों को नमन करता हूं, और ये मैं मानता हूं कि जो कुछ भी मैं हूं या जो कुछ भी मैं हो सकता हूं, वो सब आप गुरुजनों का आशीर्वाद है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अग्निहोत्री जी, योर कमेंट। नमस्कार जी, फिर भी आशा रखता हूँ कि भूपेंद्र मणि जी इस मंच से जुड़ते रहेंगे और हमेशा इस मंच को अपने विचारों से अवगत कराते रहेंगे। बिल्कुल सर, नमस्कार गोविंद शर्मा जी, थैंक यू। अभी हम सब लोग हमारे प्रिय डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को सुन रहे थे या उनका उद्बोधन से हम लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। एक नाम है जिसका, जिसको कहते हैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, जो आयुर्वेद के चरक शिक्षण में है जाना जाता है, और आयुर्वेद के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा के रूप में, चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। और इनके जो कूत के जो पांव थे ना, इनका पालना तो था देवगुण, लेकिन वो देवगुण से निकल के ऋषिकुल में दिखलाई पड़ गए थे। हम बताएं आपको, स्नातकोत्तर शिक्षा अध्ययन करते समय शुरू में ये काय चिकित्सा के विद्यार्थी बने थे, और काय चिकित्सा में इन्होंने मेरे संग बैठने का जो अवसर हमें मिला है, दिलवाया हम कहेंगे, उसका हमें ये फायदा मिला कि हम इनकी नस जान गए कि ये कहाँ से जुड़े हैं और कहाँ से बोलते हैं। और उसके बाद इनका जो भाव था ज्ञान के प्रति और चरक के प्रति, हमने यहाँ से लेके सबसे पहले PG एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में प्रकट करवाया। आज मैं भूपेंद्र, मैं सच बता रहा हूँ, आज आप उतनी तीव्रता से, उतने तीखेपन से बोल ही नहीं पाए, मुझे तो ये लग रहा, या मैं आपको इतनी बार सुन चुका हूँ इसलिए मेरी जो 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 धार आपकी पहले देखी हुई थी उसमें मुझे आज ये लगा कि आज आप जैसे नहीं एक समयबद्धता के कारण एक दबाव में बोल पा रहे हैं, या अधिशासी अधिकारी हो गए हैं इसलिए कुछ न्यायप्रियता और शासकीय आपकी बद्धता भी है, नहीं तो जब आप छात्र जीवन में बोलते तो क्या बात थी सामने, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हो चाहे धर्मवीर जी बैठे हो, कोई मतलब ही नहीं, हमें अपनी बात कहनी है। खैर, उसके बाद आपने बहुत कमाया, उसके बाद आपने चरक, हम मैंने जो अनुभव किया वो सुन लीजिए, मैंने ये अनुभव किया कि आपकी उधार जो हमने छात्र जीवन में देखी थी मैं उसको देखना चाहता था। खैर, ये समयबद्धता और अधिकारी बनने के बाद फर्क पड़ जाता है एनीवे। लेकिन आपने कुछ मौलिक प्रश्न उठाए, मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये कि लॉ के ऑर्डिनेंसेस बुक्स में बने रखे हैं एक लॉयर के यहाँ, वो पुस्तकस्थिता विद्या वो अलग है, लेकिन अगर उसकी योग्यता है और वो कोर्ट में जाके जब वो वकालत करता है, प्लीडिंग करता है, और केस के मेरिट के आधार पर उसको सफलता या असफलता जो भी मिलती है, तो वो गुणवान वकील माना जाता है। तो आपने दोनों चीजें छू ली,
सिद्धांत पक्ष के रूप में चरक संहिता और प्रयोगात्मक रूप में चिकित्सा कार्य में, चाहे वो सीडीओ साहब हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे कोई एक अदना सा हमारा अननोन रोगी हो, उसको स्वास्थ्य लाभ दिलाना हमारा मौलिक कर्तव्य है एक चिकित्सक के हैसियत से। अब आपने जो दूसरा प्रश्न कर दिया कि हमारे गुरुजन या हमारे आयुर्वेद में स्नातक पढ़ाए स्नातक लोग अपने बच्चों को आयुर्वेद शिक्षा में क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, क्या उनका अल्प ज्ञान रहा या उनको आयुर्वेद के प्रति उतनी निष्ठा या ईमानदारी नहीं आ पाई जो वह दे पाए। देखिए यहाँ एक बात आप जरूर मानना चाहेंगे कि करियर के मामले में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर वो आर्ट साइड पढ़े, बीकॉम करे, एमबीए करे, बीफॉर्म करे, आयुर्वेद में आए, एमबीबीएस में आए, डेंटल बने या मैनेजमेंट में चला जाए, वो चीज अलग है। और हम जानते हैं, हम आप, हमारे फादर शिक्षक थे, तो हम आप फिर ये पूछे हमारे पिताजी ने हमको क्यों डॉक्टर बनने दिया, शिक्षक क्यों नहीं बनाया, ये एक ऐसा विशेष सर्कल, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये अलग चीज है। हाँ, हम आयुर्वेदिक चिकित्सक होके कितनी आयुर्वेद से चिकित्सा करते हैं ये विचारणीय विषय है, क्योंकि अभी हमारे सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे, उनको स्टंट पड़ गया, तो उसने उन्होंने प्रश्न किया तो हमारे मिश्रा ने जवाब दे दिया कि नरोहिताहार विहार से भी करिए। अब वो फिर सिद्धांत रखा हुआ है किताब के अंदर, उसको चला लिया उन्होंने 60-65-70 साल तक, अब आगतई परिस्थिति बन गई, 99% आया, 70% तो होता ही, तो उन्होंने सेवाएं लेनी पड़ी। तो आपने स्पष्ट कर दिया कि कोई पैथी क्या नाम गुणगान करते हैं, नाम बुराई करते हैं, जो पैथी हमें स्वास्थ्य दे वही हमारे लिए आरोग्यकर हो गई, वो सारी चीजें लब्बो लुआब यही हुआ कि हमें शास्त्र ज्ञान अच्छा होना चाहिए, शास्त्र के ज्ञान के प्रति समझ भी अच्छी होनी चाहिए आप जैसे अगर मार्गदर्शन मिलेंगे तो। साथ में जब चिकित्सा की जिम्मेदारी आपकी आई, मेरे संग में यही हुआ था, मौलिक सिद्धांत बेसिक स्वस्थवत से एमडी करने के बाद जब हम 4 साल मेडिकल ऑफिसर है तभी जाके स्वर्ण गहरी का सांस उठा रहा था और दुनिया चाहिए समझ में बात आई, नहीं तो तब तो ये था कि भाई नॉन क्लिनिकल है कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 27-28 साल ऋषिकुल में जब चिकित्सा कार्य किया तो वहां पर यह था कि 40 मरीज को देखना है, एक मरीज को तो आप 1 घंटे दे देंगे, दूसरे मरीज हायतवा मचाएंगे, मुश्किल तो ये भी है, हम दोषियों का अंशांश कल्पना करेंगे, निदान करेंगे, चिकित्सा करेंगे। आपने तो देखा होगा वहां देता भैया मेरा पर्चा ऊपर क्यों कर दिया, मेरा पर्चा नीचे क्यों कर दिया, मैं इनसे पहले आया था, ये सब चीजें भी व्यवहारिक ज्ञान करना पड़ता है। लेकिन चिकित्सा परक शास्त्र परक चिकित्सा यदि करेंगे तो यश की प्राप्ति अवश्य होगी। हम याद आ रहा है मुझे यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब थे, उनकी पत्नी थी वहां पर देहरादून से, वो 2 गाड़ी लेके आती थी, हम लोग चिकित्सा और बाकायदा अर्दलिया पूछता था कि आप हमें देख लेंगे, और ऐसे ही अपने एडीएम साहब का था, उनका अर्दलिया पूछा कि क्या आप देख लेंगे, सिंपल उनको वो था वास्तविक जोड़ था, प्रतिष्ठा की चिकित्सा करनी थी, तो मिलता है वो सीट आपके चिकित्सा की सीट जो है बहुत ही माननीय होती है, वहां पर सरकारीकरण नहीं, आपके आपके जो आप सरस्वती के व्रत पुत्र हैं ऐसा आप बने रहे, और चिकित्सा के कारण में भी चरक महर्षि चरक का आशीर्वाद आपको प्रत्यक्ष रूप मिलता रहे, यही शुभकामनाएं आपके आज के उद्बोधन के लिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ओवर टू पवन शर्मा जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर, दोनों को धन्यवाद। मैं अब अपने अग्रिम वक्ता हमारी ओजस्वी प्रखर वक्ता वैद्य पारुल जी जोशी को आमंत्रित करता हूँ। वैद्य पारुल जी जोशी रास्ते में हैं अभी, फिर भी वो ज्वाइन हो रही हैं। स्वागतम, स्वागतम मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सब, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। और बैटरी का प्रॉब्लम भी मेरा सॉल्व हो गया, चार्जिंग पे रख दिया है तो मैं आराम से बोल पाऊंगी। अग्निहोत्री साहब ने बहुत बढ़िया बताया साहब, और मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि चरक जो है उसमें जिया कैसे जाए व्यक्ति को, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स है, मानव जीवन जो है उसका विशेष कारण है, किसी विशेष कारण की वजह से हमें मनुष्य अवतार मिला है, और वो कैसे जिया जाए ये हमें महर्षि सिखाते हैं, और इतना बढ़िया सिखाते हैं सब। मैं 4th ईयर में थी उस वक्त, हर साल एग्जाम देनी होती थी, तो उसमें जब हमें चरक संहिता में सिखाया गया कि यन्यास्ति तदन यत्र यन्यास्ति न तत् क्वचित, तो क्योंकि मैं साइंस इंग्लिश मीडियम से आ रही थी, तो ऐसा दिमाग में आया कि कितना अभिमानी है ये, ही स्पीकिंग ऑल दिस, ऐसा नहीं नहीं ये तो दिमाग में बैठेगा ही नहीं, लेकिन आफ्टर 45 years आई एम सेइंग यस, ही वॉज राइट, ही इज राइट, एंड जो चरक में लिखा है वही हर जगह है। हम आर्ट्स में पढ़े फॉर एग्जाम्पल डांस जो है, डांस करे लेकिन उसमें व्यक्ति जो है उसका बिल्डअप ऐसा रहेगा तो ही वो अच्छा डांस कर पाएगा,
मेरे पास एक केस था, वैसे तो मीडिया में थे लेकिन उनकी चाव जो थी वो गाने में थी। तो जैसे ही गाना शुरू करते थे उनकी आवाज़ बिगड़ जाती थी और वोकल कॉर्ड्स में सूजन आ जाती थी, वो एक स्टैंजा भी गा नहीं पाते थे। तो उनका ये प्रॉब्लम था और उन्होंने कई लोगों से मिले, फिर एक बार आए मेरे अखंडानंद में और पूछा कि क्या करे, ये तो वोकल कॉर्ड्स का सूजन आ जाएगा तो मैं तो गा ही नहीं पाऊंगा और मेरा शौक कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैंने उनकी हैबिट्स पूछी और मैंने उनको बताया, देखिए आपकी ये जो हैबिट्स है इसकी वजह से आप ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे और गा तो बिल्कुल नहीं पा रहे। He changed his lifestyle, sir, और आज without taking any medicine, करीब last 20 years से वो आराम से अपना शौक पाल सकते हैं and he is very happy with that. He's a media person और गुजरात में तो उनका नाम है। तो ये चरक के सिर्फ जीवन पद्धति के सिद्धांत का अनुपालन करने से मिला रिजल्ट है। दूसरे जो हमारे साहब थे IPGT में, तो वे बार बार बोलते थे कि सामान्य और विशेष का सिद्धांत ऐसा है, मैं उनकी चहेती स्टूडेंट थी, तो बोलते थे कि पारुल सामान्य और विशेष का सिद्धांत ऐसा है कि जिसने वो भूला उसने गलती करी। और हम देखे कि पंचभौतिकता की बात करें, त्रिदोष की बात करें, द्रव्यों का चयन करें, रस शास्त्रीय कल्पना बनाए, हर चीज में सामान्य और विशेष का ही सिद्धांत है। तीसरी बात, मेरा अपना थीसिस, महर्षि चरक ने बताया है दशेवाणी। लोग बोलते हैं 50 घंटे थी उसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं, सिर्फ ह्यूज थिंग। उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें और उसी मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े तो शायद पृथ्वी पर काफी काफी रोग जो है उसको हम नाथ पाएंगे, यानी उनको कंट्रोल कर पाएंगे। हमें समझना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन से गण का उपयोग करना है। महर्षि सुश्रुत के गणों का इस्तेमाल करने में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन चरक आचार्य ने गणों का नाम ही ऐसा दे दिया है क्योंकि मेरा विषय स्त्री रोग प्रसूति तंत्र है, तो आर्तव जनन, गर्भस्थापक, गर्भस्थिरीकरण, गर्भपोषक, ये सब ऐसे शब्द दे दिए कि उसमें कुछ सोचना ही, लिखा है, पढ़ा है, आगे बढ़ो। इसमें कई जगह तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि हम अपना दिमाग भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आचार्य ने बताया है, आपका वाक्य है। मैंने साहब बोलते थे कि आपता शिस्ता विपुत्तास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, और मैंने जीवन में देखा है कि सभी महर्षियों के जो वाक्य है उनका स्ट्रिक्टली अनुपालन करने से इतने बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। दिक्कत एक ही है कि हम समझ नहीं पाते वे क्या कहना चाहते हैं। अगर आर्तव जनन से हमने ड्रग को पीना समझे, मेंस्ट्रुएशन समझा और हमने दे दिया बिना सोचे समझे कि भाई आर्तव बढ़ाना है यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ाना है, लेकिन पेशेंट को उसकी जरूरत नहीं है, पेशेंट को ओव्यूलेशन की जरूरत है, तो आर्तव जनन जो गण है उसमें से हम सिर्फ ओव्यूलेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मेडिसिन देंगे तो हमको दोनों में रिजल्ट मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन भी ठीक होगा, ओव्यूलेशन भी ठीक रहेगा। लेकिन बिना सोचे समझे एलोवेरा हर चीज में दे दिया, वहां पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति में एलोवेरा नहीं दे सकते, ये बिना सोचे समझे हम हर जगह एलोवेरा दे देते हैं तो बल्क स्किन डिजीज बढ़ते हैं, आर्तव बंद हो जाता है क्योंकि हम कुछ से ज्यादा जब दे देते हैं तो उसकी विपरीत असर मिलती है। तो ये आचार्य के जो सिद्धांत है उनको समझना और उनका पालन करना ये हमारी फर्ज बनती है। मेरा प्रिय जो है वो, क्योंकि मुझे उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, इंद्रिय स्थान है। उसमें आचार्य ने इतने अच्छी तरह के सिम्टम्स और क्रोनोलॉजिकली सिम्टम्स दिए हैं, उस क्रम को समझकर अगर हम पेशेंट का दूध का
और उनके सगे संबंधियों का, अपने खुद के परिचारक का हम लोग अवलोकन करें तो हमें पता चल जाएगा ये चिकित्सीय व्याधि है या उपद्रवकारी है या आसन्न मृत्यु है। साहब एक बहुत बड़े यानी वेरी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का एक दिन एकदम ही फोन आ गया, माय मदर इज सिंकिंग, पारुल आई कांट बेयर इट, आई लव माय मदर, आई वांट हर अलाइव। अब इन्फ्लुएंशियल थे और मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं उनके घर पे जाके उनकी अम्मा की जांच करूं। मैंने बोला साहब मैं टीवी के सामने बैठी हूं, आप न्यूज में अपनी माँ को दिखा दीजिए। He did it because he was influential. मैंने तुरंत ही उनको फोन करके बताया साहब she is going to live 100 years, आराम से जिएंगे, आप उनको सिर्फ च्यवनप्राश दे दीजिए। बोले च्यवनप्राश से ठीक हो जाएगी क्या? हाँ, अरे she is sinking। मेरे मेडिकल वालों ने सभी, क्योंकि he was influential, तो सभी ने बताया कि भाई ये तो नहीं, she is going, दो तीन दिन की मेहमान है। साहब उन्होंने शादी पूरी करी, 101 साल की है। सो दैट इज लक्षण, बिना पेशेंट को छुए भी हम लोग महर्षि चरक ने जो दिया है वर्णन उसके मुताबिक चले तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। और आज भी साहब मानते हैं, कितने कैसे देख लिया, मैंने नहीं देखा, महर्षि चरक ने दिखाया और मैंने तो सिर्फ बोला। दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसा है कि पेशेंट काफी सोच, ज्यादा सोचने वाला पेशेंट था और हम जिसे अतत्वापी निवेश बोलते हैं उस तरह के लक्षण दिखा रहे थे। उनके हस्बैंड काफी त्रस्त थे, बोले कि पारुल बेन मैं क्या करूं, मेरा वर्क ऐसा शेड्यूल है, मेरी सुबह कब हो कि शाम कब हो भी कुछ तय नहीं है, मैं कब कहाँ जाऊंगा, कब खाना पाऊंगा, सो भी पाऊंगा, आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसी जॉब है मेरी और ये समझ नहीं रही मैं क्या करूं। फिर मैंने उनको बताया कि आप उनको इस तरह हैंडल कीजिए, शी इज मोर ऑफ ए साइकिक प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज बिकॉज शी प्रोबेबली वॉन्टेड टू मैरी समबडी एल्स एंड शी हैज मैरिड यू। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो 30 साल गुजर चुके हैं। Now she has to bear with this, but she is not bearing. What to do? She's torturing me. My old father is getting tortured. आप कुछ मदद कीजिए। कोई और डॉक्टर होता तो उनको कोई सेडेटिव दे देता या फिर कंपोज जैसा कुछ दे देता या भंगा का कोई योग दे देता। साहब मैंने उनको पिपली मूल दिया, बोला पिपली मूल जो है वो जब भी दिमाग चलने लगे, सोचने लगे, आप पिपली मूल जो है वो अपनी जिह्वा पे रख दीजिए। आफ्टर दैट ही हैज नेवर कंप्लेंट, हस्बैंड हैज नेवर कंप्लेंट। पिपली मूल जो है वो नर्वाइन डिसऑर्डर पे काम करता है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पिपली मूल जो है वातावरण संस्थान पर काम करता है और पित्त पंगु कफ पंगु पंगव मलतातव वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघव। तो हो गया, पेशेंट इज हैप्पी। वो अब समझ में आया उसके कि आफ्टर 30 इयर्स इसको टॉर्चर करने से क्या फायदा, 30 इयर्स तो बीत चुके हैं, दूसरे 30 तो बीतने वाले नहीं है। तो वो ये सोच जो है उसकी धीरे धीरे डेवलप हुई। इट टुक मी 2 इयर्स, काफी सारे सिटिंग्स दिए उनको, लेकिन कोई मेडिसिन ऐसी नहीं दी जो उनको हैबिट फॉर्मिंग हो। फिर एक बात जो है हम लोगों ने देखा कि क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्ट्रेटा में है तो हर मेडिसिन हमारे पास नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि जो मेडिसिन चाहिए वो हमारे पास होती ही नहीं है और पेशेंट को कैसे हम ठीक करें। तो हम लोग कुछ चीजें पेशेंट को घर से ही लाने को बोलते थे और उससे हम लोग रिजल्ट लेते थे। तो ऐसा करते करते एरंड निम्ब तेल बनाया हमने, नहीं वाता त्रुते योनि नारीणाम संप्रदूष्यति। तो एरंड जो है वो तो काम करेगा ही करेगा और इन्फेक्शंस काफी आते हैं पेशेंट्स में, ज्यादा करके मानसून में जो है वो दे डोंट नो हाउ टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी एंड क्लीन, तो इन्फेक्शंस बहुत आते हैं। तो इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा, कंडो में भी रिजल्ट मिलेगा, ठंडक भी होगी
देखते क्या होता है, लेट्स ट्राई। तो हम लोगों ने ट्राई किया साहब, इतना क्लिक हो गया हमारा, पेशेंट वही तेल बार बार मांगने लगे। फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि भाई आप खुद ही घर पे बना लो, और फिर पेशेंट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, और हम लोग जो है वो उनको बताते हैं आज भी जो है वो एरंडेल नीम तेल जो है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे युक्ति व्यपाश्रय का जो आचार्य ने बताया है, तिष्ठति उपरी युक्ति ग्नो द्रव्य ज्ञान वताम सदा, तो युक्ति व्यपाश्रय जो है उसका उपयोग करके हम काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे हिंग्वाष्टक जो है वो अनुपान बदलने से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिल देता है, उसी तरह जो हम औषध देते हैं वो प्राग पत्त मध्य पत्त भोजनांत भूखे पेट सुबह में दोपहर में शाम को। मेरे स्टूडेंट्स को दोपहर में यानी उनका क्लिनिक खत्म होता था तो बहुत एसिडिटी होती थी, तो वे ऐसा समझते थे कि ये जो हमें भूख लगती है और हम टाइम पे खाना खाते नहीं है इसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। मैंने उनको बताया कि सुबह आप लोग कितने बजे उठते हैं और कितने बजे नाश्ता करते हैं, तो हम लोग 7 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, तुरंत चाय नाश्ता करते हैं और भागते हैं यहाँ आने के लिए। ठीक है, क्या खाते हो नाश्ते में? तो जो भी मौसी बना के देती है, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले थे ये बच्चे, मौसी जो बना के अगले शाम रखती थी, थेपला है, भाखरी है, रोटी है, तो उसमें से हम लोग खा लेते थे, या फिर ना कुछ ना हो तो फिर बिस्किट खा लेते हैं और चाय तो हम पीते हैं। तो ये जो विदा उत्पन्न होता था, जल्दी जल्दी खाना है, जल्दी जल्दी भागना है, भोजन के उपरांत भागना नहीं है, ऐसा जब आप तो वाक्य है समझे भागते थे, ऐसा उनको समझाया। विदाउट टेकिंग सूर्य शेखर और एनी अदर कामधुता रस और गैरी क्या ऐसा कुछ पी लिए बिना, बच्चे एसिडिटी से तो बाहर आ ही गए, जो उनको गुस्सा आता था वो भी बंद हो गया, और उनको समझ में आया कि भाई ये जो बताया गया है आहार विधि विशेष आयतन, उनका पालन करने से हम लोग रोगों से मुक्त रह सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। मेरा एक पेशेंट है, शी ऑल्सो हर हस्बैंड इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, काफी मंत्रियों के साथ ही उनका पीएससी रहे हैं मंत्रियों के। तो एक बार उनका फोन आया, पारुल जरा आ जाना, क्या हुआ? अरे तू आ जा देख ले क्या हालत है, तुम्हें कही? तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे एंटासिड्स, बापरे इतने सारे, करीब 4 प्रकार के तो एंटासिड थे, बी कॉम्प्लेक्स थी, कैल्शियम थी, 4 एंटासिड दिए हैं, हर एज इज 55, हाउ इज शी गोइंग टू टॉलरेट, मेनोपॉज में है तो विदा उत्पन्न होगा ही, टेंशन में है कि पोस्ट रिटायरमेंट में क्या करूंगी, शिक्षक थे वे, तो मैं पोस्ट रिटायरमेंट क्या करूंगी वो टेंशन भी है, बच्ची उनकी विदेश में है, शादी करवाई है बच्ची की तो उनका भी टेंशन है उनको, और डॉक्टर ने इनको इतने सारे एंटासिड्स दे दिए, और एंटासिड्स इन्होंने लिए भी, देखने की बात ये है, 4 तरीके के एंटासिड उनको पता है कि ये चारों 4 एंटासिड है, फिर भी उन्होंने लिए। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मुझे डिजलिंग भी हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, भूख नहीं लग रही है, आप ये सब मेडिसिन बंद करेगी क्या? हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगी। तो फिर तू दवाई क्या दोगी? सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, रात में सोने से पहले गर्म पानी में गर्म दूध में आपको घी डाल के पीना है। अरे वैसे भी मोटी है, ज्यादा मोटी हो जाएगी, तू क्या सिखा रही है इसको, ये आप करिए तो सही। She did it. Faithfully she did it. और उनका जो है वो सब क्लियर हो गया, उनको मोशन में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, और फिर उनको दूसरा प्रॉब्लम डेवलप हुआ, क्योंकि मेडिसिन लेने की तो उनको आदत थी, तो दूसरा प्रॉब्लम उनको डेवलप हुआ। जी मैडम जी, उनके गाल हम लोग बोलते चिक्का अंदर का भाग, उसके अंदर ऐसे ही व्रण बनने लगे, तो डेंटिस्ट के पास गए कि ये कैसे हो रहे हैं, तो बोले ये दांत जो है वो नोकीला हो गया है, वो दांत आपको लग रहा है वहां पे, तो क्या करें?
आप एक काम करिए, ये जेल लगा के देखो 3 दिन, अगर जेल लगाने के बाद ठीक हो जाता है तो फिर आप जेल चालू रखना, वरना 3 दिन के बाद आप आ जाना। 3 दिन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर ने सब दांत निकालने शुरू कर दिए। काफी करीब 6 दांत निकल गए तो बोले क्या किया जाए, तो अपना इरी मिदादी तेल उनको दिया और उनका मुंह जो है वो ठीक हो गया। इस तरह चाहिए इतने चरक के योगों का इस्तेमाल करने से भी हमें रिजल्ट मिला है। चरक आचार्य ने जो रोगी की परीक्षा करने के उपरांत मेडिसिन देने को बोला है वो करने से भी हमें रिजल्ट मिलता है। और चरक का जो सिद्धांत है चरैवेति चरैवेति, तो घूमने से काफी कुछ सीखने को मिलता है। और तत्विद्य संभाषा ज्ञान वर्धनानम, वो तो हमारे पवन साहब कर ही रहे हैं। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेरी नाइस। आप हमेशा बोलते हैं तो माँ सरस्वती बोल रही है ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अब हमारे साथ 3 घंटे हो गए हैं इस कार्यक्रम को, फिर भी बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारे साथ विश्व आयुर्वेद परिषद के महासचिव प्रोफेसर अश्विनी कुमार भार्गव जी, वो भी रसशास्त्र से हैं और पंजाब से हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार भार्गव जी से आग्रह करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम के संबंध में, और 15 दिन जो हम कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद आपकी है, हमारे मुखिया हैं वो, और हम उनके नेतृत्व में ये सब कार्य करते चलें, चरक महोत्सव का आयोजन करते चलें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अश्विनी जी प्रणाम। डॉक्टर अश्विनी कुमार भार्गव जी नमस्कार। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपका आज का कार्यक्रम चरक जयंती का बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों ने मनाया है और पूरा 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, जैसी कि जानकारी अभी आप प्रोवाइड कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात खास करके इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की भी है कि आपने लगातार ये जो कार्यक्रम है उनको आप लगातार ले रहे हैं, और ये आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम जो है नॉर्मली रहते हैं। तो यहाँ तक विश्व परिषद की बात है, उसमें हमने 1997 में विश्व परिषद की स्थापना हुई थी, और उसके बाद से ये जो चारों कार्यक्रम है, चरक जयंती, उसके बाद धन्वंतरी दिवस, और उसके बाद विश्व मंगल दिवस, और फिर नववर्ष, ये चारों कार्यक्रम विश्व परिषद मनाता रहा है। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि चरक जयंती के जो कार्यक्रम विश्व परिषद ने अपनी शैशव अवस्था में स्टार्ट किए थे, अब पूरा भारतवर्ष चरक जयंती के कार्यक्रम मना रहा है। और हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे विश्व परिषद का नाम आए या ना आए, फिर भी चरक जयंती जो है वो मनाई जाती है। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि हम लोग अपने जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेद में जुड़े हुए ऋषि मुनियों से जुड़े हुए अपने ये संहिता ग्रंथ जो हैं, उनको पढ़ने की आदत जो है अपनी फ्रेटर्निटी को पढ़े, और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम जो है विश्व परिषद जो है वो करता रहा है और आगे करता भी रहेगा। तो आज का हम सबने देखा है कि जो कोरोना का समय भी हमारे सामने देखने को मिला, उस समय ये बात तो प्रूव हो गई कि आयुर्वेद के अंदर जो अपने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जितने भी संहिता ग्रंथ लिखे गए हैं, वो आज के उपलक्ष्य में भी पूरी तरह से स्टीक बैठते हैं। और चाहे कितने भी रोग आ जाएं, चाहे कितने भी इस प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आ जाएं, तो भी हम उनका जो सही प्रशमन है हम सही ढंग से कर सकते हैं, अगर हमने अपनी संहिताओं को ध्यान से पढ़ा है। तो आज का ये जो कार्यक्रम आपने रखा है उसके लिए आपको साधुवाद। समय की एक सीमा है, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम 6 से 8 बजे तक था, लेकिन अब 9 बज चुके हैं, तो इस समय की सीमा को ध्यान रखते हुए मैं आज जितने भी कार्यकर्ता इसमें जुड़े हैं, जितने भी अपने आयुर्वेद के मनीषी इसमें जुड़े हैं, उन सबको साधुवाद देते हुए मैं आपके ये जो 15 दिन का जो कार्यक्रम आप ले रहे हैं उसकी सफलता के लिए कामना करता हूं। और जहां भी
विश्व परिषद की आवश्यकता इस कार्यक्रम में होगी या इसके कार्यकर्ताओं की होगी, हम लोग आपके साथ पूरा सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मन में विचार करते हुए हम लोग आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, आपने आखिरी समय में भी मेरा वक्तव्य जो है उसको रखा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बिना तो ये मंच अधूरा रहता। आज आपका ही प्रोग्राम है, विश्व आयुर्वेद परिषद इतना बड़ा यज्ञ ले रही है 15 दिन का, ये आपका ही यज्ञ है, हम तो केवल आपके निर्देश पे आहुतियां देने वाले लोग। हरिओम, साधुवाद आपको, हरिओम हरिओम, बहुत बहुत अग्निहोत्री जी नमस्कार। थैंक यू पवन शर्मा जी नमस्कार। अभी हमको पंजाब से अश्विनी भार्गव जी के आशीर्वचन मिल रहे थे, और आशीर्वचन ही नहीं, उनका जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है वो किसी भी निष्क्रिय व्यक्ति को भी सक्रिय बना सकता है। उनकी वाणी के साथ उन्होंने बताया कि जिस तरीके से विश्व आयुर्वेद परिषद पिछले 25 वर्षों का अपना बाल्यकाल पूरा कर चुकी है, अब वो विस्तार में है, तो उसे क्रम में अपनी IRES की तरफ से तो जो प्रचलन आज से शुरू किया गया शुभ दिन में, बहुत अच्छा रहा। और इससे पहले हम अभी पारुल जी के उद्बोधन पर चर्चा करें, बड़ी खुशी की बात है आज पारुल जी बिना स्लाइड्स के बोली, तो उसका फायदा ये मिला कि न कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम रही, न कोई डिपेंडेंसी रही स्लाइड्स पर, और बड़ा एक्सटेम्पोर और बहुत ही प्रैक्टिकली बतलाए। खुशी इस बात की उनका जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल VIPs VVIPs के बीच में रहता है, और वहां पर ही आयुर्वेद के एक जो सार्थक स्वरूप है, जो शास्त्र में ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्थापित करने का जो अवसर मिलता है, तो बहुत ही, और वैसे भी हम 5-7 बार तो हम लोग उनसे उनका लाभ ले ही चुके हैं उनके ज्ञान का, तो एकदम से ऐसे नहीं, कितना कुछ वो अपने छात्रों को, अपने MD PhD स्कॉलर्स को सिखा पाती होंगी, तो सोचता हूँ कि वो सारे छात्र छात्राएं धन्य हैं और वो फॉर्चुनेट हैं, और हम लोग भी मिलने का मन करते हैं, क्योंकि बहुत ही, एक तो वो मैंने जिसको कहना चाहिए बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही इस चीज को एक सक्रिय रूप से जिसको कहना चाहिए, बहुत ओपननेस से बतलाते हैं कि कोई भी इशू आए सामने, चाहे वो एल्डरली लेडीज का हो, +100 ईयर्स के वालों की बात हो, कपल्स का मामला हो, या एकेडमिक का मामला हो, तो बहुत अच्छा लगा उनका उद्बोधन के सुन के। और हमारे आज के हम समझते हैं अपने आज के गेस्ट स्पीकर्स का आज का सबका हमको उद्बोधन प्राप्त हो गया है, तो आप 5-10 मिनट के लिए डिस्कशन के लिए ओपन कर दीजिए, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर दिए। थैंक यू सर, तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर CP शर्मा जी को, एक्स जॉइंट डायरेक्टर आयुष गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। वेलकम वेलकम डॉक्टर CP शर्मा सर। सर प्रणाम सर। हरिओम चरक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी सहभागियों को, साथ ही परम श्रद्धेय गुरु बनवारी लाल जी गौड़ वैद्य तपन जी, साथ ही हमारे जितने भी एक्सपर्ट वक्ता थे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं चरक जयंती की। जहां चरक चिकित्सा अभी क्या है, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक विशेष आयोजन कर रही है एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली जो बात आती है, वहां हमारा चरक विशुद्ध अप्लाइड साइंस है सर, अप्लाइड आयुर्वेद साइंस, चाहे वो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं वाला सिद्धांत हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य की जो परिभाषा है समदोषा समाधान स्वास्थ्य दिए, चाहे वह रोगस्थ दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता विकारो धास वैषम्यम साम्यम प्रकृत रुच्यते, जहां जहां हमको हमारे वैद्यों ने वक्ताओं ने जो बताया हमको कि हमें देह मतलब
त्रिसूत्र आयुर्वेद की जहां बात आ रही थी, वही मैं एक नया कंसेप्ट त्रिसूत्र के बारे में बताऊंगा, देह अग्नि और श्रुतस। जहां अपन व्याधि की संप्राप्ति की परिकल्पना करते हैं, वहां जहां निदान पंचक के बारे में सोचते हैं, वही निदान वही शर्मा जी आपकी जिसका आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके अभी अब वीडियो वीडियो ऑफ कर दें तो आवाज क्लियर हो जाएगी सर। जी जी वीडियो ऑफ कर दें आवाज क्लियर हो जाएगी। जी सर। जी 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 अभी हम सब कैसी आ रही है आवाज? एकदम बढ़िया। जहाँ ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जहाँ एक बात और आई थी हमारे वक्ता ने बताया था कि हम सिद्धांत और प्रैक्टिकल, तो हमारा आयुर्वेद जहां तक मेरा ब्रेथ रही जो जहां तक मैंने पढ़ा है, हमारा आयुर्वेद हमारे सिद्धांत सैद्धांतिक से प्रायोगिक अप्लाइड है, प्योरली अप्लाइड है। अब एप्लीकेशन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप उसको किस तरह से अप्लाई मानते हैं। जैसे राजसेतु विशेष या अभी चल रही थी बात में बोल रहा था निदान पंचक की बात, तो जो हेतु हमारा जो कारण जो व्याधि का, मैं पांच चार चीजों को प्रभावित करता है उसमें दोष दूष्य अग्नि और श्रोतस। तो जहां पर हम इन चारों का करेक्शन, चाहे वो एकल औषधि से करें, चाहे हम निदान परिवर्जन से करें, चाहे हम औषधि विशेष जिनकी हमने परिकल्पना अपने दिमाग में बैठा रखी है, जैसे रस की वृद्धि करना है हमें, तो रस वृद्धि के लिए हमारे आचार्य ने कहा चलिए द्राक्षा बहुत अच्छी है, या हमें अस्थि वृद्धि करना है, या हमारे दोष है, या हमारी जाठराग्नि दुष्ट है, उस जाठराग्नि की दृष्टि के लिए हमारी जो परिकल्पना है आयुष की, जो आयुर्वेद की परिकल्पना है, चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुता तपो पाचनानि उपवासस्य व्यायामस्य इति लंघनम्, लंघन को प्रशस्त बताया अग्निमान। तो हम वहां पर सैद्धांतिक जो चिकित्सकीय व्यवस्था है हमारे आचार्य चरक की, उस चिकित्सकीय व्यवस्था में चाहे हेतु पर निदान परिवर्जन की बात हो, जो सिद्धांत दिया छीणा वृद्धत्व्या वृद्धा हिरासत्व्या समापालत्व्या, तो हमें ये मैनेज करना है। जहां आचार्य कह रहा है दोष धातु मूलम ही शारीरम, हमें हमें दुष्य के बारे में दोष की पंचभूति कल्पना समझना चाहिए, दोष की पंचभूति कल्पना समझना चाहिए, प्लस उस औषधि का पांच भौतिक चिकित्सा के बारे में। तो जहां हम सैद्धांतिक, उन्होंने कह दिया छीणा वर्धत्व्य, या उन्होंने कह दिया कि ये दोष के लिए पिपली थी, तो पिपली या सुंठी, सुंठी को उन्होंने कहा ये हमारी पिपली हमारी सुंठी हमारी या कोई भी एक औषधि कैसे अग्निमान कैसे दोष का साम्यवस्था में ला रही है, कैसे दोष की सम्यक निर्माण कर रही है, कैसे वो स्रोत शोधन कर रही है, एक ही औषधवन करने के बाद एक साथ संप्राप्ति संगठना में दोष दूष्य अग्नि और स्रोतस को विकृत करता है, उसी मैनर में हमें औषधीय कल्पना भी सोचना चाहिए। आचार्य चरक का यही कहना है कि हमें जहां चिकित्सा की व्यवस्था करना है, चाहे हमें दोष विशेष पर ध्यान व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करना है, या दोष प्रतिनिक चिकित्सा करना है, या अग्नि के अनुसार चिकित्सा करना है, प्रयोजन हमारा यही है कि हम
उस हेतु को चाहे हर से मेंटेन करें, चाहे हम उसको लंगन से मेंटेन करें, मतलब आहार और विहार इसके जहां हमारे विवेचना की है वहां पर हमें उपसय अनुपसय के जो प्रकार बताए उसमें आचार्य ने औषधि अन्न विहार, ये सब चीजें हमें प्रकृति स्थापन के लिए सहयोगी होती है और हमारी चाहे अग्नि की बात आए, चाहे दोष की बात आए, चाहे दुष की बात आए, ये सबको प्राकृत सम्यक अवस्था में प्रकृति स्थापन के साथ प्राकृत स्थिति में लाने का जो प्रयोजन है वो आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से हम कर सकते हैं। सभी हम एक बड़ा छोटा सा स्मरण है, परम श्रद्धेय गुरुवर श्री जीएल शर्मा साहब दोष धातु मनोविज्ञान के टीचर थे, बाद में सल में प्रोफेसर हुए। तो सल में जब वे एक दिन आए तो उन्होंने हमें अर्श की संप्राप्ति बताई, तो वो अर्श किस आ गया, तो वहां उस अर्श की संप्राप्ति से भी हम दूसरी व्याधि की संप्राप्ति के बारे में थोड़ा पंच आत्मा मारुत पित्त कफ गुदवल त्रियम सर्वेद कृप्यति गुदजानाम समुद्भव, तो हमें पांचों वायु के वेदों की परिकल्पना करनी होगी, पांचों पित्तों की, पांच कफों की, सब के बारे में। तो ये ऐसा ऐसी व्याधि है जिसमें सब चीजें सब भेद विकृत होते हैं और गुदा की तीनों बलियां, तो ऐसे ऐसे जो गुरुओं के ज्ञान जो हमारी स्मृति पटल पर बिल्कुल स्मृति परमानेंट मेमोरी में पड़े हुए हैं, उसके बाद हम दूसरी व्याधि की जो कल्पना करते हैं उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कौन से दोष का कौन सा भेद किस रूप में किस अंश में विकृत है, क्योंकि प्रत्येक भेद की जब पांचभौतिक हम स्टेटस देखते हैं उसमें हम पूरे के पूरे उसके विकृति की स्थिति को भी समझने में शायद कुछ ज्यादा पेनिट्रेटिंग माइक्रो एक्सपोज की जा सकती है, चाहे उसको हेतु और लाक्षणिक चिकित्सा के रूप में ले, तो संप्राप्ति संगठना जो हमारी है उस संप्राप्ति संगठना को चाहे हमें निदान परिवर्जन करना पड़े, चाहे हमें प्रत्यापत्ति का ध्यान रखना पड़े, या हमें रोगी को हल्का सा एजुकेट करना पड़े, इन सब को हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हम जब प्रस्तुत करेंगे शायद हमारा आप कहीं कहीं आयुर्वेद मय विद्या के साथ अपनी प्रस्तुति चिकित्सकीय विधा में दे पाएगी, ये हम हमारे बृहत्तरय के मनुष्यों लघुतरय के मनुष्यों की जो आत्मा है जो विशेष सोच है जो विशेष कंसेप्ट है कि हमें आयुर्वेद को बच्चों को आने वाली पीढ़ी को कैसे हृदयंगम करना है, कैसे हम एक जैसे अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि यदि हम सिद्धांततः किसी एक बात को चाहे तो हम बिहार को देख ले, उन्होंने एसी बंद कराया, टेम्परेचर कम कराया, प्लस उनका जो अपथ्य कर रहे थे जो दही जा रहे थे, ये सब चीजें हमारा वैद्य इतनी बारीकियों से जब सोचने लगेगा तो निश्चित ही हम आयुर्वेद में भगवान चरक को उनकी सही श्रद्धांजलि सही शुभकामनाएं दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पूर्ण चरक जयंती की ढेर सारी शुभकामना। अग्निहोत्री साहब हेलो हो गए भाषण जी सर हेलो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे पॉइंट उठाए और विशेष रूप से चरक के सिद्धांतों के चिकित्सा कार्य की भी आपने स्थापना करी, और आज के हमारे पुरस्कार विजेताओं को आपने बहुत बहुत बधाइयां भी दी और आज के दिन की शुभकामनाएं भी सबको करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर पवन शर्मा जी नमस्कार सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ अब केवल सूर्या जी है और तो दे कितने दे दिए तेरे को क्यों जी, सूर्या जी से मैं आग्रह करता हूँ वो अपना परिचय दें और फिर इस कार्यक्रम का समापन दें। सूर्य जी जुड़े हुए हैं, सूर्य प्रकाश शर्मा, यस यस, ओ आदरणीय भाई, अरे अरे आप तो अरे वाह 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 वाह, आपने नाम बदल दिया सूर्य, आप तो आप जो सुना है आपने उसको फीडबैक दे दीजिए जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानि पश्यन्ति माँ कश्चित् भागवत। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी शांति को प्राप्त करें, सभी का मंगल हो और मनुष्य अपने जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थक गया मैं लेकिन इस बार आप आराम करिए, रेस्ट करिए आप। और इस बार महसूस हुआ कि बीमारी की छुट्टी है। अभी तक मेरे को, आज आपको मैं बता दूं, आज मेरा 75वां जन्मदिन है। ये हो चौहत्तरवा कंप्लीट कर लिया, 75वां में आ गया कल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद सर, धन्यवाद सब। चलिए लेकिन उनको वो बता दीजिए जो प्रयागराज में है जी त्रिपाठी, उसी के साथ बता देता हूँ मैं कि मेरे पिताजी बहुत बड़े वैद्य रहे, उन्होंने कलकत्ते से पास किया था जेवी राय से, फिर 40 में पास किया था, 70 में मैंने पास किया, 75 में मेरे भाई ने भागलपुर से किया, 2007 में मेरे बच्चे ने किया बीएमएस, और 2014 में मेरे भतीजे ने किया, उसने एमडी की, अभी वो पीएचडी कर रहा है आईआईएम में, दिल्ली में है वो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ाते नहीं आयुर्वेद में, आयुर्वेद में तो पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैं चेष्टा करता हूँ कि मेरा पोता मैंने इसमें आ जाए तो फिर चार पीढ़ी बोनाफाइड हम आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेद की कर सकते हैं, ऐसी आशा है। और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं और बहुत आनंद, जय धन्वंती, जय आयुर्वेद, ओम 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 शांति। सर प्रणाम, अग्निहोत्री सर, एक मिनट लूंगा मैं आपका जी, बताएं जल्दी बताइए। अभी सर का विशेष जो पीड़ा थी, उस पीड़ा में ये मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैं ये नहीं कहता कि मैंने ब्लॉकेज ठीक किए हैं, परंतु मेरा एक प्रयास रहा है, लोगों को मैंने सुकून दिया है, उसमें जो मैंने प्रयोग किए हैं, मैं दोष का विशेष ध्यान रखता हूँ, दोष के अनुसार जैसे अर्जुन त्वक है, पैतृक दोष में मैंने क्षीर पाक किया, पुष्कर मूल है, साथ ही एरंड मूल त्वक और गसमूल, पुनर्नवा, द्राक्षा, हरित की, यवक्षार, सैंधव, ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म, जैसे हमारे नागार्जुन अभ्र आता है, हृदयान अभ्र आता है, त्रिनेत्र, ये कुछ योग हैं जिनको मैं हृदय के रोगियों में सफलतम प्रयोग कर रहा हूं सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसमें विशेष ये रहता है कि जो एरंड मूल त्वक है और दसमूल क्वाक है, इसका मैं पुनर्नवा मिला के काढ़ा बनवाता हूँ, उस काढ़े के साथ जो भी योग दोषानुसार व्यवस्था बनती है उसको मैं प्रयोग कराता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं सर। और मेरे पास काफी 40-50 रोगियों का अनुभव है, उसमें ये अपन चाहेंगे कि इसको अपन ये लिस्टेड करना है कि इतने, मैं तो सर ग्वालियर से, भोपाल से, ग्वालियर में हूँ वर्तमान, डॉक्टर प्रोफेसर सीपी शर्मा बेसिक में रहा मैं सर, मेरी 38 साल का एक्सपीरियंस। अरे डॉक्टर शर्मा जी, ऐसा है ना, अगर आपके फॉर्मूला है तो काम करता है, तो बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट आपने थोड़ा डाटा कलेक्शन कर लिया है और आपको लगे कि इसमें 65-70% भी मिलते हैं परसेंटेज, तो आप इसको पेटेंट करा सकते हैं। अगर कुछ दम है तो उस ढंग से बनेगी बात,
डॉक्यूमेंटेशन होगा। नीलकंठ होता है ना, नीलकंठ होता है ना, नीलकंठ पत्र, नीलकंठ के जो पंख होते हैं उसका, उसकी उसमें चूंकि ताम्र भस्म ज्यादा होता है, मैंने फाइब्रोइड में यूज किया है शरीर, यूट्राइन फाइब्रोइड में, चार पेशेंट मेरे ठीक हो चुके हैं, पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है उनका। चलिए ये फिर बाद में बात करते हैं हम। ठीक, आपने और देखा होगा व्हाट्सएप तो बहुत ज्यादा चर्चित रहता है, वो नींबू का रस और शहद और लहसुन का पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, बहुत ज्यादा होता है था कि इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और वो जो हमारा जो ये जमा हो जाता है वो खुल जाता है। देखिए हमें तो, हमारा तो अपना एक अलग वो है जिसमें अर्जुन और पुष्कर मूल, एरंड त्वक, एरंड मूल त्वक और दस मूल, ये थोड़ा सा, और कभी यदि मान लीजिए रोगी है और वास्तव में ब्लॉकेज है जैसे सर का था 90% 75%, तो उसमें नागार्जुन, नागार्जुनाभ्र जिसमें अभ्रक वश में और हृदयारण्यक जिसमें ताम्र वश में, इन दोनों का भी शास्त्र क्लासिकल ड्रग के साथ में काढ़े का विशेष में रोल रहा। चलिए मैं सर बाद में चर्चा होती है इस मामले का। ओके सर, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का धन्यवाद, आपने आपने इस डिस्कशन में भाग लिया और ज्ञानवर्धन कराया। मैं समझ रहा हूँ वैसे तो टाइम हो ही गया है, डॉक्टर पारुल जी जुड़ी हुई हैं, हमने उनको रोकना चाहा था उस समय समय हो रहा था, अगर एक दो मिनट में वो अपना कुछ फीडबैक देना चाहें, क्योंकि बाकी तो हमारे प्लेटफॉर्म सभी लोगों की चर्चा कर लिए। वैद्य पारुल जोशी जी, अगर आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो जी आपको थोड़ा बताया जाए। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, तो मैं वास्तविकता में बता रहा था कि आज आपका बहुत ही फ्लो रहा, क्योंकि स्लाइड्स नहीं थे और आप यात्रा करें, आज कुछ लोग वास्तव में चरक की भूमिका में थे, चरय वेद में दो तीन लोगों ने हमारे रखा, बीच में रमी जी भी जुड़े थे, तो आज आप प्रैक्टिकली चरक भी हो गई थी, और आपकी फ्रेंकनेस मुझे इस बात को ये साबित कर रही है कि चाहे वो स्त्री रोगों से मामला जुड़ी हुई समस्याएं हो, परसों कल वो स्तनपान के मामले में था, आज भी एक तो आपका इन्फ्लुएंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा पकड़ है, दूसरे आप जिस तरीके से बताती समझाती हैं और मतलब ऑनलाइन या ऑन टेलीविजन आपको जो इंद्रिय स्थान की बात आपने रखी है दूध के द्वारा, उस सब बहुत ही टचिंग था, मैंने विश्वास किया कि आपके छात्र छात्राएं निश्चित आपसे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रही होंगी, और एक निश्चित रूप जैसे आपने बहुत सारे डिफिकल्टीज जो थी दौर से गुजर रहे थे साइकोलॉजिकली कहिए जो भी कहिए कपल्स के मामले में, आपने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दी, तो मैं आपकी उस एंगल से ही प्रशंसा करता हूँ, आपकी फ्रेंकनेस की भी तारीफ करता हूँ। शायद मैंने लेडीज या जेंट्स कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो जितने मैंने वो कॉन्फिडेंस आप पर दिखाता है, आपको बताता है आपकी बात, अपनी बात, वैसे ही आप उसको उसी के अंडरस्टैंडेबल टर्मिनोलॉजी में उसको कन्विंस करते हैं, ये आपका पॉइंट मुझे एक इतना स्ट्राइक कर गया कि शायद पवन जी के गुजरात जामनगर की इसकी ये शायद ये माटी का असर है, और उसको आप गांधीनगर में भी कर ही रहे हैं और आपको समान रूप से मिलवाने की बात बनेगी, तो आप थोड़ा अपना फीडबैक दीजिए अभी आज आप अग्निहोत्री साहब। चलो आप एक बार बोले थे शी इज अ गुड टीचर और आई एम रियली अ टीचर और हर चिकित्सक, हाँ जी आप बोले थे पहले एक बार बोले थे आप, तो आपने साहब है ना वो लंदन वाले साहब उनके साथ आप डिस्कस कर रहे थे और मैं ऐसे ही सुन रही थी, तो आप बोले थे डॉक्टर नवीन मैं कभी प्रोफेसर नहीं बनी साहब, मैं हरदम टीचर ही बनी, और मैं लकी इतनी हूँ कि मेरे नानी, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे ससुर सभी टीचर्स थे, तो इट्स इन माय ब्लड, और ससुर जी जो है उन्होंने तो इतना खुला दौर दे रखा था और मार्गदर्शन भी इतना बढ़िया देते थे कि पिताजी से वो ज्यादा नजदीक थे, बिल्कुल तो, परिलक्षित होता है, वही परिलक्षित होता है। I also belong to a teacher education family, बिल्कुल सत्य है, टीचिंग हमारे जीन्स में है, उसी का प्रभाव है कि आप फ्री फ्लो में बात करते हैं, नहीं सर एज गैप खत्म हो जाता है जी। फैमिली ने तो सिर्फ सिखाया ही था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो मेरा स्टेज फियर जो दूर किया
वो मेरे अखंड आनंद के गुरुजियों ने किया और सभी की मैं तहे दिल से हर कदम शुक्र गुजार रहती हूँ। और आईपीजीटी के साहब, वो प्रजापति साहब हो या हमारे शर्मा साहब हो, सभी ने भी इतना योगदान दिया है। बघेल साहब को तो मैं कभी भूल नहीं सकती, वो दिवंगत है लेकिन ही इज ऑलवेज विथ मी, आई कैन फील हिज ब्लेसिंग्स। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ऐसे मिले, इन लॉज ऐसे मिले, फैमिली ऐसा मिला। और आई प्राउडली से कि लोग बोलते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री होती है, तो मैं प्राउडली बोलती हूँ कि हर सफल स्त्री के पीछे पुरुष का बलिदान भी होता है, वो चाहे पिता हो, भाई हो, हस्बैंड हो या बच्चे हो, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन अवर अचीवमेंट्स। तो साहब ये जो आप देख रहे हैं वो इन सभी का सम्मिलित रूप है, तो मैं इन सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और महर्षि चरक है ही ऐसे, मैं ऐसे लकी हूँ, बच्चों के लिए पुस्तिका आती है हमारे यहाँ पे बाल भारती में, तो उसमें महर्षि चरक पे पुस्तिका लिखने का मुझे सद्भाग्य मिला। उस वक्त महर्षि चरक का उस बाल कैसे उसको पढ़ेगा, कैसे समझेगा, इस तरह अध्ययन करके वो पुस्तिका मैंने लिखी थी। तो वो जो है वो मुझे काफी मदद कर जाती है जब भी मैं महर्षि का अध्ययन करती हूँ। तो वैसे मेरे प्रिय जो है वो, मैं धन्वंतरी संप्रदाय से हूँ साहब, तो महर्षि सुश्रुत जितने मुझे नियर टू हार्ट है उतने तो महर्षि चरक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका जो पढ़ाने का तरीका है, गुरु शिष्य परंपरा की जो उनकी बात है वो बहुत बढ़िया है। और उसी का अगर अमल किया जाए तो हम जो बोलते हैं कि नात्मार्थम नापि कामार्थम अथ भूत दयाम प्रति, महर्षि सुश्रुत का वाक्य है, लेकिन हम चरक संप्रदाय में भी इसका अमल करके आयुर्वेद का जय जयकार तो करेंगे ही करेंगे, मनुष्यता का भी जय जयकार होगा। तो मनुष्य जो है, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। तो वो जो है मनुष्यता, उसको हम पुनः स्थापित कर पाए तो काफी सारी दिक्कतें जो आज है ग्लोबली, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो वैदिक परंपरा है और पंचम वेद हम है, तो वो संपन्न हो पाए, तो ये चरक को अंजलि है। और तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ सब, महर्षि चरक का तो नाम देना भी बहुत पवित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सदाशयता के साथ बहुत ही सॉफ्टली अपनी बात रखी। ये आपकी विनम्रता ही आपकी जो मानता की द्योतक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सब। आराम से कल से हम लोग, कल दो वेबिनार्स हैं, एक वत्सनाव 6 बजे से अपनी 8 बजे तक खत्म करेंगे 8:30 तक, और 8:30 से फिर ये चरक वाली ज्वाइन होगी, वो एक ही लिंक रहेगी लेकिन दो वेबिनार अलग अलग रहेंगे। धन्यवाद। काउंट भी एक ही होगी ना? नहीं, अलग अलग है सर, वो तो सीधी जी अलग है। अच्छा, वो सीधी अलग, सीधी जी पूरी अलग है। अच्छा, ये अपनी है नॉर्मल। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप म्यूट। अच्छा ठीक, तो हम अपना कंप्लीट करें। जी सर। थैंक यू। नमस्कार। आज के नागपंचमी दिवस और चरक जयंती की आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। और हमने आज इस शुभ मंगल दिवस पर 417th वेबिनार का आयोजन किया, जिससे हमारे सहयोगी रहे आज IREs, विश्व आयुर्वेद परिषद, IIIREs, मेडफॉर्मा, CRO, और सबने मिलके आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। अच्छा लगा कि आज हमारी स्ट्रेंथ 37 तक पहुंच गई थी और कुछ उसमें चरक, महर्षि चरक के क्रम में चलायमान भी थे और जुड़ते रहे, बीच में लोग आते जाते रहे। सबसे पहले उन सबको स्मरण कर ले जिससे कि वो आज के हमारे वेबिनार के भागीदार बने, प्रोफेसर BP शर्मा साहब, डॉक्टर निशांत त्रिपाठी जी, वैद्य राजेश जयेश ठक्कर जी, वैद्य गोविंद शुक्ला जी, डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी, डॉक्टर रामपाल सोमानी जी, डॉक्टर जगदीश्वर डोमा जी, डॉक्टर बरखा सी रावेली जी, प्रोफेसर विष्णु प्रिया दास जी, डॉक्टर CP शर्मा जी, डॉक्टर
निखिल बख्शी जी, डॉक्टर पद्मा जी, डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी, अगेन हमारे पास रहे हैं डॉक्टर प्रजक्ता तांबोलिकर जी, वैद्य नवीन गुप्ता जी, वैद्य राजन पटंकर जी, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी और प्रोफेसर के द्विवेदी जी, डॉक्टर कामिनी धीमान जी, डॉक्टर सुनीता पांडे जी फ्रॉम पटना, एंड अगेन अवर डॉक्टर अजय शर्मा जी फ्रॉम उदयपुर, डॉक्टर परीक्षित देवनाथ जी, डॉक्टर अश्विनी भार्गव जी, डॉक्टर अवधेश अभिषेक शर्मा जी, और डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी जी, डॉक्टर अकरक्या प्रज्ञा जी, प्रोफेसर अवर गुरु जी प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी. इन अलॉन्ग विद दीज ग्रेट गाइज वी आर ऑल्सो हैविंग अवर ग्रेट ग्रेट पर्सन्स टू डिग्निटीज टू हुम दिस प्लेटफॉर्म ऑर्नामेंटेड विद द चरक शिरोमणि अवार्ड. द फर्स्ट वन गुरुजी प्रोफेसर वैद्य बनवारीलाल गौड़ जी, एक्स डायरेक्टर एनआईए, एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, एंड वैद्य तपन कुमार वैद्य जी, डॉक्टर एंड अवर गेस्ट स्पीकर्स वर डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी फ्रॉम नागपुर, डॉक्टर भूपेन्द्र मणि त्रिपाठी जी फ्रॉम कौशाम्बी, डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, अदर पर्सन अवर प्लेटफॉर्म ने जिन्होंने जोड़ा है, डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी, एंड डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम जी, इज ऑल वर देयर, एंड अवर स्पीकर टू गेस्ट स्पीकर वर देयर. सो nothing to say and nothing can be added as Charak itself declares that it is complete. Whatever is there is everywhere in world, and whatever in world that is there in Charak Sangeeta, that gives great information that Yatha Pinde Rahave Mande. So in that way the whole things were calculated bahut hi ek soft tarike se, bahut hi simplified way mein. प्रोफेसर बनवारीलाल जी ने आयुर्वेद के अवतरण के बारे में जो एक तथाकथित प्रकाश डालने वाली बात थी जो चली आ रही वो तो की ही, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक एक क्रम को बताया उससे जाहिर हुआ कि कौन सच्चे अर्थों में कर्मठ कार्यकर्ता रहे और कौन ने जैसा ज्ञान लिया भेज दिया, जैसे कि इंद्र जी ने और लोगों ने जो जैसा ऐसा भेजा, लेकिन जिन्होंने कार्य किया उनमें हमारे विशेष रूप से अग्निवेश जी रहे, और इसलिए जो अथोवाचवान अत्रेया ने जो बात कही है तो ये बात वो कहलवा पाए अग्निवेश कृते तंत्र के क्रम में. परम मतलब संपन्न प्रतिभा संपन्न जो शिष्य हुए अग्निवेश जी, उन्होंने आत्रेय जी की वाणी को दिया और बड़ी ईमानदारी से डिक्लेयर भी किया कि ये वाणी उनकी है, स्टफ उनका है और हम उसको एसिमिलेट करके और इसको कंपाइल कर दे रहे हैं. बाद में चरक जी ने जो काम आगे रखा हो एक चरक संहिता के रूप में दिखाई पड़ी. हमें सौभाग्य मिला है सुनने पढ़ने का प्रोफेसर एल गुरु साहब के पास बैठ के, प्रोफेसर श्री शुक्ला जी के पास बैठ के, प्रोफेसर ज्योतिर्मित्ता जी के पास बैठ के, और उन्होंने सब बताया. विशेष गुरु साहब जब हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद बताते थे तो कहते थे कि हिस्ट्री में 100 ईयर माने नहीं रखते हैं, 100 साल आगे या 100 साल पीछे. तो आज हमारे प्रोफेसर बनवारीलाल जी जो कह रहे थे कि वो 7th की बात थी, फिर 7th से लेके 18th तक का उन्होंने पूरा जो एक आयुर्वेद का अवतरण हुआ उसकी चर्चा की, तो उस क्रम में बहुत ही सिंपली वजह से कि डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने खुद कहा कि हाँ मुझे ये जानकारी मिली तो मुझे अच्छा लगा कि एक बात तो ना केवल आयुर्वेद के इतिहास रिवाइज हो गया बल्कि साथ साथ एक उसका जो डिसेंडिंग था वो किस तरीके से आया वो उसकी सामने आई. और प्रोफेसर बीर गौर साहब ने कहा कि हम पता नहीं आपने मेरे विचारों को इच्छा से सुना या अनिच्छा सुना, तो सत्य तो ये है हम सभी ने उनके विचारों को इच्छा से सुना और बड़ी अनिच्छा से उनको विदा किया. मतलब मैं नहीं चाहते थे उनको उनके उस वाणी को रुकावट मिले, क्योंकि लेकिन चूंकि और लोग थे उन्होंने चाहा कि अब और लोग ही बोले, तो हम लोग हमेशा इच्छा बनी रहेगी उनके आशीर्वचन और उनका चरक के प्रति और चरक संगीता के प्रति जो ज्ञान है वो हमको समय समय पर मिलता रहे. बहुत ही गहराई से बहुत ही उन्होंने पूरे जो 8-9 सिद्धांत बताए कि हम शेषनांग को ही माने या कृष्ण आयुर्वेद की धारणाओं को रखें, योगी को चरक माने या चरक को योगी माने, मैंने पतंजलि को माने, नागेश भट्ट जी ने क्या कहा, पूरी 7वीं सदी पहली से लेके और 18वीं सदी तक की सारी चर्चाएं की, बहुत गहराई से बताया.
और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उस जमाने में स्वांतः सुखाए लोग लिखते थे, नाम नहीं देते थे। और सही बात है, ये अपने में हमेशा के लिए जब वो लोग नहीं है, कि इतिहास का विषय बने रहेगा, डिस्कशन का विषय बने रहेगा कि अंततः चरक संहिता के जो जिन्होंने पित संस्कार किया वो चरक साहब महर्षि चरक कौन थे, कब पैदा हुए थे, कहाँ कहाँ रहे, लोग जोड़ रहे हैं कि चरक का डांडा से चले थे। और हमारे यहाँ आयुर्वेद के इतिहास में आता है कि वो फरुखाबाद नगर के कांपेली क्षेत्र तक गए थे, वहां तक संकिसा जो इनका बौद्धों का क्षेत्र माना जाता है, वहां तक महर्षि चरक आचरण विचरण करते हुए पहुंचे थे। लेकिन जो दूसरे हमारे आज के सम्मान प्राप्त वैद्य तपन जी हुए, उन्होंने जो भूमिका बताई अपनी और उनका लगाव जो बताया वो गोपिका के समय बताया, तो वो बिल्कुल चरितार्थ होने बात ही है। आप किसी से भी मन लगा सकते हैं, आप किसी से भी दिल लगा सकते हैं, आप किसी को मनोभाव से स्वीकार कर सकते हैं, फिर वो ये मत सोचे कि पुस्तक है। वो सच बात थे कि उन्होंने चरक संहिता को पर्सनिफाई कर दिया है और उसको एज अ पर्सन मान के उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हम उनसे इतनी मैंने लगाव रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। और मुझे याद आया 1995 में BHU में प्रोफेसर ज्योतिर्मित्रा जी ने चरक सिंपोजिया आयोजित किया था, हम सब लोग उसमें गए थे। और वहां पर शाम को जो कल्चरल प्रोग्राम था, तो वहां बच्चों ने MD स्कॉलर्स ने एक जो गीत उसमें चल रहा था उस पर पैरोडी बनाई थी। गीत था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसके ही ग्राउंड पर उन्होंने सुनाया था कि एक चरक को देखा तो ऐसा लगा कि जीने का रहस्य, ये जीवन का दर्शन, ये स्वास्थ्य का भंडार, और क्या क्या उसी ट्यून में गाया था। तो वही चीज है, जब इतनी चीजें हैं, वो मल्टीफेसेट है, तो क्यों ना वैद्य तपन जी जो है उसको अपने उस रूप में आत्मसात कर ले गए जो उनके मनोभाव थे। तो दोनों ही आज चरक शिरोमणि के अलंकार से सम्मान से भूषित किए गए, उनको बहुत बहुत बधाई। और वस्तुतः वो डिजर्व करते हैं, इस बात की कोई संकोच वाली बात नहीं है। ये सम्मान उनको वैद्य बनवारी लाल गौड़ जी के साथ मिल रहा है, आपकी अपनी अपनी फील्ड है। और चरक तो सम्मान ऐसा है कि कितने प्लेटफॉर्म से कितनी बार कितनों को मिल चुका है, तो उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारी चर्चा हुई हमारे जो हमारा चरकाष्टक सुनाया हमारे डॉक्टर रामतीर्थ जी ने, हमें मालूम है कि उनकी निष्ठा चरक के प्रति, आयुर्वेद के प्रति तो है ही, साथ साथ संस्कृत के प्रति भी है। और उन्होंने जो ये पद्य बनाए ये गेय हैं, और गेय होने के नाते उन्होंने उसको जो उसको गा के जो स्तुति दी है हमारे आर्काइव में आ गया, रिकॉर्ड में आ गई है, जब भी आदमी मन चाहेगा तो उसको दोबारा तिबारा सुन सकेंगे। तो हमारे डॉक्टर रामतीर्थ जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसे ही कुछ और स्थानीय भाषा में या ब्रजभाषा में बनाते रहें तो हम लोग और से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे हमको आज गोविंद शुक्ला जी का भी आशीर्वचन प्राप्त हुए, और दूर दराज से बैठे भाई हमारे सुरेंद्र चौधरी जी ने भी आज, क्योंकि उनके यहाँ समय 10 बज रहा था, तो उन्होंने भी अच्छे से जुड़ने का लाभ उठाया। सूर्य प्रकाश जी ने अपनी, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे 75 साल का आज उन्होंने जीवन पूरा किया, उनको ईश्वर शतायु करे और 77 आयु करे। और साथ में उनको जो अभी बृहस्पतिवार को हार्ट अटैक आया, जिसके तहत उनको 99% ब्लॉकेज निकला, और उन्होंने स्टंट देने के बाद आज फिर से अपने आशीर्वचन हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म को दिए। तो रियली उनका आयुर्वेद के प्रति और उनका स्वास्थ्य के प्रति कितना कमिटमेंट है, ये हम लोगों का अनुकरण करने के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा आज का उनका जुड़ाव। और अंत तक हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, तो सूर्य प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने एक जिज्ञासा रखी कि इस तरीके से आयुर्वेद की कुछ ऐसी कार्यक्रम रखा जाए, जिस पर कि हमारे अमित जी ने बात बनाई, विजय जी ने, कि हमारा जो नित्य आहार विहार से भी वाली बात है, वो तब तक तो प्रैक्टिकल लगता है जब तक इंसान का सही स्वास्थ्य सब कुछ चल रहा है। जब रोगाक्रांत हो जाते हैं तो फिर बहुत संभल के चलने की बात होती है, चाहे वो आहार विहार, चाहे वो विहार हो, चाहे आहार हो, और उम्र के अनुसार, शरीर की डिमांड के अनुसार ही हमें अपने खान पान में, अपने आचरण में अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो बढ़ती उम्र के साथ में भी साथ देता रहता है। विजय जी ने बहुत गहराई से आयुर्वेद के चरकोक्त सभी सिद्धांतों की चर्चा की, जिसमें सात में इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, साथ में त्रिसूत्र जो सिद्धांत बताया है, हेतुलिंग औषधि के बारे में डिटेल से बात की। एकेडमिक बहुत है लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए हमारे भूपेन जी फिर प्रकट हुए, और भूपेन जी ने बताया कि जहां एक तरफ उनके पास मूलनी फलनी से लेके और दैवगुण से युक्त हमारी जो हर्ब्स की नॉलेज, जिसको की जिसके द्वारा उन्होंने MD बनाया, लेकिन छात्र जीवन से ही उनके पास जो चरक की एक अप्रोच थी, चरक के सिद्धांतों के बारे में उनकी जो कसक थी, जिसको उन्होंने चरक
शिक्षण के द्वारा स्थापित किया, आज भी अनवरत उनके द्वारा मार्गदर्शित ग्रेजुएट छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी हमारे लिए खुशी है, उनको शाबाशी और बधाई देने की बात है। वो देश के माने हुए मैंने MD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बच्चों की तैयारी कराने में उनका नाम आता है, और साथ साथ अब वो चूंकि चिकित्सा अधिकारी भी हो गए हैं तो चिकित्सा कार्य भी अच्छे से कर ही रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत बहुत सारे अनुभव भी हम लोगों के साथ शेयर किए, और अच्छी बात है, उनको तो कीप इट अप के लिए ही हम कहेंगे कि उनको शाबाशी है कि इस कार्य को उसी ढंग से आगे बढ़ाते रहें। गहराइयां बहुत है सिद्धांत में, हम प्रैक्टिकली उसका 10% 1% भी प्रैक्टिकल लाइफ में ले पाए तो शायद हम उस जो हमारे दोषों के विकृत होने से होने वाले जो रोग हैं उनको समय रहते हुए दोतों के संचय अवस्था के समय ही पकड़ सकते हैं। तो ये एक चिकित्सा पर सिद्धांत होगा। तो मैंने कहा ना कि बड़े बड़े वकीलों के यहाँ जो बहुत बहुत ऑर्डिनेंस रखे रहते हैं लॉ की बुक्स में, उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकल जब प्रैक्टिस करके वो लीगल प्रैक्टिस से जीताता है मैच को, मैंने उस पिटीशन को, तभी उसकी वाहवाही है। तो वही हाल हमारा है, हमारे पास ऑर्डिनेंस तो पूरा आचरण संहिता पर नहीं हुई है, और भी व्रत रही है हमारे पास, लघु रही है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको प्रिंसिपल्स के आधार से निकाल के हम कुछ कर सकेंगे तो जनमानस की अच्छी सेवा हो सकेगी। और हमारे आज के हमारी चौथी वक्ता रही वैद्य पारुल जोशी जी, एज यूजुअल उन्होंने हमेशा बड़ी गहराई से विषय को समझा पकड़ा, और आज भी उन्होंने अपने दृष्टांतों के द्वारा यह सिद्ध किया कि आयुर्वेद के सिद्धांतों पर स्थापित होके यदि हम चिकित्सा कार्य करते हैं तो हम VIP VVIP और मरणासन्न या भयाक्रांत लोगों पर भी या मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत से प्राप्त लोगों पर भी अच्छे से आयुर्वेद के सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल अनुभव फलीभूत करते हुए देख सकते हैं। फिर चर्चा हुई हमारे आज के मैंने भार्गव साहब की, उन्होंने भी आशीर्वचन दिए, और डिस्कशन शुरू हुआ, CP शर्मा साहब ने अपनी सारी बातें वही आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में चर्चाएं की, और सूर्य प्रकाश जी ने फिर से अपनी बात रखी। तो मैं समझता हूँ कि आज की चरक संहिता के क्रम में जो चरक जयंती का आयोजन हुआ बड़ा सफल आयोजन रहा, और खुशी की बात IRES के लिए ये रही कि उन्होंने डॉक्टर पवन शर्मा जी ने अपने पूज्य पिताजी के नाम पर जो चरक श्रोमणी अवार्ड दिया तो वो बहुत ही सम्मानित मनीषियों को दिया, हमारी ओर से उन सबको बहुत बहुत बधाई भी, और आज के सारे हमारे गेस्ट स्पीकर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और उन समस्त लोगों को जिन्होंने आज के प्लेटफॉर्म सेवा बढ़ाई, हम लोग 37 तक पहुंच गए थे। नवीन जी आज नहीं चर्चा कर पाए, कुछ लिखा था उन्होंने, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत हर जगह हर किसी को पढ़ा है, जिसने BMS किया है यहाँ तक पहुंचा है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओवर टू डॉक्टर पवन शर्मा जी, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका भी और सभी का, धन्यवाद धन्यवाद। आप ऐसी विस्तृत विवेचना करते हैं हर स्पीच की, गजब गजब सर, थैंक यू ऑल। कल दो वेबिनार्स हैं, दो वेबिनार में मिलते हैं, 6 बजे से 8 बजे तक वत्सनाप और 8:30 बजे से चरक।